श्रीलंका ने चार विकेट लूज जरूर की, लेकिन उसके बाद श्रीलंका की टीम अब देख लेते हैं कि किस अंदाज से करती है कम बैक। ऑन बैट जगेंद्र स्किन को स्क्वायर लेग एरिया में खेला और एक रन को किया है पूरा सिंगल के हिसाब के साथ। बढ़ता हुआ स्कोर अब हो चुका है 49-4 के नुकसान पे। 8 ओवर्स और एक गेंद का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। Nicely played it towards leg side. तो बढ़ते हुए मुकाबला ये आगे, यहाँ पर अब मैथ्यूज ने बनाए हुए 4 रन 11 गेंदों का किया हुआ है सामना। श्रीलंका ने बनाए हुए 17 रन 13 गेंदों का किया हुआ है सामना। यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज जिन्होंने स्किन को बैकफुट पर रहते हुए पंच किया, पॉइंट के एरिया में बेहतरीन फील्डिंग, पॉइंट के फील्डर की लाजवाब फील्डिंग, डाइव करते हुए उन्होंने स्किन को रोका है और बचाया है यकीनी चौका। 49 है स्कोर 4 के नुकसान पे 8 ओवर्स और 2 गेंदों के बाद। यहाँ पर ओवर की अगली गेंद को एक बार फिर से पॉइंट के एरिया में खेल दिया एक और डॉट डिलीवरी, डॉट के साथ 49-4। थोड़ा और एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं तो सीरीज में एक सिर्फ फर्स्ट से जिम्बाब्वे की टीम आगे होती। जी बिल्कुल, जिम्बाब्वे की टीम के पास एक गोल्डन चांस था पिछला मुकाबला जीतने का, लेकिन आखिरी 2 ओवर्स के अंदर टीम जिम्बाब्वे ने जो रन्स दे दिए वो 26 रन्स खा गई टीम जिम्बाब्वे। ओवर की अगली गेंद को बल्लेबाज ने खेल दिया है ऑफ साइड में, कोई भी एक रन लेने का मौका, और इस एक रन को पूरा करते हुए अब स्कोर को पहुंचा दिया 50 पे 4 के नुकसान पे 8 ओवर्स और 4 गेंदों के बाद। मैथ्यूज ने 5 बनाए हुए 14 गेंदों का किया हुआ सामना। श्रीलंका ने 17 बनाए हुए हैं 13 गेंदों का किया हुआ सामना। यहां पर ओवर खेली गेंद ऑन पैट जगेंद्र जिसे खेलते हुए स्क्वायर लेग एरिया में एक और सिंगल को पूरा किया गया सिंगल के इजाफे के साथ। सिंगल के इजाफे के साथ अब बढ़ता हुआ स्कोर 51-4। आठ ओवर्स और 5 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। ओवर की अगली गेंद को बैकफुट पर जाकर पंच किया, सीधा कवर्स के एरिया में खेला एक और डॉट। तो ओवर का खेल पूरा, पहली गेंद के ऊपर 5 रन आए वाइट्स की सूरत में, लेकिन उसके बाद अगली जितनी भी गेंदें थी 6 गेंदों के ऊपर 3 रन आए और 54 गेंदों के ऊपर 51 रन है टीम श्रीलंका 4 विकेट के नुकसान पे। क्या लगता है कि बनेंगे कितने रन इस टीम के इस हवाले से, दीजिएगा आप हमें जल्द से जल्द बता। काफ़ी धीमी जो है वो क्रिकेट खेली जा रही है टीम श्रीलंका की तरफ से, लेकिन यह है कि श्रीलंकन टीम जो है वो यहाँ पर अब विकेट को बचाकर एक पार्टनरशिप लगाकर आखिरी 6-7 ओवर्स के अंदर हिटिंग मूड में आ सकती है। लेट्स सी कि अब ऐसा हो पाएगा नहीं। ओवर का खेल अब पूरा हुआ, अगले ओवर की अब शुरुआती गेंद। ओवर की शुरुआती गेंद ऑन पैट गेंद जिसे खेलते हुए स्क्वायर लेग एरिया में एक रन को पूरा कर लिया गया सिंगल के हिसाब के साथ। बढ़ता हुआ स्कोर 52-4। टोटल होगा कितने रन्स का इस हवाले से देना है आप सभी ने हमें जल्द से जल्द बता। 20-20 ओवर्स का ये मुकाबला है और एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिल जाएगा इन दोनों ही टीम्स के दरमियान। यहाँ पर सिकंदर रदा बट अपने ओवर की अगली गेंद लेकर एक बार फिर से आए, गेंद किया, इस गेंद को बैकफुट पर रहते हुए बल्लेबाज ने पंच कर दिया है और मिस फील्डिंग के चलते हुए मिल गया है ये चौका। लेट कट किया इस गेंद को और सिकंदर बट जो है वो आज रन्स को थोड़ा लीक करते हुए रन्स को थोड़ा खा रहे हैं। अब चौकी की मदद से अब 56 है स्कोर 4 के नुकसान पे। और यहां पर अगर बात की जाए तो इस ओवर के अंदर 5 रन आ गए हैं पहली 2 गेंदों के ऊपर। सिकंदर रदा ने 8 गेंदों के ऊपर दे रखे अभी तक 14 रन। ओवर की है अगली गेंद ऑन पैट गेंद, इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन एरिया में एक रन का इजाफा। T20 वर्ल्ड कप में लगभग 8 टीम्स फर्स्ट टाइम हिस्सा ले रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, काफ़ी ज़्यादा टीम्स जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर हमें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर ओवर की अगली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, खेल बैठे ये प्लेयर इस गेंद को आप इस बॉलर के पास, कोई भी रन नहीं आया 57-4। अगर इसी अंदाज से ये टीम खेलती है तो एक अच्छा स्कोर बन सकता है, लेकिन इस बार इस गेंद को उठा दिया है कवर्स के एरिया में गेंद हवा में और ये गेंद सीधा जाकर फील्डर के सामने गिरी है। एक रन का इजाफा 58 पे है 4 आउट 9 ओवर्स और 5 गेंदों के बाद।
तो स्कोर 58-4। यहाँ पर ओवर खेली गेंद, इस गेंद को बैटर ने मिड विकेट के एरिया में खेला और कोई भी रन नहीं आया। यहाँ पर अब स्कोर 58-4 और 10 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा। तो दोस्तों 10 ओवर्स के बाद 58-4 आउट हैं और 10 ही ओवर्स का खेल अभी होना है बाकी। SRSS सीना वेलकम टू द लाइव, श्रीलंका विल विन दिस मैच, लेट्स सी ब्रो व्हाट हैपेंस, वी विल वेट एंड सी व्हाट विल हैपन हियर। सो 58-4 आउट, 10 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा। लंका को 58 ठीक हो गया, अब बाउंड्री लगाएं, चौके और छक्के लगाएं। चलिए देखते हैं कैसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगले ओवर की अब शुरुआती गेंद होगी। विकेट को लूज करना ये टीम जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो गाइस पहली गेंद लेट कट किया इस गेंद को, शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के पास गई ये गेंद जिन्होंने इस गेंद को किया है अब फील्ड। 58-4 आउट, 10 ओवर और एक गेंद का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। यहाँ पर ओवर खेली गेंद, दो इस बार गेंद को हवा में खेल दिया था वापस बॉलर के पास और कैच आउट होते होते बाल बाल बचे ये प्लेयर। स्कोर 58-4। यहाँ पर ओवर खेली गेंद को जो कि ऑन पैड्स थी मिड विकेट के एरिया में खेला और मिड विकेट के एरिया में खेलते हुए एक रन को पूरा किया। सिंगल के इजाफे के साथ अब बढ़ता हुआ स्कोर दूसरे के लिए भी आ चुके हैं ये दोनों ही प्लेयर वापस। 60-4 आउट, 10 ओवर और 3 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। दोस्त बोलते हुए कि श्रीलंका की टीम जो है वो 14वें-15वें ओवर के अंदर जाकर तेज क्रिकेट खेलेगी। हसरंगा उनके पास मौजूद हैं, दासन शानका उनके पास मौजूद हैं, तो विकेट्स उनके पास हैं। जो चीज़ करने की यहाँ से ज़रूरत है वो ये है कि 70-75 तक तो ये टीम जाए और उसके बाद जो है वो हिटिंग स्टार्ट करे। ऑन पैड से गेंद स्किन को स्क्वायर लेग एरिया में खेला और स्क्वायर लेग एरिया में खेलते हुए एक रन को दौड़ लिया। सिंगल के हिसाब के साथ 61-4 आउट, 10 ओवर और 4 गेंदों का खेल जो कि हो चुका है पूरा। नाम के साथ बोल दिया करें कमेंट वासिफ भाई, छोटा कमेंटेटर कहाँ है, स्टडी कर रहा है क्या? जी बिल्कुल, छोटा कमेंटेटर नीचे ही है, वो ऊपर नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली वो स्टडी ही करनी चाहिए उसको फिलहाल। ऑन पैड अगेन दिस गेंद को बैकफुट पर रहते हुए स्क्वायर लेग एरिया में खेला और स्क्वायर लेग एरिया में खेलते हुए एक रन को पूरा किया। सो 62 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 11 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा और 9 ओवर्स का खेल अभी इस मुकाबले के अंदर, इस इनिंग्स के अंदर जो है वो होना बाकी है। लेट्स सी कि ये टीम बनाती है कितने रन्स। यहाँ पर अब हिटिंग मोड में आना होगा, तेज क्रिकेट जो है वो इनको खेलनी पड़ेगी जिसमें अब देखते हैं कि इनको कामयाबी मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली। अरे भाई तो दोस्तों 62-4 आउट। अब क्या लगता है कि टीम श्रीलंका जो है वो कितने रन्स को बनाने वाली है, इस हवाले से दीजिएगा आप सभी दोस्तों में बता कि आप के ख्याल से टीम श्रीलंका जो है वो इस मुकाबले के अंदर बनाएगी कितने रन्स को। श्रीलंका की टीम का स्कोर लगभग 140 के आसपास तो होना ही चाहिए, क्या ख्याल है दोस्तों? सिकंदर रदाबट जिनके ओवर की ये पहली गेंद, इस गेंद को बैकफुट पर रहते हुए बल्लेबाज ने मिड विकेट के एरिया में खेला, मिड विकेट की पोजीशन पर फील्डर तैनात जिन्होंने किया इस गेंद को फील्ड। कोई भी रन नहीं आया इस गेंद के ऊपर। यहां पर ओवर खेली गेंद को डाउन द ग्राउंड हिट किया है जोरदार तरीके से, लेकिन ये गेंद गई वापस बॉलर के पास, कोई भी रन जो है वो लेने का मौका यहां से भी मौजूद नहीं। डॉट के साथ अब स्कोर की बात की जाए तो स्कोर उतने का उतना ही गेंदों के अंदर होते हुए इजाफा। यहां पर अब एंजेलो मैथ्यूज हैं स्ट्राइकर एंड पे मौजूद ओवर खेली गेंद को, जिन्होंने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की लेकिन वो इस गेंद को जो है वो
लेग साइड में उठाने में कामयाब नहीं हो पाए और डॉट के साथ अब स्कोर 62-4 11 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। सिकंदर रबट जो है वो अच्छी नपीतुली बॉलिंग करते हुए विकेट बॉलिंग को जो है वो कंटिन्यू रखते हुए सिकंदर रजा बट 62-4 11 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। चौथी गेंद रहेगी अभी इस ओवर की, सामना करेंगे एंजेलो मैथ्यूज और एंजेलो मैथ्यूज ने 23 गेंदों के ऊपर 11 रन बना रखे हैं जिन्होंने इस ओवर के लिए गेंद को बैकफुट पर जाकर पंच किया, जोरदार तरीके से लॉन्ग ऑन एरिया में खेलकर एक और सिंगल को पूरा किया। सिंगल के इजाफे के साथ रेसर पे हैं 4 आउट 11 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। तो 63 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 11 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। यहाँ पर सिकंदर रदाबट जिनके ओवर की अगली गेंद, इस गेंद को बैटर ने कवर्स एरिया में ड्राइव किया, अच्छा शॉट, एक रन का इजाफा, दूसरे के लिए भी वापस आने की कोशिश लेकिन सिंगल ही बन पाएगी। उमदा फील्डिंग डिस्प्ले जो कि बाउंड्री लाइन के ऊपर मौजूद फील्डर की तरफ से देखने को मिला है, एक रन तक उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया और ज़्यादा रन जो है वो नहीं लिए। यहाँ पर अब स्कोर 64-4 11 ओवर्स और 5 गेंदों के बाद लास्ट डिलीवरी है इस ओवर की और सामना करेंगे इस गेंद का बैटर एंजेलो मैथ्यूज। यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज ने लेट कट करने की कोशिश की, इस गेंद को अपील हुई कैच की लेकिन नॉट आउट का सिग्नल दिया गया है अब अंपायर की तरफ से। बेहतरीन ये गेंद और बल्लेबाज ने इस गेंद को बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश की लेकिन नाकाम। सर क्या आप सुबह को लाइव आएंगे? जी बिल्कुल भाई, सुबह के वक्त पाकिस्तान और टीम न्यूजीलैंड का मैच लेकर हम आपके साथ लाइव आने वाले हैं, सो उसके लिए भी आप हमें ज्वाइन करिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुबह 4 बजे के अराउंड जो है वो हम आपके साथ लाइव आ जाएंगे, 4 बजे के आसपास, क्योंकि 4:30 बजे जो है वो मुकाबले का टॉस होगा और उसके बाद 5 बजे मुकाबले की शुरुआत हो जाएगी, तो हम आपके साथ लाइव आ जाएंगे सुबह के वक्त, कल सुबह के वक्त जो है वो हम आपके साथ लाइव आने वाले हैं। टारगेट कितने रन्स का रहेगा? दोस्त बोलते हुए कि टारगेट 123 रन्स का रहने वाला है, चलिए देखते हैं कि कितने रनों का ये टारगेट रहता है। और अब यहां से बड़े शॉट्स लगाने की जरूरत होगी। ओवर के लिए गेंद को डाउन द ग्राउंड हिट किया है मिडल ऑफ द बैट, पहली ही गेंद 6 रन्स के लिए स्टैंड्स में। बहुत ही उम्दा अंदाज से खेला गया ये शॉट, गेंद को मिडल ऑफ द बैट स्मैशिंग वे में खेला 6 रन्स के लिए और इस छक्के की मदद से अब 70-4 आउट। सत्तर पे चार आउट, 12 ओवर्स और एक गेंद का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। What a shot this by Charithaslan का, बहुत ही उम्दा ये शॉट। और के बगली गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से आई, गेंद क्या ये गेंद जो कि ऑन पैड सी स्किन को बैकफुट पर रहते हुए बल्लेबाज ने मिड विकेट के एरिया में खेला और मिड विकेट के एरिया में खेलते हुए एक रन को पूरा किया 71-4 आउट। उम्दा बैटिंग जिसका सिलसिला जो कि है इस वक्त जारी, उम्दा बैटिंग का सिलसिला कंटिन्यू रह सकता है लेकिन अब देखते हैं कि ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला। यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज को थोड़ी हिम्मत जो है वो दिखाने की जरूरत है और इस दौरान एंजेलो मैथ्यूज ने इस गेंद को हिट किया है डाउन द ग्राउंड, गेंद हवा में और ये गेंद फील्डर के बिल्कुल सामने जाकर गिरी है जो कि विकेट की पोजिशन पर मौजूद थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड करते हुए जब तक वापस रोक किया 2 रन का हुआ इजाफा। 73-4 आउट, 12 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल हो चुका है पूरा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच कब होगा? सुबह के वक्त, कल सुबह के वक्त मुकाबला खेला जाएगा, सुबह 5 बजे वो मैच खेला जाएगा दोस्तों। इस दौरान ओवर की अगली गेंद को हल्के हाथों के साथ पॉइंट के रीजन में खेलते हुए एक रन को दौड़ लिया इन दोनों ही बैटर्स ने, सिंगल के इजाफे के साथ स्कोर 74-4 12 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल जो कि हो चुका है पूरा। ये एक अच्छा ओवर चलते हुए टीम श्रीलंका के लिए जिसके अंदर आए हैं अब तक 11 रन्स और इस बार गेंद को हवा में खेला लेग साइड में, विकेट के एरिया में यह गेंद गई, पीछे फील्डर थे उन्होंने इस गेंद को पकड़ते हुए जब तक वापस थ्रो किया एक रन का इजाफा। 75-4 आउट, लास्ट डिलीवरी अभी भी होनी बाकी है इस ओवर के अंदर जिसका सामना करेंगे एंजेलो मैथ्यूज। मैथ्यूज 55 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रही हैं और मैथ्यूज की जो कोशिश है वो ये है कि उनकी टीम कोई विकेट को फिलहाल लूज ना करे, हालांकि अब
हिट्स लगाने की जरूरत है। बैकफुट पर जाकर इसकी इनको पंच किया, पंच करते हुए पॉइंट इन कवर के रीजन में खेलकर एक और सिंगल को पूरा किया। वेलिंगटन मसाकाब्जा पीछे मौजूद थे जिन्होंने इसकी इनको पकड़ते हुए जब तक वापस रोक किया, सिंगल का हुआ है इजाफा। सिंगल के इजाफे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर अब हो चुका है 76-13 का खेल अब हो चुका है पूरा। 6 के रन रेट के साथ ये टीम अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की कोशिश में। 15 ओवर तक 6 का रन रेट और उसके बाद फिर अगले 5 ओवर जो हैं वो 8 रन पर ओवर 9 रन पर ओवर भी बनाती है अगर ये टीम, तो 140-145 तक ये टीम जो है वो पहुंच सकती है। मैथ्यूज ने 16 बनाए हुए 28 गेंदों का किया हुआ है सामना। शहजाद अली हमारे साथ हैं, आमिना ने हमें ज्वाइन कर रखा है, जेके हमारे साथ मौजूद हैं और सूर्या है हमारे साथ। एंजेलो मैथ्यूज 16 के स्कोर पे हैं और इनको अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ से अगर ये आउट भी होते हैं तो इनको अपना स्ट्राइक रेट जो है वो 100 का करके आउट होना चाहिए। ये 100 का स्ट्राइक रेट करने का मतलब ये हुआ कि इनको 2-3 बाउंड्रीज लगानी ही पड़ेंगी। 2-3 अगर ये बाउंड्रीज हिट करते हैं तो फिर होगा कुछ, क्योंकि यहाँ पर इनका जो स्ट्राइक रेट है या इनकी टीम है वो एक अच्छी पोजीशन में भी जा सकती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिकंदर रदाबट अपना आखिरी ओवर फेंकेंगे स्पेल का, कोई भी विकेट अभी तक नहीं ले पाए हैं जिनके ओवर की ये पहली गेंद। इस गेंद को एंजेलो मैथ्यूज ने बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया, एक रन का इजाफा दूसरे के लिए वापस। सुंदर रनिंग विकेट्स 2 रन के इजाफे के साथ अब बढ़ता हुआ स्कोर 78-4। मैथ्यूज 18 के स्कोर पे मौजूद हैं जबकि ये पार्टनरशिप अब 53 गेंदों के ऊपर 51 गेंदों के ऊपर 53 रन की लग चुकी है। ओवर के लिए इनको संभलते हुए खेल दिया है बैटर ने वापस बॉलर के पास, एक और डॉट डॉट के साथ अब स्कोर 78-4 है। 13 ओवर और 2 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। अब तो स्ट्राइक पे मौजूद हैं दोस्तों अब एंजेलो मैथ्यूज 18 के स्कोर पे मौजूद है जिन्होंने इस गेंद को पॉइंट एंड कवर के रीजन में खेलते हुए एक और सिंगल को बआसानी पूरा किया। सिंगल डबल जो है वो कह लीजिए कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा हर्ट नहीं करेंगी टीम जो है वो यहाँ पर टीम जिम्बाब्वे को। स्कोर 79-4 के नुकसान पे ओवर की अब चौथी गेंद। इस गेंद को जो कि यॉर्कर लेंथ गेंद थी, बैटर ने स्क्वायर लेग के एरिया में खेला और एक रन को पूरा किया। बोल्ड आउट होते होते बाल बाल बचे ये प्लेयर, बहुत ही उम्दा ये यॉर्कर। ओ ओ ओ गलत लिखा है, टॉस जिम्बाब्वे ने विन किया और बैटिंग की, जिम्बाब्वे ऑप्टेड टू बॉल। क्या गलत लिखा हुआ है भाई, कहाँ पर गलत लिखा हुआ है भाई, फील्डिंग लिखी हुई जिम्बाब्वे की, उन्होंने टॉस को जीते हुए फील्डिंग करने का डिसीजन लिया। ओ एक बड़ा शॉट डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन के एरिया में, एक रन का फिर से इजाफा, सिंगल के इजाफे के साथ ही 81-4। अच्छा ओवर चलते हुए ये सिकंदर रदा का, कुल मिलाकर 5 रन आए अभी तक इस ओवर के अंदर। लास्ट डिलीवरी है अभी इस ओवर की, लास्ट डिलीवरी ऑफ द ओवर। सामना करेंगे इस गेंद का बल्लेबाज, नाम है जिनका चरित असलान का। इस गेंद को उन्होंने मिड विकेट के एरिया में खेला, रनिंग बिरुंदा विकेट से एक रन का इजाफा दूसरे के लिए भी वापस मिसफील्डिंग के चलते हुए। 2 रन आए 2 रन के इजाफे के साथ 83-4 आउट। आखिरी जो है वो अब आपको बताते चले कि 6 ओवर्स का खेल जो कि होना है बाकी, 83 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट 14 के बाद। ये 84-4 आउट, 14 ओवर्स का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। जिम्बाब्वे की जो टीम है वो अब अच्छी बॉलिंग करते हुए जिन्होंने 84 गेंदों के ऊपर 83 रन दिए हुए हैं,
तो दोस्तों वेलिंगटन मसाका जा जो कि अब आ चुके हैं बॉलिंग के लिए। जिम्बाब्वे का बैटिंग नहीं हुआ है, ये स्कोर पर लिखा हुआ है जिम्बाब्वे बैटिंग। यहां पर 85 पे 4 आउट है 14 ओवर्स और एक गेंद के बाद, और जिम्बाब्वे की टीम जी बिल्कुल जिम्बाब्वे की बॉलिंग है, जिम्बाब्वे की बॉलिंग और सॉरी ये टेक्स्ट जो है वो थोड़ा गलत लिखा हुआ है। 85 पे 4 आउट है और एंजेलो मैथ्यूज का ये बड़ा शॉट लेग साइड में, लेकिन ये गेंद जाकर गिरी है सीधा स्क्वायर लेग के फील्डर के पास जिन्होंने इस गेंद को किया है फील्ड। तो 86 पे 4 आउट, गेंदें जो बची हुई हैं टीम जिम्बाब्वे टीम श्रीलंका के पास वो काफ़ी कम है अब, और उनको अब हिटिंग बोर्ड में जाना चाहिए क्योंकि इसके बाद आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ 5 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल बाकी है इस इनिंग्स के अंदर। तो ये इनिंग्स अब खत्म होने के हैं बिल्कुल पास, इनिंग्स अबाउट टू एंड। यहाँ पर अब देखा जाए तो असलान का 35 के स्कोर पर 27 गेंदों का किया हुआ सामना चारी था असलान का, जिनके लिए इस ओवर खेली गेंद बड़ा शॉट लेग साइड में, इस गेंद को हिट किया और यह गेंद स्टैंड्स में 6 रन के लिए, बेहतरीन छक्का मिड विकेट के एरिया को टारगेट किया और इस गेंद को भेज दिया है 6 रन के लिए बाउंड्री के पार, उसी छक्के की मदद से अब 92 है स्कोर 4 के नुकसान पे 14 ओवर और 3 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। व्हाट अ लवली शॉट दिस। हबीब मलिक ने हमें ज्वाइन कर रखा है, जैनब राजपूत हैं, फैंटेसी ज्ञान हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम ऑल टू लाइव। यहां पर रब चारी था असलान का अपनी लय में आते हुए एक और बहुत ही उम्दा शॉट, इस बार कवर्स के रीजन में 4 रन के लिए, बैक टू बैक बाउंड्रीज, और इन दो बाउंड्रीज की वजह से अब रन रेट बढ़ते हुए 88 गेंदें 96 रन। टीम श्रीलंका जो है वो यहां से भी अब अच्छा खासा स्कोर कर सकती है। जी हां दोस्तों, दे कैन स्कोर अ गुड टोटल फ्रॉम हियर। 96 पे 4 आउट 14 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल हो चुका है पूरा। यहां पर ओवर खेली गेंद, एक और शॉर्ट पिच गेंद और एक और चौका, वेलिंगटन मसाका बहुत महंगे साबित होते हुए इस ओवर के अंदर, और एक तरह से ये मैच चेंजिंग ओवर साबित होते हुए 17 रन आए हैं कुल मिलाकर इस ओवर के अंदर। स्कोर अब 100 है 4 के नुकसान पे 14 ओवर और 5 गेंदों का खेल जो कि हो चुका है पूरा। पुल किया इस गेंद को लेग साइड में, खेला इस गेंद को, दे मारा है चौका। यहां पर ओवर की अगली गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से हैं तैयार, आए गेंद क्या इस गेंद को बैटर ने खेलते हुए मिड विकेट के एरिया में एक रन को पूरा किया सिंगल के हिसाब के साथ। अब बढ़ता हुआ स्कोर 101 पे 4। आउट और श्रीलंका की टीम जो है वो अब हमें एक अटैकिंग मोड में दिखाई दे रही है दोस्तों। एक सौ एक है स्कोर 4 के नुकसान पे 15 ओवर्स का खेल पूरा हो चुका है, 5 ओवर्स का खेल अभी होना है बाकी। एक सौ एक पे 4 आउट 15 ओवर्स का खेल हो चुका है पूरा। और इसी के साथ चारित असलान का अपने 50 रन को पूरा कर चुके 31 गेंदों का किया उन्होंने सामना। एंजेलो मैथ्यूज 23 के स्कोर पर 34 गेंदों का किया है अब तक उन्होंने सामना चारित असलान का, जो कि अब यहां पर कह लीजिए कि 50 के स्कोर पर मौजूद है, और टीम श्रीलंका का रन रेट जो है मुसलसल बढ़ते हुए
और इसी के साथ नईम भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और इस मरतबा असलान का सामना करेंगे। उठा दिया है बॉल को हवा में और ऑफ साइड पर, बहुत ही दिल का शॉट चार रन के लिए। असलान का जो है आज आड़े हाथों ले रहे हैं जिम्बाब्वियन बॉलर्स को। और जितने भी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, जी वालेकुम सलाम, हबीब मलिक हैं और सब दोस्त, वेलकम टू ऑल एज वेल। और अच्छी बैटिंग यहाँ पर टीम श्रीलंका की जानिब से, देखते हैं कि ये पार्टनरशिप जो है वो 100 रन के पार जाएगी या फिर नहीं। दो छक्के और 8 चौके अभी तक श्रीलंका के बैटर्स की तरफ से देखने को मिले। एक मरतबा फिर आए और अच्छे अंदाज से खेला, लेकिन एक ही रन मिलेगा। खेलना चाहते लेग साइड पर, बीट हुए लेग बाई की जाने, लेग बाई की सूरत में मिलेगा एक और रन। इसी के साथ टीम श्रीलंका 6.91 की रन रेट से खेलते हुए और फ्रंट फुट जो था वो क्लियर किया और बहुत ही दिलकश शॉट ऑफ साइड ऑफ कवर के फील्डर के सर के ऊपर से, जो चौका लगाया था पिछली मरतबा इससे पहले श्रीलंका ने। 54 रन पर मौजूद 33 बॉलें। मुजरबानी ने वैसे बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, अभी तक उन्होंने सिर्फ 8 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को जो है वो आउट किया हुआ है मुजरबानी। अगर टॉस की बात करें तो जिम्बाब्वे ने जीता था टॉस और फैसला किया था बॉलिंग। एक मिनट तो फिर उठा दिया है लेग साइड पर, पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर बनेंगे तमाशाई। यहां पर कोई चांस नहीं है फील्डर के पास कि वो बॉल को रोक सके। मैथ्यूज ने लगाया है लेग साइड की जानेब एक और चौका। इसी के बढ़ते हुए चलते हुए श्रीलंका का स्कोर 110 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। थोड़ी सी हाफ पिच डिलीवरी थी, उसका फ़ायदा उठाया यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज़ ने। और एक तजर्बाकार खिलाड़ी हैं टीम श्रीलंका की जानिब से, और अपने तजर्बे का जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज़ थोड़ा सा स्लो खेल रहे हैं, लेकिन ये ख़तरनाक साइंस हैं टीम जिम्बाब्वे के लिए कि अगर वो क्रीज पर टिक गए तो फिर मुश्किल हो सकती है। सिकंदर रजा जो है वह मुजरबानी को कुछ गाइड करते हुए, कुछ कहते हुए, देखते हैं कि इस मरतबा क्या मुजरबानी को विकेट लेने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। बॉल जो है मुजरबानी ने की आगे स्लोइश बॉल और लेग साइड पर उठा दिया है मैथ्यूज ने स्टैंड्स में 6 रन के लिए। जी हाँ, 107 की डिलीवरी फेंकी गई जो कि स्लो डिलीवरी थी, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया मैथ्यूज ने। पढ़ लिया था डिलीवरी को, उसकी लाइन और लेंथ को पकड़ लिया था और भरपूर अंदाज से खेलते हुए एक फ्लो में आते हुए यहाँ पर इसी के चलते 89 रन की जो है वो पार्टनरशिप वो भी लगते हुए दोनों के दरमियान। समरा विक्रमा जो थे इससे पहले आउट हुए थे 16 रन बनाकर 12 बॉलों पर, उसके बाद मैथ्यूज़ ने और असलंका ने जो है वो टीम श्रीलंका की जो नैया थी उसका अच्छा भला सहारा दिया उसको, डूबती नैया को, और अच्छे रन रेट के साथ चलते हुए 6 से अब रन रेट जो है वो 7.40 पर जाते हुए। इस ओवर में पहली बॉल पर चौका लगा था, फिर सिंगल आया था, फिर चौका लगा, फिर छक्का लगा। अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। मुजरबानी सामने है एंजेलो मैथ्यूज़, एक मरतबा फिर मैथ्यूज़ ने बहुत ही उम्दा शॉट रूम बनाकर खेला स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। कोई मौका नहीं फील्डर के पास, किसी के पास कोई मौका नहीं, स्ट्रेट एज एन एरो। और फ्लो में आते हुए यहां पर एंजेलो मैथ्यूज़ काफ़ी अच्छा ओवर ये चलते हुए श्रीलंका की जानिब से, जिसमें आ गए हैं 3 चौके और 1 छक्का। सिकंदर रजा परेशान दिखाई दे रहे हैं, विलियम्स परेशान है, मुजरबानी कुछ कह रहे हैं कि वो कहां पर डालना चाह रहे थे बॉल को, लेकिन सही से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। और रूम बनाया, विकटियाँ जो थीं वो छोड़ दी थीं एंजेलो मैथ्यूज़ ने, और पीछे हटकर खेला अंपायर के और बॉलर के सर के जानिब से ऊपर से, और 4 रन मजीद। देखते हैं कि एक मरतबा फिर एंजेलो मैथ्यूज़ क्या कोई बाउंड्री लगाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। अच्छा कम बैग यहां पर मुजरबानी का, एक ही रन बनेगा। एंजेलो मैथ्यूज़ थोड़े से नाखुश अपने आप से, स्लोअर बॉल थी, ऑफ साइड ऑफ थी, उसे खेलना वैसे ऑफ साइड पर चाहिए था, लेकिन मिड ऑन पर खेला, फील्डर पीछे मौजूद थे। इसी के चलते ओवर का इख्तिताम काफ़ी अच्छा ओवर आए टीम श्रीलंका के लिए, 20 रन आए कुल मिलाकर इस ओवर से।
और 16 ओवर्स के बाद टीम श्रीलंका 121 पे चार खिलाड़ी आउट। हबीबी मलिक हैं, हसन खान भाई हैं, जानम राजपूत हैं सर हमारे साथ और जितने भी दोस्त मौजूद हैं सबको वेलकम। और कौन सी टीम जो है वो आज का ये मैच जीतेगी आप सबने ज़रूर बता देना है। जितने भी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, विशु डबई हैं, विष्णु डबे और कह रहे हैं कि आउट है लेकिन अभी तक तो आउट नहीं हुआ जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। हबीबी सिस्टर आप कैसे हैं, घर में सब ठीक हैं? और फरूक जारल हैं और 54 रन की आज नहायत ही शानदार इनिंग्स श्रीलंका की जानिब से अभी तक नाबाद हैं। 33 बॉलों पर उन्होंने 54 रन बनाए। देखते हैं कि कश्मीरी मुजाहिद हैं हमारे साथ। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम खान रजा भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है। वेलकम टू यू एज वेल ब्रदर, क्या हाल है आपका? सिस्टर ठीक है अब? और क्या चल रहा है ये अभी बताइएगा। अब्दुलरहमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। नगारवा हैं, बॉलर नहीं हूँ और ऑफ साइड पर स्लोअर बॉल थी, उसे खेलना चाहते थे ज़ोर के साथ लेकिन एक ही रन बनेगा। हमारा नाम बोलो प्लीज़। मलिक फैज़ भाई हैं, वेलकम टू यू मलिक फैज़ भाई। और मैथ्यूज़ ने सिंगल लेकर दिया, बस श्रीलंका जो हैं वो सामना करेंगे नगारवा का। और आशीष भाई भी मौजूद हैं, जितने भी दोस्त मौजूद हैं सबको वेलकम। एक मिनट देखते हैं फिर श्रीलंका बड़ी शॉट खेलने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। नगारवा हैं बॉलर। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका ने उठा दिया है, पीछे फील्डर मौजूद और मिस फील्डिंग के चलते लेकिन दूसरे फील्डर ने आकर अच्छा कवर किया और इसी के चलते 2 रन और मजीद मिल चुके हैं टीम श्रीलंका को। श्रीलंकन टीम जो है वो काफ़ी अच्छा कमबैक करते हुए, चार खिलाड़ी जल्दी ही आउट हो चुके थे उसके बाद अब तक जो है वो 97 रन की जो है वो अच्छी पार्टनरशिप लगते हुए। अगर पिछले ओवर की बात करें तो कुल मिलाकर 20 रन आए थे उस ओवर में जिसमें एक छक्का और 3 चौके शामिल थे और मैथ्यूज़ ने वहाँ पर एक छक्का और 2 चौके रसीद किए थे मुजराबानी को, हालांकि मुजराबानी ने पहले 2 ओवर बहुत अच्छे किए थे। नगारवा एक मरतबा फिर आई बॉल की यॉर्कर लेंथ बॉल, ये है अच्छी डिलीवरी आप कह लें कि इस तरह की सूरत हाल में यॉर्कर लेंथ जो है वो हमेशा ही से अच्छी डिलीवरी रही है, एक अच्छा वेपन है कह लें। जी ठीक है खानजादा भाई, आप ध्यान से केयर करें सिस्टर की, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, हमारी दुआएं उनके साथ हैं और आप ख्याल करें उनका और हमारी तरफ से भी हाल चाल पूछिएगा, अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए। कोई मसला नहीं है, आप उधर से फ्री हो के तो फिर आ जाइएगा, कोई मसला नहीं है। और नगारवा सामने है मैथ्यूज़, अच्छी बॉल यहाँ पर फिर डाउन द ग्राउंड खेला लेकिन कवर्स पर सिकंदर रजा बट खुद मौजूद थे उन्होंने। नहीं लग रहा है यॉर्कर्स की काफ़ी कमी है टीम से जिम्बाब्वे की तरफ। जी हाँ वासफ भाई ऐसे ही है, अगर यॉर्कर करेंगे तो फिर बचेंगे। यॉर्कर इससे पहले जो बॉल थी वो भी यॉर्कर लेंथ डिलीवरी थी, वहाँ पर श्रीलंका थे सामने तो वो भी बॉल जो थी वो सिर्फ 1 रन के लिए ही खेला गया था वो बॉल। और वाइड लेंथ यॉर्कर और यॉर्कर लेंथ अगर करेंगे तो फिर ही बच पाएंगे। यहाँ पर देखें कि दोनों बैटर्स जो हैं वो पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। नगारवा एक मरतबा फिर आए यॉर्कर लेंथ बॉल और सिकंदर रजा बट की बहुत ही उमदा फील्डिंग, यहाँ पर एक और कीमती रन बचाया अपनी टीम के लिए और फुल फ्लो में है सिकंदर रजा बट, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में टॉप क्लास। और पिछले 5 मैचेस में, 5 T20 मैचेस में वो वाहद प्लेयर हैं जिन्होंने 50 से ऊपर जो है वो रन किए हैं और 2 या 2 से ज़्यादा विकटें भी ली हैं। मैथ्यूज़ की भी 50 हो जाएगी, शिव कुमार भाई बोल रहे हैं, देखते हैं कि मैथ्यूज़ की 50 होती है या फिर नहीं। 99 रन की पार्टनरशिप दोनों बैटर्स की जानिब से, 75 बॉलों पर 99। एक मिनट तो फिर नगारवा हैं बॉलर और सामने हैं श्रीलंका। हवा में खेला गया शॉट और देखते हैं क्या होगा, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस 4 रन्स। बहुत ही अच्छा चौका यहां पर श्रीलंका की जानिब से, श्रीलंका जो हैं वो फुल फ्लो में नज़र आते हुए यहां पर। दोस्तों कितने रन्स जो हैं वो टीम श्रीलंका आज बना लेगी आप सब ने बता देना है जल्दी जल्दी से।
ओवर की आखिरी बॉल पर लगा दिया है चौका, इसी के चलते टीम श्रीलंका 130 पर 4 17 ओवर्स के बाद 7.65 की ग्रांड रन रेट से चलते हुए। जी ठीक है खानजादा भाई, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। रकीब खान है वो कह रहे हैं कि 165 का टारगेट होगा और देखते हैं, 130 रन हो चुके हैं और 3 ओवर बाकी हैं, तो इससे जो पिछला ओवर था वहाँ पर 20 रन आ गए थे, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर ज़्यादा स्कोर भी बन सकता है 165 से। बहरहाल देखते हैं कि कितना स्कोर बनेगा। 7.65 की करंट रन रेट से चलते हुए टीम श्रीलंका का ये स्कोर कार्ड। रिव्यूज़ की बात करें तो श्रीलंका के पास भी 2 हैं फिलहाल और जिम्बाब्वे के पास भी 2 रिव्यूज़ बचे हुए हैं, लास्ट के 3 ओवर बहुत ही क्रूशल होने वाले हैं, बहुत ही अच्छा फ्रंट फुट क्लियर करके श्रीलंका ने जो इस लास्ट बॉल थी 17वें ओवर की उस पर चौका लगाया। चोंग भी हैं बॉलर, एक ओवर में उन्होंने पिछले एक ओवर में जो करवाया इस इनिंग्स में वहां पर 13 रन दिए थे और एक विकेट जो थी वो हासिल की थी, देखते हैं इस ओवर में क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। चोंगवे आए और उनका इस्तकबाल किया यहां पर मैथ्यूज ने अपने स्टाइल में एक बहुत ही बुलंद बाला छक्का और इसी के चलते सिर्फ 4 रन की दूरी पर अपनी 50 से एंजेलो मैथ्यूज अपने तजर्बे को यहां पर इस्तेमाल करते हुए और दिखाते हुए दर्शकों को बहुत ही रोमांचक क्रिकेट और बहुत ही मज़ेदार बल्लेबाजी उनके पक्ष में थी और बुलंदोबाला बहुत ही उम्दा 86 मीटर का एक लंबा छक्का लगा दिया है यहां पर एंजेलो मैथ्यूज ने 103 रन की पार्टनरशिप। जी हां फरूक जरल भाई, अब 109 रन की हो चुकी है इस छक्के के बाद। एक मरतबा फिर देखते हैं मैथ्यूज हैं सामने, इस मरतबा जंगवी की जानिब से अच्छा कम बैक, फुलर लेंथ बॉल थी थोड़ी सी ऑफ साइड पे और जल्दी जल्दी से एक जो है रन कंप्लीट कर लिया दोनों बैटर्स ने, लेकिन ये अच्छी लाइन ऑफ लेंथ है। अगर आप यॉर्कर्स का इस्तेमाल करेंगे डेथ ओवर्स में तो वहाँ पर ही आपको कुछ ना कुछ बचत होगी। स्वीट आसफ भाई कह रहे हैं कि जिम्बाब्वे आज मैच जीतना है तुमको, तो देखते हैं कि जिम्बाब्वे मैच जीतेगी नहीं, चीज़ें फ़िलहाल उनके हाथ में थी लेकिन पिछले कह लो 2 ओवर से चीज़ें जो हैं वो श्रीलंका की जानिब झुकाव उनका होता हुआ। 6 की करंट रन रेट थी और अब पहुंच चुकी है तकरीबन 8 के पास, तो देखते हैं कि कितना टोटल स्कोर बनेगा। शहजाद भाई कह रहे हैं कि 175 का टारगेट होगा, हबीबी मलिक कह रहे हैं कि 165 प्लस होगा, तो आपने भी जल्दी जल्दी से बता देना है कि कितना स्कोर यहां पर टीम श्रीलंका कर पाएगी। लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 2 ओवर्स और 4 बॉलें बाकी हैं, अगर 13 की रन रेट से बनाएं यहां से तो फिर होगा 172 टोटल स्कोर। एक मरतबा फिर जोंगवी आए और उठा दिया है इस मरतबा श्रीलंका ने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, देखते हैं क्या होगा। जी हां छक्का, एक बहुत ही उम्दा 6 रन मजीद यहां पर और श्रीलंका के फैंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं हमें, इन्जॉय करते हुए यहाँ पर अपनी टीम की बैटिंग को। असफंद मुस्तफा भाई वेलकम टू यू एज वेल, वालेकुम सलाम। और कितना रन बनेगा यहाँ पर, तल्हा चौधरी कह रहे हैं कि 170। जल्दी जल्दी से आपने अपनी प्रिडिक्शन बता देनी है कि टीम श्रीलंका आज कितना स्कोर कर पाएगी। फुलर लेंथ बॉल थी लेकिन यॉर्कर जो स्टीक जगह पर फेंकना चाहिए था वो नहीं फेंक सके, फुल टॉस बनाया श्रीलंका ने और 75 मीटर का बहुत ही लंबा छक्का, अच्छी बैटिंग, 5 छक्के कुल मिलाकर अब तक इस इनिंग्स में टीम श्रीलंका की जानिब से 11 चौके और 5 छक्के। इस ओवर में आ गए हैं पहले 3 बॉलों पर 2 छक्के, और जब तक मैं था तब तक टीम श्रीलंका का स्कोर 83 था 84 गेंदों को, और उसके बाद जब से नईम भाई आए हैं लगता है कि सूट कर गए हैं टीम श्रीलंका। नहीं ये है कि लास्ट के ओवर्स में जिस तरह से ये दोनों सेट बैटर्स हैं तो उनका फ़ायदा तो उनको रहेगा, अभी जिम्बाब्वे को आई थिंक अपने प्लान में जो है वो कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी चाहिए, फील्डिंग में तब्दीली की है, ऑफ साइड पर पीछे लॉन्ग ऑफ पर फील्डर को लिया, लेकिन देखते हैं कि उसका फ़ायदा हो पाएगा या नहीं। उठाया श्रीलंका ने और ये कैच ड्रॉप कर दिया है, थर्ड मैन ने कैच ड्रॉप कर दिया है और देखते हैं कि बॉल को रोक पाए हैं या नहीं बाउंड्री लाइन पर। इसी के चलते 2 रन जो हैं श्रीलंका ने बना लिए हैं, थोड़ा सा हवा में रहा बॉल, ज़रूर कोशिश थी अच्छी थी यहां पर फील्डर की लेकिन शायद थोड़ा सा प्रेशर फील कर गए हैं स्कोर्स का। मोहसिन मेहंदी भाई कह रहे हैं अगेन फ्लॉप बॉलिंग, जी हां बहुत ज़्यादा कह लें कि चीज़ों को एंड पर जाकर जो है वो अपने
पाले में करने के लिए आपको टाइट बॉलिंग करनी पड़ती है। यॉर्कर लेंथ का इस्तेमाल करें, स्लोअर बॉल्स तो कर रहे हैं लेकिन वो फ़ायदेमंद नहीं हो रहे। असलंका सामने हैं, जोंगवी हैं बॉलर, देखते हैं क्या करते हैं। असलंका एक मरतबा फिर उठा दिया है, असलंका ने हवा में है बॉल, इस मरतबा पीछे फील्डर भी मौजूद हैं कवर्स पर, और एक अच्छा कैच करते हुए, लो बाउंस हो रही थी बॉल मगर अच्छा कैच किया यहाँ पर इसी के चलते। असलंका जो है वो बहुत ही शानदार इनिंग्स खेलने के बाद 69 रन बनाने के बाद वो आउट हुए। 118 रन की कुल मिलाकर दोनों बैटर्स के दरमियान पार्टनरशिप हुई, एंजेलो मैथ्यूज़ और श्रीलंका के दरमियान। 18वें ओवर का खेल जो है वो सिर्फ एक बॉल उसमें रहती है, देखते हैं क्या इसके बाद जो दो ओवर्स पड़े हैं वहां पर टीम श्रीलंका और कितने रन बना पाएगी। गुड लक टू टीम श्रीलंका एज़ वेल, फारूक भाई कह रहे हैं। जी हाँ मोहसिन मेहंदी भाई, 118 रन थी पार्टनरशिप के बाद, यहाँ पर चल रही था श्रीलंका 69 रन बनाने के बाद, 3 छक्के लगाए उन्होंने अपनी इस इनिंग्स में। और अब आ गए हैं वनिंदु हसारंगा जो कि अच्छे बैटर हैं, नई शानाका आए हैं माजरत। जी हाँ गुड पार्टनरशिप हुई, कैच ड्रॉप किया था आसफ भाई लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट ही बॉल पर दोबारा कैच आउट हो गए हैं श्रीलंका। कवर्स पर पीछे फील्डर लिया हुआ था टीम जिम्बाब्वे के कैप्टन ने, उसका फ़ायदा हुआ उनको, और फील्डर की भी अच्छी कोशिश वहां पर, अच्छा कैच किया, लो जा रहा था कैच लेकिन उन्होंने अच्छा ग्रैब किया वहां पर। और कैचेस जैसे हम सबको पता है कि विन द मैचेस, तो कुल मिलाकर 13 डिलीवरीज जो हैं लीगल डिलीवरीज वो बाकी हैं इस इनिंग्स में। तो कितना स्कोर बनेगा आपके हिसाब से, कितना टारगेट रहेगा? दासुन शनाका आए हैं अब, राइट हैंड बैटर हैं। 85 इनिंगों में इन्होंने 1370 रन, 122 के स्ट्राइक रेट से और 21 रन पर इनिंग्स इनकी एवरेज स्कोर। एक मरतबा फिर जोंग भी अपने इस ओवर की आखिरी बॉल करवाएंगे और आते ही अपने हाथों को खोला यहां पर पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से 4 रन मजीद। ओवर के अख्ताम पर भी चौका लग गया है, तो ये कुल मिलाकर एक और अच्छा ओवर, 19 रन आए इस ओवर में भी, तो इस हिसाब से तो कह लें कि 180 प्लस भी बन सकता है। तो देखते हैं कि कितना स्कोर जो है वो टीम श्रीलंका यहाँ पर बनाने में कामयाब हो पाएगी। अपनी अपनी प्रेडिक्शन आपने बता देनी है और कौन सी टीम जो है वो आज के मैच की विनर होगी ये भी आपने बता देना है। और सुबह सुबह को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहिएगा सुबह 5 बजे इंशाल्लाह ताला लाइव कैम के साथ। वासफ भाई आपके साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह ताला और मैं भी होंगे इंशाल्लाह ताला, अगर मैं सोने का टाइम वैसे वही होता है लेकिन कोई नहीं, T20 मैच है और कोशिश करेंगे कि वहाँ पर टीम पाकिस्तान अच्छा कमबैक करे ताकि सीरीज़ का मज़ा आए। तो फिलहाल इस मैच की बात करते हैं। श्रीलंका को स्लोअर बॉल डाली गई थी, ऑफ साइड ऑफ सी थोड़ी सी, ऑफ स्टंप पर थी, उसे पॉइंट के फील्डर के ऊपर से उठाया था माजरत शानाका ने और 4 रन अपनी टीम के लिए जोड़े थे 149 18 ओवर्स के बाद। अब नगारवा अपने इस इनिंग्स का चौथा और आखिरी ओवर करवाने के लिए, सामने है मैथ्यूज़ जो कि 3 रन दूर हैं अपनी 50 से, क्या मैथ्यूज़ 50 बना पाएंगे या नहीं? यहां पर अच्छा बॉल नगारवा की जानिब से, स्लोअर बॉल था और विकटों को खुला छोड़कर खेलना चाहते थे मैथ्यूज़, लेकिन अच्छी समझदारी से की गई बॉल, बॉडी की तरफ की गई बॉल और उसे सिर्फ 1 रन के लिए पॉइंट की जानिब हल्के हाथों से खेला मैथ्यूज़ ने। और 150 रन इसी के साथ टीम श्रीलंका के पूरे होते हुए, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 150 मुकम्मल, देखते हैं 165 या फिर 168 रन जो हमारे ऑडियंस बता रहे हैं वो होंगे या नहीं। बैटिंग स्ट्राइक रेट की अगर बात करें जिम्बाब्वे सीमर्स की डेथ ओवर्स में, तो उन्होंने आज ज़्यादा बाउंड्रीज खाई हैं, वैसे लेंथ बॉलिंग की है, देखते हैं कि अब जो बाकी की 11 बॉलें बची हैं उन पर क्या करते हैं। अब सामने शनाका और एक अच्छा चौका लगाते हुए, फिर ऑफ साइड पर फील्डर जो थे वो थोड़ा सा दूर थे, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए कि वो 4 रन को रोक सके। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आते ही 2 बॉलों पर 2 चौके लगा दिए हैं दासुन शनाका ने, 170 राहतुल्ला भाई कहते हुए रूम बनाया और अब जो था वो बॉल उनके पाले में था, कह लें कि पैड्स पे था, उन्होंने रूम बनाकर खेला शनाका ने और उसका फ़ायदा उठाया। देखते हैं नगारवा चौका खाने के बाद किस तरह का कमबैक करते हैं, सामने है शनाका और
रुक गए हैं थोड़ा सा अपने रनिंग जो है वो एंड को और फील्डिंग को जो है वो थोड़ा सा सेट करते हुए। जो ऑफ साइड पर फील्डर पीछे हैं उनको थोड़ा सा और बाउंड्री की जानेब और पीछे धकेलते हुए। 200 तो नहीं बनेगा लेकिन देखते हैं कितना रन बन पाएगा। यहाँ पर नगारवा आए और अच्छी बॉल यहाँ पर शनाका ने खेला, उसे ज़ोरदार तरीके से, देखते हैं 2 रन मुकम्मल हो पाएंगे नहीं। अच्छी फील्डिंग का नज़ारा यहाँ पर फील्डर्स की जानिब से भी। मैथ्यूज़ अब 48 रन पर मौजूद। हाजी जान वालेकुम सलाम हज साहब, वेलकम टू यू एज़ वेल, खुश आमदीद जी आए हज साहब, मेहरबानी, थैंक यू। मैथ्यूज़ 2 रन की दूरी पर अपनी एक और 50 से और अपने जो है वो जी हाँ। काशिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ अली से पूछते हैं कि उनकी प्रेडिक्शन क्या है। जैम भाई कह रहे हैं कि 170 बनेगा और यूसुफ वानी भाई कह रहे हैं 181 और राशिद खान कह रहे हैं 170। तो जो है काशिफ भाई की प्रेडिक्शन लेते हैं कि कितना स्कोर बनेगा। 9 बालें रहती हैं अभी, जल्दी मेरे ख्याल से 170 तक तकरीबन इतना ही बन पाएगा। उठा दिया है मैथ्यूज ने और एक और 4 रन के लिए। फील्डर जो थे वो दायरे में ऊपर मौजूद थे। इसी के साथ अपनी 50 को मुकम्मल करते हुए मैथ्यूज 45 बॉलों पर 52 रन की शानदार इनिंग्स खेलते हुए। और वासफ भाई काशिफ भाई का कहना है कि 170 रन बन जाएंगे। 170 बनने से सिर्फ 11 ही रन जो हैं वो दूर हैं। टीम श्रीलंका जुल्फकार गाजी कह रहे हैं कि 180 रन बनेंगे। काशिफ अली आएगा तो आउट हो जाएगा, बीबी मलिक कह रही हैं तो, लेकिन अभी आउट नहीं हुआ बीबी मलिक, देखते हैं। 50 हो गई है वैसे एंजेलो मैथ्यूज़ की, 50 के लिए लाइक तो बनता है एंजेलो मैथ्यूज़ की। अच्छी एक इनिंग्स, 45 बॉलों पर उन्होंने 52 रन की इनिंग्स खेली, उसमें 4 चौके और 2 छक्के लगाए। एक मर तो फिर नगारवा हैं बॉलर मैथ्यूज़ हैं सामने, देखते हैं कि इनिंग्स की आखिरी की 8 बॉलों पर कितने रन टीम श्रीलंका बनाने में कामयाब होगी। स्लोअर बॉल लेग साइड पर, पीछे फील्डर मौजूद एक ही रन के लिए, दूसरे के लिए तेज़ी करना होगी, लेकिन वहाँ पर मना किया मैथ्यूज़ ने। शनाका अब पेनल्टीमेट ओवर की आखिरी बॉल का जो है वो सामना करेंगे। तो काशिफ अली कितना स्कोर बन पाएगा आखिरी ओवर में, 10 15 या फिर 20? तकरीबन 15 डाउन। अगर 15 बन जाएगा तो फिर 175 रन जो हैं वो बन जाएंगे। इरफान भाई कह रहे हैं 175 बनेगा, जैम भाई कह रहे हैं 169 बनेगा, हुसैन भाई कह रहे हैं कि 175 होगा। देखते हैं कितना रन जो है वो बन पाएगा। आखिरी बॉल 19वें ओवर की, सामने है शनाका, हवा में बॉल, आउट होने का भी खतरा। जी हाँ, फील्डर जो है वो दायरे में भागते हुए आए और अच्छा कैच, अच्छा ग्राउंड कवर किया यहाँ पर। उम्दा और लाजवाब फील्डिंग टीम जिम्बाब्वे की जानिब से। आखिरी के ओवर में कितने रन बनेंगे ये अब बात आपसे हमने जो है वो पूछनी है कि आखिरी के ओवर में 6 बॉलों पर सौरभ सियानी भाई 15 रन कह रहे हैं और इसी के चलते 19 ओवर के बाद टीम श्रीलंका 160 रन और 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। मैथ्यूज़ मौजूद हैं, मैथ्यूज़ सामना भी करेंगे लास्ट ओवर का। शनाका ने 4 बॉलों पर 9 रन बनाए और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, उम्दा ब्रिलियंट, बहुत ही वैलियंट एफर्ट यहाँ पर फील्डर्स ने, एक्सीलेंट एफर्ट उनकी जानिब से। बहुत ज़्यादा ग्राउंड कवर किया उन्होंने, कवर करके आए और फिर जो है वो कैच को थामा भी। नगारवा ने ली है इस मैच में अपनी पहली विकेट। इरारमान काशिफ अली जो हैं वो वासु भाई के छोटे भाई हैं तो उनकी प्रेडिक्शन है कि 175 रन्स जो हैं वो बन जाएंगे। तो देखते हैं कि 175 रन्स जो हैं वो बन पाएंगे या नहीं। आपने भी जो है वो अपनी अपनी प्रेडिक्शन बता देनी है। जी हाँ, शाहीन ने थर्ड मैच में चेंजेस किए हैं, मोहम्मद नवाज़ आए हैं और उसके साथ साथ वसीम जूनियर जो हैं वो टीम का हिस्सा होंगे। 2 चेंजेस हैं। स्वीट आसिफ भाई को किसने हाइड किया, ये बहुत ही बुरी बात है। स्वीट आसिफ भाई हमारे स्वीट से भाई हैं और हमेशा ही लाइव पर मौजूद रहते हैं। तो दोस्तों आखिर के ओवर में, आखिरी के ओवर में माजरत, कितना रन जो है वो बनेंगे। 160 अब आए हैं हसरंगा बैटिंग करने के लिए, आखिर की 6 बॉलें बाकी। जितने भी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं किया तो जल्दी जल्दी से लाइक करें और कमेंट करें। हम कोशिश करते हैं कि आपका जो है वो कमेंट और नाम शामिल करें लाइव स्ट्रीम में। थोड़ी सी लो बाउंस रही बॉल यहाँ पर, ज़ोरदार तरीके से खेलना चाहते थे, अच्छा ग्राउंड कवर किया, बुरल थे फील्डर यहाँ पर, बहुत ही अच्छी एफर्ट की उन्होंने, भागते हुए आए और अच्छा देखते हुए कैच को थामा। क्रिकेट ओल्ड कह रहे हैं कि 189 बनेगा। पहली बॉल मुजराबानी की जानिब से, उठा दिया है उसे मैथ्यूज ने बहुत ही अच्छे अंदाज में, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, नो चांस फॉर द एनी फील्डर, किसी फील्डर के लिए कोई चांस नहीं, सबसे सेफ प्लेस ग्राउंड में, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड।
और एक लय में नजर आते हुए, हालांकि बालें जो हैं वो सिर्फ 5 ही बाकी हैं जब मैं आया था 15वें ओवर पर कमेंट्री करने के लिए, तो वहां पर 6 की रन रेट थी, अब जो है वो 8.5 की रन रेट है। तो अच्छा जो है वो इनिंग्स को पेस दिया है यहाँ पर मैथ्यूज ने और असलंका ने। एक मरतबा फिर स्लोवर बॉल फेंकी थी लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ मुजराबानी को, सीधी आगे फेंकी हुई बॉल। रियाज शाह भाई कह रहे हैं कि 175 रन बनेगा। बहीम गुर्जर भाई कह रहे हैं कि 169 रन बनेंगे। हसन भाई वेलकम टू यू एज वेल, और लाइक कर दें वीडियो को, और सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं सबको वेलकम। और कितना रन बनेगा आज टीम श्रीलंका का, और टीम जिम्बाब्वे क्या चेस कर पाएगी उस रन को या नहीं, ये है आपके लिए क्वेश्चन। और मुजराबानी आए बॉल की उन्होंने लेकिन ज़्यादा फ़ायदा उठा नहीं पाई। यहाँ पर मैथ्यूज़ ऑन साइड ऑफ साइड पर खेला, माजरत लॉन्ग ऑफ पर पीछे फील्डर मौजूद थे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन को जो है वो जल्दी जल्दी से मुकम्मल कर रही है। ना खुश दिखाई दे रहे हैं अपने आप से, बाल हालांकि उनके वैसे रडार में थी, उसे उठाना ज़ोरदार तरीके से चाहते थे। एंजेलो मैथ्यूज़ ने आज 48 गेंदों पर अभी तक 59 रन बना लिए हैं, अभी नाबाद हैं। उज़ैर भाई वेलकम टू यू एज वेल ब्रदर, लाइक कर दें वीडियो को, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों को 1700 और जितने भी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक मरतबा फिर उठा दिया है मैथ्यूज़ ने, फील्डर की अच्छी कोशिश लेकिन वो बॉल को रोकने में नाकाम रहे, इसी के चलते एक और 4 रन। मैथ्यूज़ को यहां पर 2 ओवर अगर और मिल जाते तो फिर शायद वो 200 के पार स्कोर को आसानी से लेकर जा सकते थे। 170 तो हो चुका है और अभी 3 बालें जो हैं वो बाकी हैं। अली उमैर भाई कह रहे हैं कि 174 बनेगा। मलिक ज़ाहद भाई कह रहे हैं 176 बनेगा। देखते हैं कि जो अक्रम साहिवाल से कह रहे हैं कि 177 बनेगा, तो देखते हैं कितना होगा। 170 तो हो गए हैं ऑलरेडी, 3 बालें जो हैं अभी बाकी। तो जितने भी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अगर अभी तक नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैथ्यूज़ ने आज अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया अभी तक, लेग साइड पर मिड विकेट की जानब 2 छक्के बहुत ही उम्दा तरीके से लगाए उन्होंने। एक मरतबा फिर सामना करेंगे मैथ्यूज़, बॉलर हैं मुजराबानी, देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है। हवा में है बॉल, अच्छे तरीके से उठाया मैथ्यूज़ ने, लेकिन जिस तरह की शॉट वो खेलना चाहते थे 6 रन के लिए उसमें नाकाम रहे। अच्छी फील्डिंग लेकिन इसी स्नाह में 2 रन जो हैं वो मज़ीद मुकम्मल मैथ्यूज़, इसी के चलते 65 रन पर 2 छक्के उन्होंने अपनी इस इनिंग्स में और 6 चौके लगा दिए हैं फिलहाल। निराले भाई कह रहे हैं 176 बनेंगे। रशीद खान भाई कह रहे हैं 179 बनेंगे। करनेल सिंह भाई कह रहे हैं 180 बनेंगे। देखते हैं कि क्या 180 बन पाते हैं या फिर नहीं। जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और सैम भाई वेलकम टू यू एज वेल, 5 छक्के श्रीलंका ने अपनी इनिंग्स में लगाए अभी तक। ऑफ साइड ऑफ पर यॉर्कर लेंथ बॉल, 2 रन लेने में कामयाब होंगे या फिर एक पर ही सहमति करनी पड़ेगी। बस हसरंगा ने कहा कि अब जो लास्ट की बॉल है वो भी मुझे खेलने दो, मैं अभी बैटिंग करने आया हूं भाई। आखिरी बॉल पर देखते हैं हसरंगा क्या कर पाएंगे। सईद हुसैन भाई 175 कह रहे हैं, द रियल ब्रोस 177 कह रहे हैं, और आदिल मुगल भाई कह रहे हैं 176 होगा। आखिरी बॉल है और 177 रन बने हैं। क्रिकेट ओल्ड कह रहे हैं 179 बनेंगे। देखते हैं कि लास्ट की बॉल पर हसरंगा जो है वो बाउंड्री लगाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। इरफान भाई 176 कह रहे हैं बनेगा। मुजराबानी है बॉलर, आखिरी बॉल इस इनिंग्स की। हसरंगा और बीट होते हुए इसी के साथ जिनकी प्रेडिक्शन सी 173 से ऊपर की वो सब के सब फेल हो चुके हैं, और नेक्स्ट जो सूरत हाल है वो बताएंगे आपको वासु भाई। जी तो दोस्तों यहां पर 173 रन बनाए हैं इस टीम ने, और एक अच्छा टोटल, बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि 173 तक ये टीम पहुंच पाएगी क्योंकि इनकी जो शुरुआत थी वो काफी धीमी थी। श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज 2023 का खेले जाने वाला ये मुकाबला नंबर 2, और इस मुकाबले की अगर हम बात कर लेते हैं तो टीम श्रीलंका का बेहतरीन कमबैक 14 ओवर्स के अंदर 83 रन थे टीम श्रीलंका के, लेकिन उसके बाद अगले 6 ओवर्स के अंदर लगभग 90 रन बना दिए टीम श्रीलंका ने, और अब एक मैच विनिंग पोजिशन में ये टीम आ चुकी है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई एंजेलो मैथ्यूज की तरफ से, चारिथा असलंका की तरफ से, दोनों ही प्लेयर्स ने धुआंधार क्रिकेट खेली और अपनी टीम के स्कोर को एक बेहतरीन टोटल तक लेकर जाने में उन्होंने एक अहम रोल प्ले किया। आज यहां पर अगर देखा जाए तो
जारी था श्रीलंका की हाफ सेंचुरी थी आज के इस मुकाबले के अंदर। एंजेलो मैथ्यूज जिनका स्ट्राइक रेट पहले 50 का चल रहा था, उन्होंने लास्ट में जाकर काफ़ी हिट्स लगाई और अपनी टीम के टोटल को एक बेहतरीन स्कोर तक लेकर जाने में एक अहम रोल प्ले किया। अगर देखा जाए आखिरी के 5 ओवर्स को तो टीम श्रीलंका ने आखिरी 5 ओवर्स के अंदर 72 रन को स्कोर किया, 2 विकेटों को लूज़ किया और एक बेहतरीन टोटल बनाया इस टीम ने। अगर स्कोर कार्ड के ऊपर एक नज़र दौड़ाई जाए तो पहली विकेट गिरी पार्थिव निशान का, 1 रन बनाकर आउट हुए। कुशाल मेंडिस 4 रन बनाकर आउट हुए। कुशाल परेरा ने कोई रन नहीं बनाया। 16 रन बनाए सदीरा समरा विक्रमा ने और 27 के स्कोर पर यह टीम अपनी 4 विकेटों को लूज़ कर गई थी। लेकिन उसके बाद 118 रन की बहुत बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली हमें और उस पार्टनरशिप के चलते हुए टीम श्रीलंका जो है वो अपने 100 रन को क्रॉस करने में कामयाब हुई। जिसके बाद चारिथा श्रीलंका ने 39 गेंदों के ऊपर 69 रन बनाए, 5 चौके 3 छक्के लगाए। उन्होंने 177 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की, जबकि एंजेलो मैथ्यूज ने 51 गेंदों के ऊपर 66 रन बनाए, 6 चौके और 2 छक्के लगाए, 130 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। दासू निशान का ने 4 गेंदों के ऊपर 9 रन बनाए, 2 चौके लगाए और इस तरह 8 एक्स्ट्रास की मदद से ये टीम अपनी इनिंग्स को ख़त्म करने में कामयाब हुई 173 के स्कोर पर। पहली विकेट 1 पर, दूसरी 2 के स्कोर पर, तीसरी 20, चौथी 27, पांचवीं विकेट 145 के स्कोर पर जाकर गिरी, छठी विकेट 160 के स्कोर पर जाकर गिरी इस टीम की। बॉलिंग में देखा जाए तो रिचर्ड नागरावा ने 4 ओवर्स के अंदर 30 रन दिए, 1 विकेट ली। ब्लेसिंग मुजरबानी ने 4 ओवर्स के अंदर 36 रन दिए, 2 विकेट ली। लुक जोंगवे ने 2 ओवर्स के अंदर 32 रन दिए, 2 विकेट लेने में कामयाब हुए, काफी महंगे वो। वेलिंगटन मसाकादा ने 3 ओवर्स के अंदर 25 रन देकर 1 विकेट ली, जबकि सिकंदर रजा ने 4 ओवर्स के अंदर 25 रन और शॉन विलियम्स ने 3 ओवर्स के अंदर 24 रन दिए। तो ये अब सिचुएशन रही है इस मुकाबले की। यहां पर अब सेकंड इनिंग्स की शुरुआत होगी और देखते हैं कि टीम जिम्बाब्वे इस टोटल का जो पीछा है वो किस अंदाज से करती है और क्या वो इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 9.25 के आसपास का, तो ये कह ले कि यहाँ पर सिचुएशन और सूरत हाल जिसके चलते वो टीम श्रीलंका जो है वो एक अच्छा टोटल पोस्ट करने में कामयाब है। और यहाँ पर अब देख लेते हैं कि ये टीम बनाती है कितने रन्स को। वी हैव टू वेट एंड सी कि बनता है क्या। जी हाँ गाइस, देखते हैं कि सूरत हाल रहती है क्या। और टोटल की बात की जाए तो एक अच्छा टोटल पोस्ट किया है अब और एक अनबिलीवेबल टोटल को पोस्ट किया है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज 2023 का खेले जाने वाला ये मुकाबला नंबर 2। और इस मुकाबले की अगर हम बात कर लेते हैं तो टीम श्रीलंका का बेहतरीन कमबैक 14 ओवर्स के अंदर 83 रन से टीम श्रीलंका के, लेकिन उसके बाद अगले 6 ओवर्स के अंदर लगभग 90 रन बना दिए टीम श्रीलंका ने और अब एक मैच विनिंग पोजिशन में ये टीम आ चुकी है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई एंजेलो मैथ्यूज की तरफ से, चारिथा श्रीलंका की तरफ से, दोनों ही प्लेयर्स ने धुआंधार क्रिकेट खेली और अपनी टीम के स्कोर को एक बेहतरीन टोटल तक लेकर जाने में उन्होंने एक अहम रोल प्ले किया आज। यहाँ पर अगर देखा जाए तो चारिथा श्रीलंका की हाफ सेंचुरी थी आज के इस मुकाबले के अंदर। एंजेलो मैथ्यूज जिनका स्ट्राइक रेट पहले 50 का चल रहा था, उन्होंने लास्ट में जाकर काफ़ी हिट्स लगाई और अपनी टीम के टोटल को एक बेहतरीन स्कोर तक लेकर जाने में एक अहम रोल प्ले किया। अगर देखा जाए आखिरी के 5 ओवर्स को तो टीम श्रीलंका ने आखिरी 5 ओवर्स के अंदर 72 रन को स्कोर किया, 2 विकेटों को लूज़ किया और एक बेहतरीन टोटल बनाया इस टीम ने। अगर स्कोर कार्ड के ऊपर एक नज़र दौड़ाई जाए तो पहली विकेट गिरी पार्थिव निशान का, 1 रन बनाकर आउट हुए। कुशाल मेंडिस 4 रन बनाकर आउट हुए। कुशाल परेरा ने कोई रन नहीं बनाया। 16 रन बनाए सदीरा समरा विक्रमा ने और 27 के स्कोर पर यह टीम अपनी 4 विकेटों को लूज कर गई थी। लेकिन उसके बाद 118 रन की बहुत बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली हमें और उस पार्टनरशिप के चलते हुए टीम श्रीलंका जो है वो अपने 100 रन को क्रॉस करने में कामयाब हुई। जिसके बाद चारिथा श्रीलंका ने 39 गेंदों के ऊपर 69 रन बनाए, 5 चौके 3 छक्के लगाए। उन्होंने 177 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की, जबकि एंजेलो मैथ्यूज ने 51 गेंदों के ऊपर 66 रन बनाए, 6 चौके और 2 छक्के लगाए, 130 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। दासू निशान का ने 4 गेंदों के ऊपर 9 रन बनाए, 2 चौके लगाए और इस तरह 8 एक्स्ट्रास की मदद से ये टीम
अपनी इस इनिंग्स को ख़त्म करने में कामयाब हुई 173 के स्कोर पर। पहली विकेट 1 पर, दूसरी 2 के स्कोर पर, तीसरी 20, चौथी 27, पांचवी विकेट 145 के स्कोर पर जाकर गिरी, छठी विकेट 160 के स्कोर पर जाकर गिरी इस टीम की। बॉलिंग में देखा जाए तो रिचर्ड नागरावा ने 4 ओवर्स के अंदर 30 रन दिए, 1 विकेट ली। ब्लेसिंग नजरबानी ने 4 ओवर्स के अंदर 36 रन दिए, 2 विकेट ली। लुक डोंगवे ने 2 ओवर्स के अंदर 32 रन दिए, 2 विकेट लेने में कामयाब हुए, काफ़ी महंगे वो। विलिंगटन वसाकद्वा ने 3 ओवर्स के अंदर 25 रन देकर 1 विकेट ली, जबकि सिकंदर रदा ने 4 ओवर्स के अंदर 25 रन और शॉन विलियम्स ने 3 ओवर्स के अंदर 24 रन दिए। तो ये अब सिचुएशन रही है इस मुकाबले की। यहाँ पर अब सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत हो रही है और देखते हैं कि टीम जिम्बाब्वे इस टोटल का जो पीछा है वो किस अंदाज से करती है और क्या वो इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 9.25 के आसपास का। श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज 2023 का खेले जाने वाला ये मुकाबला नंबर 2। और इस मुकाबले की अगर हम बात कर लेते हैं तो टीम श्रीलंका का बेहतरीन कमबैक, 14 ओवर्स के अंदर 83 रन से टीम श्रीलंका के, लेकिन उसके बाद अगले 6 ओवर्स के अंदर लगभग 90 रन बना दिए टीम श्रीलंका ने और अब एक मैच विनिंग पोजीशन में ये टीम आ चुकी है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई एंजेलो मैथ्यूज की तरफ से, चारिथा श्रीलंका की तरफ से, दोनों ही प्लेयर्स ने धुआंधार क्रिकेट खेली और अपनी टीम के स्कोर को एक बेहतरीन टोटल तक लेकर जाने में उन्होंने एक अहम रोल प्ले किया। आज यहाँ पर अगर देखा जाए तो चारिथा श्रीलंका की हाफ सेंचुरी थी आज के इस मुकाबले के अंदर। एंजेलो मैथ्यूज जिनका स्ट्राइक रेट पहले 50 का चल रहा था, उन्होंने लास्ट में जाकर काफ़ी हिट्स लगाई और अपनी टीम के टोटल को एक बेहतरीन स्कोर तक लेकर जाने में एक अहम रोल प्ले किया। अगर देखा जाए आखिरी के 5 ओवर्स को तो टीम श्रीलंका ने आखिरी 5 ओवर्स के अंदर 72 रन को स्कोर किया, 2 विकेटों को लूज़ किया और एक बेहतरीन टोटल बनाया इस टीम ने। अगर स्कोर कार्ड के ऊपर एक नज़र दौड़ाई जाए तो पहली विकेट गिरी पार्थिव निशान का, 1 रन बनाकर आउट हुए। कुशाल मेंडिस 4 रन बनाकर आउट हुए। कुशाल परेरा ने कोई रन नहीं बनाया। 16 रन बनाए सदीरा समरा विक्रमा ने और 27 के स्कोर पर यह टीम अपनी 4 विकेटों को लूज़ कर गई थी, लेकिन उसके बाद 118 रन की बहुत बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली हमें और उस पार्टनरशिप के चलते हुए टीम श्रीलंका जो है वो अपने 100 रन को क्रॉस करने में कामयाब हुई, जिसके बाद चारिथा श्रीलंका ने 39 गेंदों के ऊपर 69 रन बनाए, 5 चौके, 3 छक्के लगाए। उन्होंने 177 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की, जबकि एंजेलो मैथ्यूज ने 51 गेंदों के ऊपर 66 रन बनाए, 6 चौके और 2 छक्के लगाए, 130 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। दासू निशान का ने 4 गेंदों के ऊपर 9 रन बनाए, 2 चौके लगाए और इस तरह 8 एक्स्ट्रास की मदद से ये टीम अपनी इनिंग्स को ख़त्म करने में कामयाब हुई 173 के स्कोर पर। पहली विकेट 1 पर, दूसरी 2 के स्कोर पर, तीसरी 20, चौथी 27, पांचवी विकेट 145 के स्कोर पर जाकर गिरी, छठी विकेट 160 के स्कोर पर जाकर गिरी इस टीम की। बॉलिंग में देखा जाए तो रिचर्ड नागरावा ने 4 ओवर्स के अंदर 30 रन दिए, 1 विकेट ली। ब्लेसिंग नजरबानी ने 4 ओवर्स के अंदर 36 रन दिए, 2 विकेट ली। लुक डोंगवे ने 2 ओवर्स के अंदर 32 रन दिए, 2 विकेट लेने में कामयाब हुए, काफ़ी महंगे वो। विलिंगटन वसाकद्वा ने 3 ओवर्स के अंदर 25 रन देकर 1 विकेट ली, जबकि सिकंदर रदा ने 4 ओवर्स के अंदर 25 रन और शॉन विलियम्स ने 3 ओवर्स के अंदर 24 रन दिए। तो ये अब सिचुएशन रही है इस मुकाबले की। यहाँ पर अब सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत हो रही है और देखते हैं कि टीम जिम्बाब्वे इस टोटल का जो पीछा है वो किस अंदाज से करती है और क्या वो इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 9.25 के आसपास का। श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज 2023 का खेले जाने वाला ये मुकाबला नंबर 2। और इस मुकाबले की अगर हम बात कर लेते हैं तो टीम श्रीलंका का बेहतरीन कमबैक, 14 ओवर्स के अंदर 83 रन से टीम श्रीलंका के, लेकिन उसके बाद अगले 6 ओवर्स के अंदर लगभग 90 रन बना दिए टीम श्रीलंका ने और अब एक मैच विनिंग पोजीशन में ये टीम आ चुकी है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई एंजेलो मैथ्यूज की तरफ से, चारिथा श्रीलंका की तरफ से, दोनों ही प्लेयर्स ने धुआंधार क्रिकेट खेली और अपनी टीम के स्कोर को एक बेहतरीन टोटल तक लेकर जाने में उन्होंने एक अहम रोल प्ले किया। आज यहाँ पर अगर देखा जाए तो चारिथा श्रीलंका की हाफ सेंचुरी थी आज के इस मुकाबले के अंदर। एंजेलो मैथ्यूज जिनका स्ट्राइक रेट पहले 50 का चल रहा था, उन्होंने लास्ट में जाकर काफ़ी हिट्स लगाई और अपनी टीम के टोटल को एक बेहतरीन स्कोर तक लेकर जाने में एक अहम रोल प्ले किया। अगर देखा जाए आखिरी के 5 ओवर्स को तो टीम श्रीलंका ने आखिरी 5 ओवर्स के अंदर 72 रन को स्कोर किया, 2 विकेटों को लूज़ किया और एक बेहतरीन टोटल बनाया इस टीम ने। अगर स्कोर कार्ड के ऊपर एक नज़र दौड़ाई जाए तो पहली विकेट गिरी पार्थिव निशान का, 1 रन बनाकर आउट हुए। कुशाल मेंडिस 4 रन बनाकर आउट हुए। कुशाल परेरा ने कोई रन नहीं बनाया। 16 रन बनाए सदीरा समरा विक्रमा ने और 27 के स्कोर पर यह टीम अपनी
चार विकेटों को लूज़ कर गई थी, लेकिन उसके बाद 118 रन की बहुत बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली हमें। और इस पार्टनरशिप के चलते हुए टीम श्रीलंका जो है वो अपने 100 रन को क्रॉस करने में कामयाब हुई, जिसके बाद चारिथा श्रीलंका ने 39 गेंदों के ऊपर 69 रन बनाए, 5 चौके 3 छक्के लगाए उन्होंने। 177 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की, जबकि एंड्रयू मैथ्यूज़ ने 51 गेंदों के ऊपर 66 रन बनाए, 6 चौके और 2 छक्के लगाए, 130 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। दासू निशान का ने 4 गेंदों के ऊपर 9 रन बनाए, 2 चौके लगाए, और इस तरह 8 एक्स्ट्रास की मदद से ये टीम अपनी इनिंग्स को ख़त्म करने में कामयाब हुई 173 के स्कोर पर। पहली विकेट 1 पर, दूसरी 2 के स्कोर पर, तीसरी 20, चौथी 27, पांचवी विकेट 145 के स्कोर पर जाकर गिरी, छठी विकेट 160 के स्कोर पर जाकर गिरी इस टीम की। बॉलिंग में देखा जाए तो रिचर्ड नागरावा ने 4 ओवर्स के अंदर 30 रन दिए, 1 विकेट ली। ब्लेसिंग मुजरबानी ने 4 ओवर्स के अंदर 36 रन दिए, 2 विकेट ली। लुक जोंगवे ने 2 ओवर्स के अंदर 32 रन दिए, 2 विकेट लेने में कामयाब हुए, काफ़ी महंगे वो। वेलिंगटन वसाकद्दा ने 3 ओवर्स के अंदर 25 रन देकर 1 विकेट ली, जबकि सिकंदर रजा ने 4 ओवर्स के अंदर 25 रन और शॉन विलियम्स ने 3 ओवर्स के अंदर 24 रन दिए। तो ये अब सिचुएशन रही है इस मुकाबले की। यहाँ पर अब सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत हो रही है और देखते हैं कि टीम जिम्बाब्वे इस टोटल का जो पीछा है वो किस अंदाज से करती है और क्या वो इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 9.5 के आसपास का। श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज 2023 का खेले जाने वाला ये मुकाबला नंबर 2। और इस मुकाबले की अगर हम बात कर लेते हैं तो टीम श्रीलंका का बेहतरीन कमबैक, 14 ओवर्स के अंदर 83 रन से टीम श्रीलंका के, लेकिन उसके बाद अगले 6 ओवर्स के अंदर लगभग 90 रन बना दिए टीम श्रीलंका ने और अब एक मैच विनिंग पोजिशन में ये टीम आ चुकी है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई एंजेलो मैथ्यूज की तरफ से, चारिथा श्रीलंका की तरफ से, दोनों ही प्लेयर्स ने धुआंधार क्रिकेट खेली और अपनी टीम के स्कोर को एक बेहतरीन टोटल तक लेकर जाने में उन्होंने एक अहम रोल प्ले किया। आज यहाँ पर अगर देखा जाए तो चारिथा श्रीलंका की हाफ सेंचुरी थी आज के इस मुकाबले के अंदर। एंजेलो मैथ्यूज जिनका स्ट्राइक रेट पहले 50 का चल रहा था, उन्होंने लास्ट में जाकर काफ़ी हिट्स लगाई और अपनी टीम के टोटल को एक बेहतरीन स्कोर तक लेकर जाने में एक अहम रोल प्ले किया। अगर देखा जाए आखिरी के 5 ओवर्स को तो टीम श्रीलंका ने आखिरी 5 ओवर्स के अंदर 72 रन को स्कोर किया, 2 विकेटों को लूज किया और एक बेहतरीन टोटल बनाया इस टीम ने। अगर यहाँ पर अब एक नजर दौड़ाई जाए तो की तरफ देखा जाए तो सेकेंड इनिंग्स की जो शुरुआत है वो अब हो गई है इस मुकाबले की। यहाँ पर टीम जिम्बाब्वे को चेज करना है एक बहुत बड़ा टोटल, बहुत बड़ा टोटल, क्योंकि बिल्कुल भी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी मार उनको पड़ जाएगी आखिरी के कुछ ओवर्स के अंदर। यहाँ पर अब वो एक बड़े स्कोर का पीछा करते हुए यहाँ पर तिनाशी जो है वो स्ट्राइकर एंड पे मौजूद, इस गेंद को जो कि शॉर्ट पिच गेंद थी लेग साइड में उठाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन ये गेंद उनकी बॉडी से टकराई और बॉडी से टकराने के बाद लेग साइड में गई है, कोई भी रन नहीं आया। डॉट के साथ स्कोर 0 है 2 गेंदों के बाद। याद रहे 2 ओवर्स के बाद टीम जिम्बाब्वे का, टीम श्रीलंका का जो स्कोर था वो 2 रन था और 2 खिलाड़ी ही उनके आउट थे। और यहाँ पर भी अब जो सिचुएशन है वो देखते हैं कि क्या रहने वाली है, सूरतेहाल क्या बनने वाली है। यहाँ पर अब सामना करेंगे तिनाशी, तिनाशी जो है वो दोस्तों गेंदबाजी का करेंगे सामना। ओवर खेली गेम, यॉर्कर इस गेंद को लेग साइड में खेलने की कोशिश में थे ये प्लेयर, लेकिन नाकाम रहे। 2 गेंदों के ऊपर 0 है स्कोर, बिना किसी विकेट के नुकसान थे। जिम्बाब्वे बैटिंग के सिलसिले को शुरू कर चुकी है अब और देखते हैं कि टीम जिम्बाब्वे इस मुकाबले के अंदर क्या इस स्कोर को चेज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। वी हैव टू वेट एंड सी। जिम्बाब्वे की तरफ से दिनाशे जो हैं वो एज ए ओपनर आए हैं और उनका साथ देंगे क्रेग अरवाइन जो कि तेज क्रिकेट खेलने की काबिलियत रखते हैं और धुआंधार क्रिकेट खेलने की जो है वो दोस्तों काबिलियत रखते हैं। यहाँ पर ओवर खेली गेंद, फुल टॉस बनाकर इस गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग के एरिया में, लेकिन पीछे फील्डर थे जिन्होंने इस गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया, एक रन का इजाफा। एक है स्कोर 4 गेंदों के बाद। कल सुबह 4:10 पे हम आपके साथ लाइव होंगे पाकिस्तान और टीम न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले उस मुकाबले के साथ और आप भी हमें लाजमी तौर पे ज्वाइन करिएगा। तो स्कोर अब 1 है बिना किसी विकेट के नुकसान पे 4 गेंदों के बाद।
बिला वजह हाइड होने से अच्छा है दोबारा नहीं आऊंगा लाइव। कौन आपको हाइड कर रहा है भाई? यहाँ पर ओवर के लिए टप्पा खाते हुए हल्की सी बाहर की तरफ निकली गेंद, इस गेंद को खेल दिया बैटर ने, ऑफ साइड में कोई भी रन लेने का मौका मौजूद नहीं। तो भाई क्या हुआ, बिला वजह हाइड, आपको कौन हाइड कर रहा है बताएं जरा? स्वीट आसिफ, स्वीट आसिफ को कौन हाइड कर रहा है भाई बताएं जरा लाइव चैट के अंदर। तो स्कोर अब है यहाँ पर एक बिना किसी विकेट के नुकसान पे, 5 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। एक बार तो लगा था 50 पे ऑल आउट हो जाएगी दोनों प्लेयर्स की, बहुत ही सुंदर पारी जो कि आज हमें देखने को मिली है। फ्रॉम ओवर द वीडियो गेंद, इस गेंद को फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव कर दिया है कवर्स एरिया में, अच्छा शॉट फील्डर गेंद के पीछे और बिल्कुल बाउंड्री के पास जाकर इस गेंद को फील्ड करते हुए जब तक उन्होंने वापस किया 3 रन का इजाफा। तो 3 रन के इजाफे के साथ 4 है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे जिम्बाब्वे की टीम। अब देखते हैं कि कब जाकर हार मानती, कब तक वो इस इनिंग्स के अंदर टिकी रहती है, बनी रहती है, ये अब देखना होगा। तो स्कोर 4 है बिना किसी विकेट के नुकसान पे, 1 ओवर का खेल अब हो चुका है पूरा। जितने भी दोस्त हैं जहाँ कहीं से मौजूद, अपनी राय का इजहार करिए और हमें बताइएगा कि ये टीम बनाएगी कितने रन्स को। 4 है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे, सामना करेंगे अब क्रेग इरविन गेंदबाजी का जो कि स्ट्राइकर एंड पे है मौजूद। बॉलिंग के लिए आज को महेश टिकशाना विकेट बॉलिंग करने की ये काबिलियत रखते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बॉलर ये समझे जाते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं कि इनकी बॉलिंग कैसी रहने वाली है। यहाँ पर अपने ओवर की पहली गेंद लेकर महेश टिकशाना जो कि आए गेंद की, अच्छा गेंद ऑन पैड, ये गेंद इस गेंद को लेग साइड में खेलने की कोशिश में थे ये बैटर लेकिन नाकाम रहे, गेंद जाकर पैड्स पे टकराई, कोई भी रन नहीं आया। स्कोर 4 है बिना किसी विकेट के नुकसान पे। कसम में भी फेक लाइव वालों ने तो आजकल कमाल किया हुआ है बहुत ही ज़्यादा। इस दौरान ओवर खेली गेंद, इस गेंद को कदमों का सहारा लेकर बैटर ने मिड विकेट के एरिया में खेल दिया, 1 रन का इजाफा। दूसरे के लिए आने की कोशिश लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइकर एंड के प्लेयर ने उनको दूसरा रन लेने से। डॉट के साथ 1 रन के इजाफे के साथ 5 है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान थे। 1 ओवर और 5 गेंदों का खेल हो चुका है पूरा। खाना वाना हो गया आप सभी का, माना खाना हो गया क्या आप सभी का? 5 है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। यहाँ पर अब ओवर के लिए गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से आ गेंद किया, ये गेंद जो कि यॉर्कर लेंथ थी, इस गेंद को स्क्वायर लेग एरिया में खेल दिया, बाउंड्री की तरफ बढ़ते हुए, ये गेंद पीछे है फील्डर और इस गेंद को स्लाइड करते हुए उन्होंने फील्ड करते हुए जब तक वापस थ्रो किया है 2 रन का इजाफा। 2 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर है 7 बिना किसी विकेट के नुकसान। तो पावर प्ले के अंदर ये टीम बनाएगी कितने रन जरा जल्दी से बता दीजिएगा। पहले T20 मुकाबले के अंदर जो सिचुएशन रही थी वो ये रही थी कि वहाँ पर 2 विकेट ली थी महेश टिकशाना ने 16 रन देकर 4 ओवर्स के अंदर। ओवर की अगली गेंद को डाउन द ग्राउंड खेला, 1 रन और सिंगल का इजाफा। 8 है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। विच टीम इज गोइंग टू विन दिस मैच, इस हवाले से दीजिएगा आप हमें बता। कामू जो है वो 4 के स्कोर पे मौजूद है, 6 गेंदों का किया हुआ है सामना। यहाँ पर ओवर की अगली गेंद को क्रेग इरविन ने मिड विकेट के एरिया में खेला, 1 रन को फिर से दौड़ लिया। डॉन मुर्तजा बोलते हुए कि श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को 30 रनों से जीतने वाली है, चलिए देखते हैं कि बनता है क्या। कामू नाहू कामवी जो है वो 4 के स्कोर पर मौजूद हैं। इरविन ने 5 बनाए हुए 5 गेंदों का किया हुआ है सामना और एंजेलो मैथ्यूज अब अपनी तैयारियों में जो कि ग्राउंड के अंदर आएंगे। एंजेलो मैथ्यूज की अगर हम बात कर लेते हैं तो एंजेलो मैथ्यूज जो है वो उन्होंने लाजवाब क्रिकेट खेली आज। डाउन द लेग साइड ये गेंद और वाइट बॉल का सिग्नल अंपायर की तरफ से, इस गेंद को स्वीप करना चाहते थे लेकिन ये गेंद बल्ले के किनारे को मिस करते हुए विकेट कीपर के पास गई और बोल्ड आउट होते होते भी बाल बाल बचे ये प्लेयर। 10 है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 1 ओवर और 5 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। लास्ट डिलीवरी है 20 ओवर की जिसका सामना करेंगे कामू नाहू कामवी। यहाँ पर
LBW की बड़ी अपील और आउट दे दिया है अंपायर ने। महेश एक शानदार विकेट लेने में कामयाब। यॉर्कर लेंथ ये गेंद मुकम्मल तौर पर इस गेंद को मिस कर गए ये प्लेयर और पैड्स पे जाकर ये गेंद टकराई, जिसके बाद बड़ी अपील हुई और अब थर्ड अंपायर के पास जाने का फैसला किया गया है। रिव्यू ले लिया गया है, थर्ड अंपायर के पास जाने का फैसला किया गया है और अब देखते हैं कि इस फैसले में कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जी हाँ दोस्तों, थर्ड अंपायर जो है वो अब इस चीज को चेकआउट करेंगे। मुकम्मल तौर पर बीट हुए और ये गेंद लग रहा है कि डाउन द लेग साइड जा रही है और शायद ये गेंद विकेट को भी मिस कर जाए या फिर लेग स्टंप से शायद कि ये गेंद जो है वो थोड़ी सी टकरा जाए। इंतजार जो है वो करना होगा और देखना होगा कि ये प्लेयर आउट है या नहीं है। देखने से तो ये लग रहा है कि ये गेंद लेग स्टंप को मिस कर जानी चाहिए, लेकिन अब देखते हैं कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता, अंपायर कॉल होती है या फिर गेंद विकेट को मिस करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखा जाएगा कि ये गेंद बल्ले से टकराई है या नहीं टकराई। तो दोस्तों ये गेंद बल्ले से नहीं टकराई, सीधा जाकर पैड्स पे ये गेंद टकराई है और अब आएगा यहाँ पर अंपायर का डिसीजन। पिचिंग लाइन और यहाँ पर ये गेंद विकेट को मिस करते हुए मुकम्मल तौर पर हवा में घूमते हुए ये गेंद और बल्ले को मिस करते हुए पैड्स पे जाकर टकराई। यहाँ पर अब पैड्स को टकराई, लेकिन ये गेंद जो है वो विकेटों को मिस कर गई, जिसकी वजह से प्लेयर ने किया है सर्वाइव। और इसी के चलते हुए अब स्कोर हो चुका है 10 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। दो ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा। पावर प्ले का स्कोर कितना रहने वाला है इस हवाले से दीजिएगा आप सभी दोस्तों में बता के पावर प्ले के अंदर ये टीम कितने रन्स को बनाएगी। और अब दुश्मनता चमीरा आज के बॉलिंग के लिए, देखते हैं कि किस किस्म की बॉलिंग की जाती है दुश्मनता चमीरा की तरफ से। 10 है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। दो ओवर्स का खेल हो चुका है पूरा। क्रेग इरविन 5 के स्कोर पे 5 गेंदों का किया हुआ इन्होंने सामना। यहाँ पर अब ओवर की अगली गेंद, इस गेंद को कट करने की कोशिश, लेकिन ये गेंद बल्ले का किनारा मिस करते हुए विकेट कीपर के पास। कट करना चाहते थे, लेट हो गए इस गेंद को खेलने में वो। और यहाँ पर अब गई ये गेंद विकेट कीपर के पास। कामों की तस्वीर सही कर दें, नहीं उनकी तस्वीर जैसी ही है, उनके नाम जैसी तो उनकी तस्वीर है। ड्रावना तो चेहरा नहीं लग रहा क्या उनका आपको अभी मलिक? शायद आप देखकर के चेहरे को डर रही हूँ, इस वजह से आप बोल रहे हैं कि तस्वीर चेंज कर दें बेचारे की। 10 स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। ओवर के लिए गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया मिड ऑफ के एरिया में, खेला एक और डॉट। दो ओवर और दो गेंदों के बाद 10 स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। हाँ मैं समझ गया था कि आपको डर लग रहा है, इस वजह से आप ये चीज़ भूल रहे हैं। तो 10 स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। दो ओवर और दो गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। इससे पहले LBW आउट करा दिया था उस फुल टॉस गेंद के ऊपर, लेकिन प्लेयर बच गए। 10 पे कोई आउट नहीं दो ओवर और दो गेंदों के बाद। टीम श्रीलंका का स्कोर 2 था दो ओवर्स के बाद, लेकिन अब देख लेते हैं कि टीम जिम्बाब्वे कितने रन को बनाएगी। यहाँ पर ओवर के लिए गेंद, इस गेंद को डाउन द ग्राउंड हिट किया, हल्की सी मिसफील्डिंग हुई बॉलर की तरफ से और एक रन को दौड़ लिया इन दोनों ही बैटर्स ने। उमदा रनिंग बिटवीन द विकेट्स, सिंगल के इजाफे के साथ 11 पे कोई आउट नहीं दो ओवर्स और तीन गेंदों के खेल के बाद। श्रीलंका के 2 रिव्यूज बाकी हैं, जिम्बाब्वे के 2 रिव्यूज बाकी हैं। एंड इफ वी लुक एट द रिक्वायर्ड रन रेट, तो मुसलसल बढ़ते हुए रिक्वायर्ड रन रेट अब 9.31 तक पहुंच गया है, जो कि 8.5 से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब लगातार ये रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो बढ़ रहा है। 11 है स्कोर टीम जिम्बाब्वे बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर और 3 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। ओवर की रहेगी अब 4th गेंद, जिसका सामना करेंगे कामवी, जो कि अब स्ट्राइकर एंड पे मौजूद। इस गेंद को बैकफुट पर रहते हुए कट कर दिया उमदा शॉट, गैप में ये गेंद
एक रन का इजाफा और दूसरे के लिए भी वापस। लेट कट किया था इस गेम को डीप पॉइंट के रीजन में, दो रन के इजाफे के साथ 13 पे कोई आउट नहीं। रन रेट अभी भी 5 से कम का है और अब आहिस्ता इस रन रेट को बढ़ाने की जरूरत। शिव कुमार भाई आप लास्ट वाली लाइव स्ट्रीम के ऊपर चले जाएं, यहाँ पर तो 126 दोस्त मौजूद हैं, यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप लास्ट वाली लाइव के ऊपर चले जाएं जिसके ऊपर 350 के ऊपर दोस्त मौजूद हैं। काफ़ी फीका मैच है वैसे, मतलब कहने का मतलब ये कि लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है इसमें। चमीरा की ये गेम डाउन द लेग साइड, ये गेंद और बल्ले को मिस करते हुए, बैट्स को मिस करते हुए ये गेंद विकेट कीपर के पास गई है। 14 पे कोई आउट नहीं, दो ओवर्स और 4 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। वाइन ने 6 रन बनाए हुए हैं, कामू नोहू कामबे, कैसा बड़ा नाम पाया गया है इस बंदे का। 11 अल्फाबेट्स हैं इनके नाम तो। 14 है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे, दुश्मनता चमीरा 4 गेंदों के ऊपर 4 रन दे चुके हैं जो कि अपनी बॉलिंग के सिलसिले को कंटिन्यू रखे हुए। यहाँ पर ओवर के लिए गेंद लेकर चमीरा दौड़ते हुए आए, गेंद किया, इस गेंद को पुल कर दिया गया है लेग साइड में, पीछे फील्डर जरूर लेकिन यह गेंद उनकी पहुंच से बाहर, एक टपल लगने के बाद गेंद बाउंड्री के पार 4 रन के लिए। एक बेहतरीन चौका, पुल किया इस गेंद को और पुल करते हुए दे मारा है चौका। वासी भाई इनके यहाँ सब के ही ये भी नहीं गया। एक गेंद अभी मलिक किया, क्या बोला आपने मुझे पता ही नहीं चला। हुसैन भाई ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, वेलकम टू द लाइव। मिनी मिनकाल गेमर हमारे साथ मौजूद है, वेलकम टू द लाइव। राइट आर्म ओवर द विकेट, अगेन दिस गेंद को बैकवर्ड पर रहते हुए मिड विकेट के एरिया में खेला, पंच किया, एक रन का इजाफा, सिंगल के इजाफे के साथ 19 पे कोई आउट नहीं, 3 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा। मास गेमिंग है हमारे साथ, बहुत मास चढ़ा हुआ है आप पे, बड़े तेज हो रहे हो, नाम का बोला है, सबके ऐसे ही होते हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और श्रीलंका के भी एक प्लेयर हैं समारा विक्रमा, इनका नाम भी काफी बड़ा है। 19 जिम्बाब्वे, कोई खिलाड़ी आउट नहीं 3 ओवर्स के बाद। और यहाँ पर अब अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने की ज़रूरत होगी इन प्लेयर्स को ताकि ये तेज़ खेलें और अच्छे तरीके से अपनी टीम को आगे लेकर बढ़ पाएं। कामवी जो कि 11 के स्कोर पे 10 गेंदों का किया हुआ है सामना, अगले ओवर की अब शुरुआती गेंद लेकर बॉलर है तैयार, दौड़ते हुए आए, गेंद किया, इस गेंद को बैटर ने बैकफुट पर रहते हुए पंच किया, बेहतरीन फील्डिंग पाथुम निशान का की ओर से जिन्होंने डाइव किया और इस गेंद को फील्ड करते हुए वापस किया, एक रन का इजाफा। हाँ ना, इतने बड़े नाम को बंदा आप कैसे ले, इतना बड़ा नाम लेते लेते भले ओवर गुजर जाए। 20 जिम्बाब्वे, कोई खिलाड़ी आउट नहीं 3 ओवर्स और 1 गेंद के बाद। जिम्बाब्वे 20 के स्कोर पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं, एंड दे नीड सम बाउंड्रीज हियर। क्रेगर वाइन 6 के स्कोर पर मौजूद हैं, 8 गेंदों का किया हुआ सामना। ओवर की गेम डाउन द लेग साइड, वाइड बॉल का सिग्नल अंपायर की तरफ से और इसी वाइड बॉल के चलते हुए 21 पे कोई आउट नहीं 3 ओवर्स और 1 गेंद के बाद। 400 दोस्त हैं, 84 लाइक्स हैं, अगर आपने भी नहीं किया हुआ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला सुबह 10 बजे सुबह 5 बजे वो मुकाबला खेला जाना है, तो आप सभी दोस्त तो उस मैच के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि जब भी हम लाइव हों तो फौरी तौर पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सभी का डिनर हो गया क्या? फिर से ओवर के लिए गेंद को ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद थर्ड मैन के एरिया में, बेहतरीन फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर मौजूद कुशाल परेरा की ओर से जिन्होंने डाइव करते हुए इस गेंद को रोकते हुए जब तक वापस किया, एक रन का इजाफा हुआ, सिंगल के इजाफे के साथ 22 पे कोई आउट नहीं है।
खेलना इस गेंद को लेग साइड में चाहते थे, लेकिन ये गेंद बल्ले का किनारा लेने के बाद थर्ड मैन के रीजन में गई। सुबह 5 बजे वो मैच होना है, 4:10 पे हम आपके साथ लाइव आ जाएंगे कल सुबह टॉस से पहले। रियाज अली भाई हमारे साथ, नरवाल्स मौजूद है क्या? जिम्बाब्वे जीत नहीं सकती, रियाज नरवाल से शायद। ओवर खेली गेंद जिसे बैटर ने बैकफुट पर रहते हुए खेल दिया है वापस बॉलर के पास, एक और डॉट। आज जिम्बाब्वे जीतेगा, गिरीश पार्मर ने ये बोला है, शिव वर्मा भाई बोलते हुए कि जिम्बाब्वे मैच जीत सकता है। चलिए देखते हैं कि बनता है क्या। मेरी आईडी हाइड की थी, किसी ने अभी तक अनहाइड नहीं हुई, स्वीट आसिफ के नाम से आईडी। वैसे भाई स्ट्रीम पे सबसे ज़्यादा दिल से आपकी करता हूँ भाई। अभी आपकी किसी ने आईडी हाइड की है क्या? मुझे देख लेने दें अगर ऐसा है तो। स्कोर 22 है बिना किसी विकेट के नुकसान पे, स्ट्राइक पे मौजूद अब। और यहाँ पर बड़ा शॉट खेला है दिनाशु ने, गेंद हवा में और ये गेंद फील्डर के हाथों में, पहली विकेट मिलते हुए जी बिल्कुल पहला धचका लगते हुए, और बड़ा नुकसान टीम जिम्बाब्वे के लिए, बड़ा नुकसान बड़ा धचका। और 22 पे एक आउट 3 ओवर्स और 4 गेंदों के बाद 22 गेंदें 22 रन, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त करते हुए ये। तो गाइज यहाँ पर स्कोर की बात की जाए तो 22 है स्कोर, 1 के नुकसान पे 3 ओवर्स और 4 गेंदों। दिल से शुक्रिया आप सभी का बने रहने के लिए हमारे साथ। पहली विकेट लूज कर दी है अब इस टीम ने, और आउट होने वाले प्लेयर जो हैं वो अब कह लीजिए कि यहाँ पर तनाशी जो कि आउट होकर गए हैं पवेलियन की तरफ वापस। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। यहाँ पर अब 22 पे एक आउट है, 22 पे एक आउट। सो नए आने वाले प्लेयर की अगर हम बात कर लेते हैं तो नए आने वाले प्लेयर अब हैं यहाँ पर, कह लीजिए कि नए आने वाले प्लेयर अब ब्रायन बेनेट जो हैं वो अब आ चुके हैं, और देखते हैं कि किस किस्म की जो है वो क्रिकेट खेली जाती है ब्रायन बेनेट की तरफ से, जिन्होंने इस ओवर की पहली ही गेंद को ड्राइव किया कवर्स के एरिया में खेला, कोई भी रन नहीं आया, 22 पे एक आउट, 3 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल जो कि हो चुका है पूरा। नहीं भाई आपकी आईडी नहीं मिली है, नहीं मुझे पता भी नहीं चलेगा किसने की हुई है हाइड आपकी आईडी, लेकिन मिली भी नहीं है, मैंने सारी की सारी लिस्ट जो है वो चेक कर ली है। कोई गल नहीं प्रवा इंज हुंदा रहिंदा वा, कभी कभी ये वाली आईडी से आप कमेंट करते रहें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो दोस्तों स्कोर अब 22 है के नुकसान पे, 3 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। यहाँ पर ओवर के लिए गेंद यॉर्कर लिंच अगेन, दिस गेंद को बैटर ने कवर्स के एरिया में ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन खेल बैठे इस गेंद को सीधा एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के पास, एक और डॉट। 22 पे एक आउट, 4 ओवर्स का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। जितने भी दोस्त यहां कहीं से हैं हमारे साथ मौजूद, वेलकम ऑल टू दी लाइव। 22 पे एक आउट, 4 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा। काशिफ अली और मुंबई ने हमें कर लिया है ज्वाइन, और ये आपके साथ हम मौजूद रहेंगे अगले कुछ टाइम, और उम्मीद करेंगे कि ये मुकाबला थोड़ा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। बैनेट 0 के स्कोर पर मौजूद है, 2 गेंदों का किया हुआ सामना, रॉयन ने 7 बनाए हुए, 9 गेंदों का किया हुआ सामना। उस आईडी से मैसेजेस लाइव चैट के अंदर शो नहीं होते भाई, पता नहीं मुझे दिख ही नहीं वो आपकी आईडी, अगर दिख गई होती तो मैं हाइड कर देता। एक स्लिप के साथ ओवर की अगली गेंद को बैकफुट पर रहते हुए कट करने की कोशिश में थी ये बैटर, और खेल बैठे हैं सीधा गली के एरिया में खेलने की कोशिश थी, लेकिन नाकाम रेड डॉट के साथ 22 पे एक। अगला मुकाबला श्रीलंका और जिम्बाब्वे का, तीसरा टी20 मुकाबला 18 जून को खेला जाएगा।
जिसके बाद 19 जून को होने वाला है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला दोपहर के वक्त, और 21 तारीख को फिर से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच खेला जाएगा। 22 पे एक आउट 4 ओवर्स और एक गेंद के बाद बाउंड्रीज की आवश्यकता है, लेकिन बाउंड्रीज बिल्कुल भी लग नहीं पा रही हैं। टीम श्रीलंका अच्छे कंट्रोल के साथ इस मुकाबले के अंदर आगे बढ़ते हुए यहां पर ओवर के लिए लेकर बॉलर एक बार फिर से दौड़ते हुए आए, गेंद किया, ओ लवली डिलीवरी बाय चमीरा, 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करवाई गई ये गेंद, और बल्ले के किनारे को मिस करते हुए ये गेंद जो कि गई है विकेट कीपर के पास। जी हाँ दोस्तों, तो रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो चाहिए 9.81 की हो गई है। अब एक सिंगल बना लिया है, बैनिच हैं बैटर एक साइड पर, दूसरी साइड पर हैं अरवाइन। देखते हैं कि टीम श्रीलंका आज इस मैच को जीतेगी या फिर टीम जिम्बाब्वे कोई चमत्कार करेगी। तो आपकी विनर टीम कौन सी है दोस्तों, आप सबने ज़रूर बता देना है हमें कि टीम जिम्बाब्वे या फिर टीम श्रीलंका कौन सी टीम आज के इस मैच को जीतेगी, विन करेगी, विजेता कौन सी टीम रहेगी। चमीरा हैं बॉलर, अपनी इस इनिंग्स का दूसरा ओवर करवा रहे हैं। स्वीड आसु भाई, आपके मैसेज वैसे शो हो रहे हैं आप जो कर रहे हो आप। 151 रन मजीद चाहिए टीम जिम्बाब्वे को जीतने के लिए। चामीरा हैं बॉलर, बैंड सामने आए, बॉल की चामीरा ने उसे पॉइंट के फील्डर की जानिब खेल दिया है हल्के हाथों के साथ। एक रन का और इजाफा टीम जिम्बाब्वे के स्कोर कार्ड में। 143 की स्पीड से फेंकी गई चामीरा की तरफ से ये बॉल। गणेश परमर कह रहे हैं कि आज जिम्बाब्वे विजेता होगी और उनकी जो स्पोर्ट है वो जिम्बाब्वे के लिए है। देखते हैं कि उनकी स्पोर्ट कितनी कारामद रहेगी टीम जिम्बाब्वे के लिए। पावर प्ले का चलता हुआ पांचवां ओवर, और पावर प्ले में कितने रन बनेंगे आप सब ने बता देना हमें। जी हाँ दोस्तों, चामीरा हैं बॉलर और सामने हैं क्रेग अरवाइन, आई बॉल की और उठाकर खेलना चाहते थे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लेकिन बीट हुए यहां पर। इसी के साथ पांचवें ओवर का खेल खत्म। टीम जिम्बाब्वे 5 ओवर्स के बाद 24 पर 1। करंट रन रेट जो है उनकी 4.97 और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 10 के आसपास। चमीरा अच्छे जो हैं वो रिदम के साथ बॉलिंग करवाते हुए। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर इस एक गेंद के बाद होगा। 140 और 143 अच्छी स्पीड के साथ बॉलिंग करवाई है वैसे इस ओवर में चमीरा ने। एक मरतबा फिर राय बॉल की, पैड्स पर बॉल, फील्डर मौजूद हैं दायरे में, कोई रन नहीं बनेगा। ओवर का इख्तिताम 24 रन 5 ओवर के नुकसान पर। पांच ओवर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं टीम जिम्बाब्वे की इनिंग्स के और उनका स्कोर जो है वो 24 है। तो दोस्तों 10 की जो है रिक्वायर्ड रन रेट, क्या बन पाएगा टीम जिम्बाब्वे से ये स्कोर। 150 मजीद चाहिए उनको जीतने के लिए। पावर प्ले का आखिरी ओवर, अब देखते हैं कौन से बॉलर करवाने आएंगे। तिक्षन्ना आए हैं दोबारा अपनी इस इनिंग्स का दूसरा ओवर करवाने। 60 का फर्क है बीबी मलिक, जी हाँ 60 का फर्क है, लेकिन ये फर्क बहुत ज्यादा है। आजाद साहब भाई कह रहे हैं कि श्रीलंका विन करेगी। तिक्षन्ना आई बॉल की, हल्का सा फ्लाइटेड बॉल और अच्छी फील्डिंग थर्ड मैन की जानिब से। थर्ड मैन के फील्डर ने यहाँ पर एक यकीनी चौका बचाया। पावर प्ले चल रहा है, आखिरी ओवर है, दायरे में फील्डर मौजूद हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि दायरे के ओवर्स जो हैं वो पहले 6 ओवर्स होते हैं और वहाँ पर सिर्फ 2 ही फील्डर्स जो हैं उनको अलाउ होता है कि दायरे से बाहर वो फील्डिंग कर सकते हैं।
अभी तक जो है सिंस 2022 अगर बात करें तो शन्ना ने पावर प्ले में 49 ओवर्स करवाए और सबसे ज़्यादा 13 विकटें जो हैं 6 की इकानमी के साथ 51% उन्होंने डॉट बॉल की हैं। एक मरतबा फिर बाल हवा में, आउट होने का खतरा, लेकिन कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए क्योंकि उनके सर के ऊपर से खेला गया क्रेगन वाइन का बहुत ही उमदा शॉट 4 रन के लिए। इसी के चलते टीम जिम्बाब्वे 29 रन पर पहुंच चुकी है, बहुत दूर है मैच इनकी पहुंच से। जैक्सन रोड्रिगेज हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू यू एज वेल जैक्सन, एंड ही सेइंग दैट जिम्बाब्वे इज़ अ टीम मच वीक। यस ब्रो, दे नीड लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन एवरी डिपार्टमेंट लाइक इन बॉलिंग एंड बैटिंग एंड इन फील्डिंग एज वेल। दे आर आउट ऑफ T20 वर्ल्ड कप एज वेल, वो क्वालिफायर्स जो थे वहाँ से जिम्बाब्वे जो थी वो आउट हो चुकी है, तो वर्ल्ड कप में नहीं होंगे टीम जिम्बाब्वे जो 2024 का इस साल का वर्ल्ड कप होगा। अब सामने हैं अरवाइन और बॉलर हैं तिक्षणा, आई बॉल की हल्का सा कदमों का इस्तेमाल, हल्के हाथों से खेल दिया है लेग साइड की जानिब, गैप में बॉल, 2 रन का मजीद इजाफा क्रेग अरवाइन के स्कोर कार्ड में और इसी के चलते टीम जिम्बाब्वे के स्कोर कार्ड में भी। तो क्या कहते हैं दोस्तों, कौन सी टीम जो है वो इस मैच को अपने नाम करेगी, क्या जिम्बाब्वे यहां से कोई मैजिक शो कर सकती है। अभी सिकंदर रजा बट जो हैं उनके वो मेन बैटर हैं, उनके रीढ़ की हड्डी हैं कह लें कि अपनी टीम की, वो बाकी हैं, उनकी बैटिंग अभी बाकी है। तिक्षण ना आए एक मरतबा फिर अच्छी बॉल, यहाँ पर कोई रन नहीं बनेगा, निकल कर खेलना चाहते थे, बीट हुए और स्पिन हो रही है बॉल तिक्षण ना की, 101 की स्पीड से करवाई गई है डिलीवरी। नाजिर खान भाई वेलकम टू यू एज़ वेल, खुश आमदीद, बखैर राग ले, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लाइव पर आए और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को अगर अभी तक नहीं किया हुआ तो। तिक्षणा है एक मरतबा फिर बॉलर आए और अच्छा बॉल यहां पर, एक मरतबा फिर बीट हुए, लेग साइड पर बॉल थी, अगर मिडिल स्टंप पर होती तो LBW यकीनी आउट हो सकते थे। इसी के चलते पावर प्ले के ओवर्स जो हैं वो उन का इख्तिताम यहां पर होते हुए 31 रन टीम जिम्बाब्वे, 6 ओवर्स के बाद एक खिलाड़ी उनका आउट हुआ है, करंट रन रेट उनकी 5 की, रिक्वायर्ड 10 के ऊपर, ड्रॉ अंटिल नाउ जैक्सन इज सेइंग इट इज़ अ T20 गेम जैक्सन ब्रो, इट एंड्स इन अ रिजल्ट लाइक विन और लोज, सो द सिचुएशन इज़ दैट जिम्बाब्वे इज़ फार फार बिहाइंड इन दैट गेम एज वेल लाइक द लॉस इन फर्स्ट T20। दिस इज़ द सेकेंड T20 ऑफ दिस सीरीज। अब आए हैं श्रीलंका टीम जिम्बाब्वे की जानिब से, देखते हैं कि वो अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। बेनेट हैं सामने, बेनेट ने हल्के हाथों के साथ कट किया है बॉल को, 1 रन के लिए। इसी के चलते अब टीम जिम्बाब्वे का स्कोर 32 रन, 1 खिलाड़ी के नुकसान पर, बेनेट 3 रन पर मौजूद हैं और अरवाइन जो हैं उन्होंने अभी तक 19 बॉलें खेली हैं और 14 रन बनाए हैं। श्रीलंका हैं बॉलर आई बॉल की और अच्छा बॉल यहां पर, रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, स्विच हिट लगाना चाहते थे क्रेग अरवाइन, लेकिन सही से कनेक्ट नहीं कर सके बॉल को। एक मरतबा फिर वही स्विच हिट ट्राई की और इस मरतबा कामयाब रहे क्रेग अरवाइन स्विच हिट करने में और 4 रन्स मिलेंगे। इससे पहली बॉल पर भी उन्होंने यही ट्राई किया था शॉट और अब लगा दिया है एक और चौका, फील्डर जो थे वो दायरे पर ऊपर मौजूद थे। जिम्बाब्वे को जीतने के लिए 138 मजीद रन्स चाहिए। श्रीलंका को लगा दिया है उसके पहले ही ओवर में चौका क्रेग अरवाइन, वैसे बहुत ही ज़्यादा
मंजे हुए बैटर हैं। एक मरतबा फिर वही स्विच हिट खेलना चाहा लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में दे बैठे, लेकिन कोई रन नहीं बनेगा। नईम अहमद भाई कह रहे हैं कि ये ओडीआई खेल रहे हैं, तो खेल तो वैसे अपनी हिम्मत के मुताबिक सही रहे हैं टीम जिम्बाब्वे। एक मरतबा फिर श्रीलंका आए, फुलर लेंथ बॉल से लेग साइड की जानिब खेल दिया है, गैप में है गेंद, दो रन को आसानी के साथ मुकम्मल कर लेंगे यहाँ पर क्रेग रवाइन। फिर भी अच्छा ओवर ये साबित होते हुए जिम्बाब्वे के लिए, 7 रन आ चुके हैं। अभी एक बॉल जो है वो मजीद रहती है इस ओवर में। जैक्सन रोड्रिगेज सेइंग दैट गो जिम्बाब्वे गो, सो लेट्स सी ब्रदर व्हाट विल हैपन टुडे, कैन जिम्बाब्वे विन और नॉट। तो फिर लेग साइड पर खेल दिया है एक रन के लिए, इसी के साथ ओवर का इख्तिताम। 7 ओवर्स के बाद टीम जिम्बाब्वे 39 for 1। पाकिस्तान का मैच सुबह को है पुष्कर पुजारा भाई, तो कल को पता चलेगा। हर ओवर में एक सिक्स चाहिए ज़रूरत है, शिव कुमार भाई बोलते हुए। जी हाँ ऐसे ही है, अगर टीम जिम्बाब्वे को जीतना है तो हर ओवर में छक्का लगाना ज़रूरी। इसके बाद विलियम्स ने आना है, रजा ने आना है, बुराल ने आना है, मडेंडी ने आना है, जोंगवे हैं, मसकर्दा हैं और मुजरबा ने। तो ये थी इसके बाद की बैटिंग लाइनअप। टीम जिम्बाब्वे देखते हैं क्या होता है। एक मरतबा तो हल्के हाथों से लेग साइड की जानिब खेल दिया है, फील्डर दायरे में ऊपर मौजूद हैं फाइन लेग के, और इसी के चलते एक अच्छा अरवाइन को और मिल जाएगा चौका। 4 मोर रन्स एडेड टू द टोटल ऑफ टीम जिम्बाब्वे एज क्रेग रवाइन प्लेज डेफ्ट टच टूवर्ड्स फाइन लेग फॉर 4 रन्स। थोड़ा सा खतरनाक तरीके से खेला गया शॉट, अगर बैट को हिट ना होती तो सीधा LBW आउट हो सकते थे। एक मिनट तो हसरंगा आए फिर बॉल की और हल्के हाथों के साथ खेल दिया है लेग साइड की जानिब। फ्रंट रन रेट 6 के हिसाब से चलते हुए यहां पर टीम जिम्बाब्वे का, और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 10 के ऊपर चाहिए यहां पर टीम जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे इन एडवांटेज, जैक्सन रोड्रिगेस और सेइंग। एक मतलब फिर फुलर लेंथ बॉल थी, उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की जानिब एक रन के लिए। तो स्वीट आसफ भाई जो हैं वो ज्यारत जा रहे हैं आई थिंक इंजॉय करने वेदर। सिकंदर रजा बट बैठे हुए हैं पैड्स पहन कर, उसके बाद बैटिंग करेंगे 2 डाउन पर। एक मिनट तो फिर हसरंगा आए और अच्छी बॉल थी, एज हुए थे रन आउट का खतरा, लेकिन तेजी के साथ एक रन को मुकम्मल किया इरफान शाह भाई पूछते हुए। और यहां पर ओवर थ्रो की सूरत में एक अजाफी रन मिलते हुए यहां पर टीम जिम्बाब्वे को। आठवीं ओवर का खेल यहां पर चलते हुए टीम जिम्बाब्वे अभी तक 50 रन्स पर ही नहीं पहुंचे हैं। हसरंगा अपनी इस इनिंग्स का पहला ओवर करवाते हुए, बाउंड्री चेक की जा रही है, ओवर थ्रो जो हुई थी वहां पर चौका होने लगा था ओवर थ्रो की सूरत में, लेकिन बच गए, चौका नहीं हो पाया। 127 रन्स जो हैं वो मजीद चाहिए 74 बॉलों पर। जिम्बाब्वे को यहां से जीतने के लिए जो है वो धुआंधार बैटिंग करने की ज़रूरत। अच्छी एफर्ट वहाँ पर फील्डर शानाका की जानिब से, यकीनी ओवर थ्रो का 4 रन जो थे वो बचाए उन्होंने। हसरंगा अपने इस ओवर की अगली बॉल करवाने के लिए तैयार, सामने अरवाइन, उसे लैप स्वीप कर दिया है अरवाइन ने, पीछे फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन बनेगा स्क्वेयर लेग की जानिब। इसी के चलते टीम जिम्बाब्वे का स्कोर 48 रन। आठवीं ओवर की एक बॉल अभी मजीद करवाना है बाकी। निशान सुबेदी भाई कह रहे हैं कि आउट इन दिस ओवर, तो देखते हैं कि लास्ट बॉल पर आउट होते हैं या नहीं।
टीम श्रीलंका ने आज बनाए थे 173 रन्स आखिरी ओवर की आखिरी यहां पर श्रीलंका के ओवर की आखिरी बॉल उसे ओवर्स की जान भी खेला, कोई रन नहीं बनेगा। इसी के चलते 8 ओवर्स के बाद टीम जिम्बाब्वे 48 रन्स और एक खिलाड़ी उनका आउट हो चुका है। तो क्या कहते हैं दोस्तों, जिम्बाब्वे यहाँ से जीत पाएगी या नहीं? इज़ देयर एनी चांस फॉर जिम्बाब्वे टू विन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन दैट दे नीड 10.50 रन्स इन एवरी ओवर, सो दे नीड टू फ्लरिश देयर इनिंग्स इन नो टाइम। अगर मैं समरी की बात करें तो श्रीलंका ने आज 173 रन बनाए थे, वहां पर श्रीलंका ने 69 रन की इनिंग खेली, मैथ्यूज़ ने 66 रन की इनिंग्स खेली, जोंगवे ने दो खिलाड़ियों को आउट किया था और मुजरबान ने इन दो खिलाड़ियों को आउट किया था। अभी तक जिम्बाब्वे ने अपने 8 ओवर्स में 48 रन बना लिए हैं। वहां पर अरवाइन हैं अभी तक इनके मैन ऑफ द मोमेंट जो कि 29 रन पर नॉट आउट हैं। न्यूजीलैंड पाकिस्तान कौन जीतेगा? तो जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो थर्ड ओडीआई माजरत टी20 को जीते और सीरीज में वापसी करे। एक मरतबा देखते हैं, अरवाइन है सामने, बाल हवा में, उन्होंने लैप स्वीप करते हुए कीपर के सर के ऊपर से चौका लगा दिया है अरवाइन ने। तो हल्के हल्के से ऐसा ऐसा से फ्लो में आते हुए क्रेग अरवाइन 29 बॉलों पर 33 रन, 4 चौकों की मदद से 113 के स्ट्राइक रेट के साथ एंजेलो मैथ्यूज़ को इनोवेटिव एंड इफेक्टिव शॉट खेला उन्होंने। लेग जो उनका फ्रंट फुट था उसको क्लियर किया और कीपर के सर के ऊपर से मैजिकल शॉट फॉर द 4 रन्स। ये है ब्यूटी टी20 क्रिकेट की कि आपको देखने को मिलते हैं इस तरह के शॉट्स। एंजेलो मैथ्यूज़ हैं बॉलर, क्रेग अरवाइन हैं बैटर, देखते हैं कि क्या बनता है। अभी तक 5 चौके लगाए हैं टीम जिम्बाब्वे ने अपनी इनिंग्स में। एक मरतबा अच्छा कम बैक यहाँ पर मैथ्यूज़ की जानिब से, स्लोअर बॉल थोड़ा सा पैड्स की जानिब था उसे खेल दिया है मिड विकेट की जानिब एक रन के लिए क्रेग अरवाइन ने। वर्ल्ड की सबसे अच्छी बॉलिंग पाकिस्तान की थी, आज पता नहीं क्या हो गया है। जी हाँ, जो कैप्टन भी न्यू हैं तो लड़के भी जो है न्यू हैं, उनको एक टीम बनने में या जेल होने में थोड़ा सा वक्त दरकार है, लेकिन जल्द ही पाकिस्तान को ये बात समझने की ज़रूरत है। एक मरतबा फिर एंजेलो मैथ्यूज़, बॉल हवा में है, आउट होने का खतरा, देखते हैं फील्डर गेंद के नीचे हैं या नहीं। दायरे पर ऊपर फील्डर मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग वहाँ पर, चौका जो है वो बचा लिया है अपनी टीम के लिए, 2 रन जो हैं वो मिल चुके हैं। आज़ाद साह कह रहे हैं जो अच्छे क्रिकेट खेलेगी, जी हाँ यही बात है, जो अच्छा क्रिकेट खेलेगी वही टीम जो है वो विजेता रहेगी, वही टीम जो है वो विनर होगी जो फील्डिंग अच्छी करेगी और बैटिंग और बॉलिंग अच्छी करेगी। 3 रन मिले यहाँ पर जिम्बाब्वे के खाते में, बाउंड्री को चेक किया जा रहा है लेकिन बाउंड्री नहीं है। एक मरतबा एंजेलो मैथ्यूज़ आए और काफ़ी ज़्यादा ऑफ साइड पर थी बॉल, उसी के चलते अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल है, दोबारा करवानी पड़ेगी एंजेलो मैथ्यूज़ को ये वाली बॉल। पार्टनरशिप की बात करें तो 29 बॉलों पर 34 रन की ये एक अच्छी पार्टनरशिप चलते हुए टीम जिम्बाब्वे की जानिब से। सिकंदर रजा बट इसके बाद आएंगे जो कि की प्लेयर हैं। स्वीट आसफ कह रहे हैं कि अरवाइन जो हैं वो गुड बैटर हैं, जी हाँ बिल्कुल अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अभी तक। अरवाइन ने हल्के हाथों के साथ खेला, स्लोअर बॉल थी एंजेलो मैथ्यूज़ की जानिब से, ये पॉइंट और कवर के दरमियान में एक रन को जो है आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया। अच्छा ही ओवर चलते हुए टीम जिम्बाब्वे की जानिब से, क्योंकि अगर देखा जाए तो 10 रन हर ओवर में चाहिए टीम जिम्बाब्वे को, तो इस ओवर में अभी 2 बालें पड़ी हैं और 10 रन जो हैं वो आ गए हैं ऑलरेडी। एक मरतबा फिर इनसाइड आज हुए हैं, पीछे फील्डर मौजूद, थर्ड मैन की जानिब एक रन मिल जाएगा। आखिरी बॉल रहेगी यहां पर एंजेलो मैथ्यूज़ के इस पहले ओवर की, और इनिंग्स का अगर देखा जाए तो ये 9वां ओवर है। आखिरी बॉल करवाने के लिए तैयार एंजेलो मैथ्यूज़, उनके अरवाइन हैं बैटर, आई बॉल की उठाकर खेलना चाहते थे जोरदार तरीके से, लेकिन
सीधा स्क्वेयर लेग के फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं बना इस बॉल पर भी। 9 ओवर्स के बाद टीम जिम्बाब्वे 59 पर 1। तो काशिफ भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कि काशिफ भाई आज किस टीम को विन करवा रहे हैं। वासु भाई खाना खाने गए हैं? नहीं मैम ब्रो, तो आज मैच भी थोड़ा सा कह लें कि डाउन एंड आउट ही है, तो इसलिए वो आते हैं अभी आपके साथ। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अली, तो पूछते हैं 66 बॉल पर 115 रन, क्या टीम जिम्बाब्वे आपके हिसाब से बना पाएगी या नहीं? मेरे ख्याल से नहीं बना पाएगी, क्योंकि रन काफ़ी ज़्यादा है और जिम्बाब्वे की टीम की जो रन है वो काफ़ी लो है, इसलिए हार से तो नहीं बना। हसरंगा आए लेग साइड पर बॉल की और फाइन लेग के फील्डर ऊपर मौजूद थे, दायरे में एक रन बन पाएगा। जी हाँ, अगर देखा जाए सिकंदर रजा बट जो हैं वो इनके एक कह लें मेन प्लेयर हैं, बैटिंग में और बॉलिंग में भी हैं वो। और 65 बॉल पर 114 रन काफ़ी ज़्यादा हैं। एक मरतबा ज़ोरदार अपील, स्विच हिट करने गए थे, अंपायर का इशारा के नॉट आउट, लेकिन टीम श्रीलंका देखते हैं कि रिव्यू लेते हैं या नहीं, कुछ सोच विचार करेंगे। इसी इस्तना में ओवरथ्रो का एक और रन मिल गया है टीम जिम्बाब्वे को, कुल मिलाकर इस बॉल पर 2 रन बना लिए हैं। स्विच हिट खेलने गए थे यहां पर अरवाइन, जी हां, अपने बैटिंग स्टाइल को चेंज करके लेफ्ट हैंडर हैं और राइट हैंडर होकर दायरे के ऊपर से लगाना चाहते थे चौका या छक्का, लेकिन नाकाम रहे। एक मरतबा कदमों का इस्तेमाल करे अरवाइन की जानिब से, लगर मगर पीछे फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन बनेगा। लॉन्ग ऑन पर खेला गया शॉट एक रन के लिए। जैसी जैक्सन ब्रो, योर राइट टू मोर एज वेल इन द टोटल ऑफ टीम जिम्बाब्वे, दे आर 111 रन मोर नीडेड इन 63 बॉल्स। उठा दिया है यहां पर बेनेट ने इन द गैप एंड 4 रन, वेरी गुड शॉट फ्रॉम बेनेट, मिड विकेट पर लगा दिया है कि बहुत ही अच्छा चौका। 62 बॉल पर 107 रन मजीद अब चाहिए टीम जिम्बाब्वे को जीतने के लिए। जी हां नहीं मोहम्मद भाई, सिकंदर रजा जो थे वो पाकिस्तान के रहने वाले थे और सियालकोट स्टैलियंस की जानिब से खेलते भी रहे हैं डोमेस्टिक। एक मरतबा फिर हसरंगा आए बॉल की, इस मरतबा कट करने गए थे लेकिन बीट हुए। हसरंगा जो हैं वो बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, उनको खेलना इतना ज़्यादा आसान नहीं रहेगा यहाँ पर टीम जिम्बाब्वे के बैटर्स के लिए। 10वें ओवर की आखिरी बॉल और इसे खेल दिया है एक रन के लिए बेनेट ने, खेलना ऑफ साइड पर चाहते थे, इनसाइड एज हुए और लेग साइड पर बॉल, देखते हैं दूसरे रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही उम्दा रनिंग बिटवीन द विकेट एंड 2 मोर रन जो हैं वो उन्होंने बना लिए हैं आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ 10 ओवर्स। टीम जिम्बाब्वे मेक 69 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, दे आर नीडेड 105 मोर रन इन देयर लास्ट 10 ओवर्स। तो क्या कहते हैं दोस्तों, 60 बॉलों पर 105 रन, क्या टीम जिम्बाब्वे बना पाएगी? क्या उनके बस की बात है कि 10.50 की रिक्वायर्ड जो रन रेट है उसको वो 10 ओवर्स तक मेंटेन कर सकें? क्रेग अरवाइन वैसे जो हैं वो सेट हो चुके हैं क्रीज पर, उन्होंने 34 बॉलें खेली अभी तक और 38 रन पर मौजूद नॉट आउट। और दूसरी तरफ हैं बेनेट, उनका साथ दे रहे हैं, 13 बॉलों पर उन्होंने 14 रन बनाए हैं एक चौके की मदद से। उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा लो है लेकिन देखते हैं क्या बनता है। दासुन शनाका आए और उनका स्वागत किया है यहाँ पर अरवाइन जो हैं आज फॉर्म में नजर आते हुए। दोस्तों लेग साइड पर पैड्स पर नीचे बॉल थी, उसे उठा दिया है फ्लिक शॉट बहुत ही उम्दा तरीके से, पहला छक्का आता हुआ इस इनिंग्स का और क्रेग अरवाइन के बल्ले से ही आया छक्का। 44 रन पर पहुंच चुके हैं वो 35 बॉलों पर अपने स्ट्राइक रेट को और ज़्यादा बेहतर करते हुए। 74 मीटर का छक्का लगाया क्रेग अरवाइन ने, अरवाइन है सामने, शनाका है बॉलर, अच्छा कमबैक यहां पर शनाका की जानिब से, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला अरवाइन ने लॉन्ग ऑफ पर एक रन के लिए। इसी के चलते 50 रन की जो है वो पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी है। जैस
यस क्रेगर जैक्सन रोड्रिग्स ब्रो अरवाइन पुल्स अ वेरी एलिगेंट सिक्स दे कैन विन फ्रॉम हेयर बट दे नीड अ पार्टनरशिप ऑफ 100 रन्स अनदर गुड शॉट दिस टाइम फ्रॉम बेनेट ओवर द हेड ऑफ कवर फील्डर फॉर द 4 रन्स ग्रेट बैटिंग जिम्बाब्वे की जानिब से यहाँ पर बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा 6 के बाद चौका 6 एंड 4 सो कुल मिलाकर जो पहले की 3 बॉल हैं शनाका की उस पर मिल गए हैं टीम जिम्बाब्वे को 11 रन्स 10 की रन रेट चाहिए 11 बन गए हैं 3 बॉलों पर जो पहले की 3 बॉलें हैं शनाका की इस ओवर की 58 रन्स की अच्छी पार्टनरशिप 42 बॉलों पर अरवाइन और बैनेट की जानिब से बैनेट एक बार फिर विकटों को छोड़कर खेलना चाहते थे थर्ड मैन की तरफ बॉल को गाइड करना चाहते थे लेकिन बीट हुए इसी के चलते एक डॉट बॉल का इजाफा जिम्बाब्वे का स्कोर 80 इस ओवर में पहली बॉल पर छक्का लगाया था अरवाइन ने अच्छा पिकअप शॉट था उनकी तरफ से उसके बाद सिंगल लिया फिर बैनेट ने चौका लगाया 56 बॉलों पर 94 रन्स देखते हैं आज जिम्बाब्वे जीत पाएगा टीम श्रीलंका से या नहीं शनाका है बॉलर बेनेट है बैटर एक मिनट पाए बॉल की उसे खेल दिया है हल्के हाथों के साथ लॉन्ग ऑन की जाने पीछे फील्डर मौजूद एक ही रन बनेगा अरवाइन 5 रन की दूरी पर अपनी हाफ सेंचुरी से जिम्बाब्वे को इसी तरह अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करने की जो है वो ज़रूरत इस मैच को जीतने के लिए आखिरी बॉल शनाका की अरवाइन सामने आई बॉल की पुल शॉट शॉर्ट बॉल को ज़ोरदार तरीके से ड्रिल किया था मगर पीछे फील्डर मौजूद थे लॉन्ग ऑन पर एक ही रन बनेगा इसी के चलते 11 ओवर्स के बाद टीम जिम्बाब्वे 82 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर मजीद चाहिए टीम जिम्बाब्वे को 92 रन Zimbabwe need 92 runs in 54 balls. अगर पार्टनरशिप की बात करें तो 60 रन्स की जो है वो लग चुकी है दोनों बैटर्स के दरमियान 44 बॉलों पर 60 रन की एक उम्दा पार्टनरशिप चलते हुए क्या ये पार्टनरशिप जो है वो अपनी टीम को जितवा पाएगी या नहीं एक मरतबा फिर उठा दिया है पहली ही बॉल को वाह क्या बात है क्रेग अरवाइन की वन बाउंस ओवर द रो फॉर द 6 रन और 50 रन्स की जो है वो इनिंग्स कंप्लीट करते हुए क्रेग अरवाइन 67 मैचेस में इन्होंने 1409 रन्स बनाए हैं अपनी टीम के लिए बहुत ही एलिगेंट तरीके से खेला गया शॉट क्रेग अरवाइन की तरफ से फाइन लेग के फील्डर जो थे वो दायरे में ऊपर मौजूद थे स्क्वेयर लेग के फील्डर ज़्यादा स्क्वेयर थे तो इसी के चलते 4 रन्स उनके खाते में एक मिनट पर फिर अरवाइन ने हल्के हाथों के साथ खेला और बहुत ही तेज़ी से 2 रन जो हैं वो मुकम्मल कर लिए स्वीट आसफ भाई ने जो हैं बहुत ही स्वीट स्वीट बातें लिखी हुई हैं थैंक यू ब्रदर क्रेग अरवाइन ने 52 रन बना लिए 39 बॉलों पर 14 डॉट बॉलें 5 चौके और 1 छक्के की मदद से अरवाइन ने फिर स्विच हिट खेलने गए लेकिन इस मरतबा बीट हुए वैसे बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्राई की है इस इनिंग्स में स्विच हिट 40 बॉलों पर 52 रन पर मौजूद हैं थोड़े सा एहतियात करने की ज़रूरत एंड जैक्सन सेज दैट टुडे जिम्बाब्वे विल रिवेंज एवरी लॉस फॉर श्रीलंका सो लेट्स सी ब्रो व्हाट हैपन्स दे नीड टू बैट मोर 50 बॉल्स एंड दे नीडेड 85 रन्स मोर टू विन फ्रॉम हेयर अब सामने हैं बेनेट जो कि 19 रन्स बनाए हैं उन्होंने 16 बॉलों पर वो सामना करेंगे हसरंगा का बॉल की हसरंगा ने उसे
जोरदार तरीके से खेल दिया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर की जानिब से, एक यकीनी चौका बचाया अपनी टीम के लिए, इसी के चलते दो रन का मजीद इजाफा। टीम जिम्बाब्वे अच्छा फाइट बैक करते हुए, कौन होगा विनर आज के मैच का आप सब दोस्तों ने ज़रूर बताना है हमें, जिम्बाब्वे या फिर श्रीलंका। बाउंड्री को चेक किया जा रहा है लेकिन अच्छी एफर्ट वहां पर फील्डर की जानिब से, लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर मौजूद थे उन्होंने अच्छी वैलियंट एफर्ट की और एक यकीनी चौका जो था वो बचाया, दो रन बचाए अपनी टीम के लिए। शिव कुमार भाई कह रहे हैं कि अब सिक्सर के बिना जो है वो बात नहीं बनेगी, 67 रन की जो है वो पार्टनरशिप हो चुकी है और इस दो रन के बाद तो 69 रन की हो चुकी है शिव कुमार भाई। अच्छी वैसे पार्टनरशिप चलते हुए दोनों मैचेस के दरमियान। बेनेट 21 रन, बेनेट ने कट किया है बॉल को, पीछे फील्डर मौजूद नहीं है, कवर्स की जानिब इंतहाई खूबसूरत शॉट असरंगा की, हालांकि ये बहुत ही मुश्किल बॉल थी और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया बेनेट ने। इसी के साथ 12 ओवर्स के बाद टीम जिम्बाब्वे 95 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर, तो चीज़ों को अपनी जानिब लेकर आते हुए टीम जिम्बाब्वे के ये दोनों बैटर्स 13 रन आए इससे पिछले ओवर में और इस ओवर में भी आ गए हैं 13 रन। तो ये एक अच्छी बात है कि फाइट बैक करते हुए टीम जिम्बाब्वे, कैन दे विन फ्रॉम हेयर। जिम्बाब्वे जो है अभी तक अच्छा कम बैक करते हुए, अड़तालीस बॉलें 79 रन, कौन सी टीम जो है वो आज के इस मैच को विन करेगी देखते हैं, कुछ ही देर बाद हमें ये पता चल जाएगा। वैसे अगर ये दोनों बैटर्स खेलते रहे तो टीम जिम्बाब्वे इस मैच को जीत सकती है। क्रेग इरवाइन ने आज बहुत ही उम्दा शॉट्स खेली, स्विच हिट लगाई उन्होंने और एक छक्का भी लगाया था बहुत ही अच्छा, स्वीट आसिफ भाई आपको टाइम आउट क्यों देंगे हम, आप हमारे स्वीट स्वीट ब्रदर हैं तो हम आपको टाइम आउट क्यों देंगे भाई, खुश रहें आप और हमेशा यहां रहें। शिक्षन्ना आएंगे अपनी इस इनिंग्स का तीसरा ओवर करवाने के लिए, सामने है अरवाइन, अरवाइन ने निकल कर खेलना चाहा कदमों का इस्तेमाल मगर पीछे लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन बनेगा। शन्ना अपनी इस इनिंग्स का तीसरा ओवर करवाते हुए, शिव कुमार भाई हैं हमारे साथ मौजूद, स्वीट आसिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जैक्सन ब्रदर हैं, वेलकम टू यू, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एज वेल। रूम बनाकर खेलना चाहते थे बेनेट मगर बीट हुए, एक और डॉट बॉल का इजाफा जिम्बाब्वे की इनिंग्स में, 78 मजीद रन चाहिए उनको 46 बॉलों पर। रूम बनाकर कवर के फील्डर के सर से ऊपर से खेलना चाहते थे बेनेट मगर नाकाम रहे। तिक्षन्ना है बॉलर, बेनेट हैं बैटर, 78 रन मजीद चाहिए 46 गेंदें। मोहम्मद मोहम्मद कह रहे हैं कि श्रीलंका जीतेगा, बेनेट और ये उड़ा दिया है किल्ली को, तिक्षन्ना आए और 102 की तिक्षन्ना, आशिफ भाई ने कहा है कि टक्षाना जिन्होंने लगा दिया है विकटों को सीधा निशाना और उनका निशाना बने हैं बेनेट, 20 बॉलों पर 25 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस जाते हुए। आई थिंक ये कैरम बॉल की तरह तर्ज की कोई डिलीवरी थी जिसे रीड नहीं कर सके बेनेट, पीछे जाकर कट करना चाहते थे बॉल को लेकिन बॉल की स्पीड जो थी वो मिस रीड की उन्होंने, 102 की स्पीड से करवाई गई ये बॉल। 25 रन बनाने के बाद बेनेट जो हैं वो पवेलियन वापस, अब आएंगे सिकंदर रजा बट, देखते हैं कि इस स्टेज पर अपनी टीम के लिए वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। हालांकि सिकंदर रजा बट वाहद हैं जिम्बाब्वे की टीम में जो कि परफॉर्म कर रहे हैं।
जी हाँ, अब स्पीड जो है वो बढ़ानी होगी, चौकों और छक्कों से ही काम बनेगा यहाँ पर अगर टीम जिम्बाब्वे को जीतना है। सिकंदर रजा बट वैसे अच्छे बैटर हैं, देखते हैं कि अपनी टीम के लिए आज कैसा परफॉर्म करते हैं। सिकंदर रजा बट 76 इनिंग्स में इन्होंने 1836 रन 25 के एवरेज से 134 के स्ट्राइक रेट से और 13 फिफ्टीज हैं उनके T20 कैरियर में। देखते हैं कि आज वो 50 बनाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। 45 बॉलें 78 रन टीम जिम्बाब्वे। एक शाना है बॉलर जो कि अच्छी बॉलिंग करवाते हुए तीसरा ओवर करवा रहे हैं, अभी तक 14 रन ही दिए हैं उन्होंने और एक विकेट जो है वो अपने नाम की हुई है। एक हाथों के साथ वहां पर स्टॉप किया बॉल को सिकंदर रजा भट्ट ने, देखा परखा बॉल को और संभल कर खेला। अभी तक जो दो खिलाड़ी आउट हुए हैं उनमें से एक विकेट जो है वो तक्षाना ने ली हुई है। डेफ टच कर दिया है यहाँ पर सिकंदर रजा भट्ट ने, बहुत ही शाइस्तगी से उमदगी से खेला गया ये शॉट। थर्ड मैन के फील्डर दायरे में ऊपर मौजूद थे जिन्होंने कोशिश की लेकिन चौका नहीं बचा सके अपनी टीम के लिए। इसी के चलते टीम जिम्बाब्वे 100 रन पर पहुँच चुके हैं। 100 अप फॉर टीम जिम्बाब्वे, दे नीड मोर 74 रन टू विन फ्रॉम हेयर इन 43 बॉल्स। हल्के हाथों के साथ डेफ टच किया सिकंदर रजा भट्ट ने, बहुत ही लाजवाब शॉट ये उनके बल्ले से आता हुआ। आखिरी बॉल रहेगी यहाँ पर अब इस ओवर की, तिक्षाना आई बॉल की एक मरतबा फिर उसी तरह का शॉट लेकिन पॉइंट के फील्डर के सीधा हाथों में, कोई रन नहीं बनेगा। इसी के चलते 13 ओवर्स के बाद टीम जिम्बाब्वे 100 पर, दो खिलाड़ी आउट। हर ओवर के अंदर यहां से अब टीम जिम्बाब्वे को जीतने के लिए 10.5 रन पर ओवर बनाना होंगे। हालांकि दो ओवर्स जो थे इससे जो पहले गुजरे हैं उनमें 13-13 रन जो थे वो आ गए थे, तो एक तरह से ये इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है जब तक सिकंदर रजा भट्ट और अरवाइन ये दोनों बैटर्स मौजूद रहेंगे। T20 क्रिकेट में 10 या 11 रन बनाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, अगर एक दो ओवर 15-15 या 17-18 रन लग जाएं, दो ओवर्स अच्छे चले जाएं, मतलब एक ओवर में 20 रन आ जाएं, जिस तरह एंड पर जिम्बाब्वे ने बहुत ज़्यादा रन खाए थे 20-20, आखिर के 6 ओवर्स में 90 रन उन्होंने खाए। तो चमीरा अब आए हैं बॉलिंग एंड पर, उनके सामने हैं बैटर अरवाइन जो कि 53 रन पर मौजूद हैं, 42 बॉलों पर उन्होंने 53 रन बनाए अभी तक। चमीरा आए बॉल की, अच्छा बॉल यहाँ पर और मिस फील्ड हुई उनसे ही, इसी के चलते एक रन को जो है वो मुकम्मल कर लिया दोनों बैटर्स ने तेज़ी के साथ। इसी के साथ टीम जिम्बाब्वे 101। सिकंदर रजा भट्ट अब सामना करेंगे, चमीरा फास्ट बॉलर हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम, देखते हैं कि कोई विकेट लेने में कामयाब होते हैं या फिर सिकंदर रजा भट्ट जो हैं वो बाउंड्री लगाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये रहेगी यहाँ पर देखने वाली बात। सिकंदर रजा भट्ट सामने हैं, बॉलर हैं चमीरा, 73 मजीद रन चाहिए, 41 बॉलें, कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी। मीरा आए बॉल की और सिकंदर रजा भट्ट की जानिब से उठाकर खेल दिया शॉट को, पीछे फील्डर मौजूद लेकिन दायरे में खेला गया शॉट, इसके चार चलते 4 रन, अच्छा गैप निकाला ऑफ साइड पर ओवर्स की जानिब, पीछे फील्डर मौजूद थे लेकिन थोड़े से स्केयर थे इसलिए वो बॉल को जो है वो रोक नहीं पाए, चौके को बचा नहीं सके। 40 बॉलें 69 रन, मैच थोड़ा सा रोमांचक यहाँ पर होते हुए दोस्तों, जब तक सिकंदर रजा भट्ट क्रीज पर मौजूद हैं तो चांसेस हैं कि जिम्बाब्वे जो है वो इस मैच को जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर रजा भट्ट
ओवर की अगली गेंद को शॉर्ट पिच गेंद को पुल किया लेग साइड में और ये गेंद गई है सीधा फील्डर के हाथों में, मिड विकेट की पोजीशन पर वो मौजूद, उन्होंने किया इस गेंद को कैच और इस तरह टीम जिम्बाब्वे ने लूज कर दिया है अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट को। सिकंदर रजा बट जो कि आउट हो गए हैं, अब इस गेंद को लेग साइड में उठाकर खेलना चाहते थे बाउंड्री के पार, लेकिन ये गेंद गई है सीधा फील्डर के हाथों में और इस तरह टीम जो है वो यहाँ पर जिम्बाब्वे ने लूज किया है अपनी एक बहुत बड़ी विकेट को बाउंड्री लगाने के बाद। एक बार फिर से बाउंड्री लगाने के लिए ही प्लेयर गए थे, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में निशाना लगाकर वो आउट हो गए हैं। अब बड़ा नुकसान टीम जिम्बाब्वे के लिए, हालांकि अच्छा स्कोरिंग रेट चल रहा था, लेकिन यहाँ पर अब एक बड़ी विकेट को लूज करते हुए ये टीम। भाई ये ब्लू हेवन कौन है, एक दो मोड बन गए। तो दोस्तों यहां पर अब विकेट को लूज कर दिया है इस टीम ने एंड 105 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो दोस्तों अब तेज करना होगा जिम्बाब्वे को, विकेट गिर गई है, अब तो तेज करने की जरूरत थी अपने स्कोरिंग को, लेकिन यहां पर अब विकेट को लूज कर दिया है इस टीम ने, तो इस वजह से यहां पर अब देखते हैं कि बनता है क्या। एक सौ पांच है स्कोर, 3 के नुकसान पे 13 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। भाई ब्लू हेवन कौन है, जरा जल्दी से अपना नाम रिपीट करें और बताएं हमें लाइव चैट के अंदर। मॉडशिप तो स्ट्राइक रेंट पे मौजूद हैं अब शॉन विलियम्स, यहां पर ओवर के लिए गेंद शॉट पिच गेंद, इस गेंद का पुल किया लेग साइड में और ये गेंद फील्डर से पीछे जाकर गिरी है, एक रन का इजाफा। दूसरे के लिए भी वापस आना चाहते थे लेकिन सिंगल ही बना है, सिंगल के इजाफे के साथ 106 पे 3, 13 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। पटकी हुई यह गेंद थी और इस गेंद को लेग साइड में पुल करने के लिए गए प्लेयर पीछे फील्डर थे जिन्होंने इस गेंद को फील्ड करते हुए वापस किया। इससे पहले बहुत ही उमदा कैच लिया गया बाउंड्री लाइन पर सदीरा समरविक्रमा की तरफ से। खानजादा भाई ये ब्लू भाई हैगा कौन, ब्लू हेवन ना ते दस दवे। स्कोर 106 है, 3 के नुकसान पे 13 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। उनके लिए गेंद, अच्छी गेंद, इस बार बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद हवा में रही और हवा में रहते हुए गेंद मिड ऑफ के फील्डर के पास गई, एक रन का इजाफा, 107 पे 3 आउट, 38 गेंदें 68 रन की जरूरत। 113 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करवाई गई गेंद थी, इससे पहली जो गेंद थी वो 136 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करवाई गई थी और कल सुबह के वक्त खेला जाएगा। गॉट इट हमजादा भाई गॉट इट। तो दोस्तों यहां पर अब स्कोर की बात की जाए, 107 है स्कोर, 3 के नुकसान पे, लास्ट डिलीवरी है 20 ओवर की, चमीरा का ये एक सफल ओवर समाप्त होते हुए बहुत ही उम्दा गेंद बल्ले के आउटसाइड एज को बीट करते हुए ये गेंद गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। लेट कट करना चाहते थे प्लेयर इस गेंद को लेकिन नाकाम रहे शॉन विलियम्स, माफ कीजिएगा। यहां पर अब स्कोर 107 है 3 के नुकसान पे, तो स्कोर 107 है 3 के नुकसान पे, 14 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा, 6 ओवर्स का खेल जो कि अभी होना है बाकी। 107 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 14 का खेल अब हो चुका है पूरा। यहाँ पर अब सब्सक्राइब जो दोस्त कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो नहीं कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और कर सकते हैं आप, कोई मसले वाली बात नहीं होगी इसमें। 36 गेंदें 67 रन की ज़रूरत, असलान का ने आज 69 रन बनाए थे, मैथ्यूज़ ने 66 रन बनाए थे, दोनों बैटर्स ने बेहतरीन इनिंग्स खेली अपनी टीम के लिए और अपनी टीम को एक अच्छे टोटल तक लेकर जाने में इन्होंने एक अहम रोल प्ले किया, जिसके बाद अब समरा विक्रमा जो हैं वो 16 रन बनाने में कामयाब हुए थे और अब टीम जिम्बाब्वे जिनके पास मौका था इस मैच को जीतने का, उन्होंने बैक टू बैक 2 विकेटों को लूज किया और इस वजह से टीम जिम्बाब्वे अब थोड़ा सा हमें पीछे दिखाई दे रही है। एमडी रब्बी ने हमें ज्वाइन किया वो बोलते हुए कि 20 जनवरी से बांग्लादेश प्रीमियर लीग की भी शुरुआत हो रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है।
तो स्कोर अब 107 है 3 के नुकसान पे। एंड इसी दौरान अगले ओवर की अब होगी शुरुआत। हर ओवर के अंदर बाउंड्रीज की जरूरत है टीम यहां पर जिम्बाब्वे को। कदमों का सहारा लेकर इस गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑन खेड़िया में, गेंद हवा में और गेंद एक टप्पा लगने के बाद बाउंड्री के पार 4 रन के लिए। वनिंदु हसारंगा जो कि बाउंड्री लाइन पर नहीं थे, और अगर वो बाउंड्री लाइन पे होते तो ये गेंद सीधा उनके हाथों में जाती, लेकिन ये गेंद उनके सर के ऊपर से होते हुए बाउंड्री के पार 4 रन के लिए। 111 पे 3 आउट 14 ओवर और एक गेंद के बाद ये बड़ा मौका हो सकता था। अगर ये फील्डर बाउंड्री लाइन पर होते तो यकीनी कैच आउट हो जाते, लेकिन गेंद के नीचे जाने तक वो गिर गए जमीन पे और इसलिए वो गेंद के नीचे ना जा पाए। 111 पे 3 आउट, नेल्सन ऑन द बोर्ड और क्रेग इरवाइन एक अच्छी इनिंग्स खेलते हुए 45 गेंदों के ऊपर 59 रन की इनिंग्स खेलते हुए यहाँ पर ओवर के लिए गेंद लेकर बॉलर है तैयार महेश टिकसाना, जिनका ये आखिरी ओवर है। और यहाँ पर आखिरी ओवर की ये दूसरी गेंद, इस गेंद को कदमों का सहारा लेकर लॉन्ग ऑन खेरी में खेला, 1 रन का इजाफा हुआ। वासिफ भाई अच्छे भले खेल रहे थे, आपने आकर नजर लगा दी, भाई मेरा की कसूर है, मैं हूं की करा। तो स्कोर अब 112 है 3 के नुकसान पे। इरवाइन मैच जितवा सकता है, लेकिन पानी अब आहिस्ता आहिस्ता सर से गुजरते हुए जा रहा है। सो दे नीड टू प्ले सम आउटस्टैंडिंग क्रिकेट हियर, और उमदा क्रिकेट खेलते हुए ही ये टीम जो है वो इस मुकाबले को बना के रख सकती है, अदरवाइज़ इनके लिए मुश्किलात जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली हैं। यहाँ पर अब बॉलिंग के सिलसिले को जारी रखेंगे वो टिकसाना, स्ट्राइक पे मौजूद है विलियम्स स्ट्राइक एंड पे मौजूद, और यहाँ पर एक और विकेट बोल्ड कर दिया रिवर्स स्वीप करने के लिए गए इस गेंद को, और यहां पर जिम्बाब्वे ने लूज कर दिया है अपनी एक और विकेट को। विकेट नंबर 4 फॉर टीम श्रीलंका, और ये इनका फेवरेट शॉट रहता है। अगर बात की जाए तो शॉन विलियम्स का, लेकिन इस बार मुकम्मल तौर पर बीट हुए, और नए बैटर जब होते हैं, यानी कि जब बैटिंग करने के लिए वो बैटर आते हैं, तो इस उतना आसान काम होता नहीं है गेंद को हिट करना पाना, तो इस वजह से ये थोड़ा ख़राब शॉट था। लगातार कोई 3 बाउंड्री लगाएगा, चलिए देखते हैं कैसा अब होने वाला है या नहीं होने वाला। स्कोर 112 है 4 के नुकसान पे, और अब ये मुकाबला अपनी करवट बदलते हुए आहिस्ता आहिस्ता ये मैच जो है वो टीम श्रीलंका के पलड़े में दाखिल हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता अपना रुख जो है वो बदलते हुए ये मुकाबला कल सुबह 5 बजे मुकाबला लाइव होगा, हम आपके साथ 4:10 पे लाइव आने वाले हैं। सो इसलिए आप सभी दोस्त जो हैं वो आप हमें लाजमी तौर पर करिएगा ज्वाइन, कल सुबह के वक्त हम आपके साथ मौजूद रहने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट। अगले ओवर, इसी ओवर की अब अगली गेंद रहेगी, सामना करेंगे रियान बर्ल जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हिटर हैं, और इन्होंने आई थिंक एक मुकाबले के अंदर जो है वो ज़बरदस्त बैटिंग की थी, एक ही ओवर के अंदर 30 रन लगा दिए थे। SH बोलते हुए इनका नाम सीन विलियम्स, नहीं भाई सीन नहीं है, शॉन विलियम्स पढ़ते इसको ऐसे ही हैं। 112 है स्कोर 4 के नुकसान पे। यहाँ पर ओवर की अगली गेंद को डाउन द ग्राउंड खेल दिया है वापस बॉलर के पास, कोई भी रन नहीं आया। डॉट के साथ स्कोर 112 पे 14 ओवर और 4 गेंदों के बाद 500 लाइक्स भी कर दिए आप सभी ने वीडियो के ऊपर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 836,800 तक जाना है हमें सब्सक्राइबर्स के मामले में, अगर आपने भी नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नो बॉल हो गई है ये गेंद, रियान बर्ल को मिलेगा एक बड़ा मौका कि वो इस फ्री हिट गेंद के ऊपर लगाते हुए बड़ा शॉट अपना खाता खोल सके। फ्री हिट गेंद रहेगी दोस्तों महेश टिकसाना जो कि अब गेंद लेकर हैं तैयार। यहां पर रियान के लिए गेंद, यॉर्क लेंथ गेंद, इस गेंद को लॉन्ग ऑफ एरिया में खेला, 1 रन का इजाफा सिंगल के इजाफे के साथ। अब स्कोर है 114 4 के नुकसान पे। पे 4 आउट 14 ओवर और 4 गेंदों का खेल हो चुका है पूरा, 32 गेंदे हैं, 60 रन की जरूरत है। रियान बर्ल जो कि अब 1 के स्कोर पे, जबकि क्रेग इरवाइन 60 के स्कोर पर मौजूद हैं, और इरवाइन के होने से ही है बाहर टीम जो है वो जिम्बाब्वे के खेमे में। यहां पर ओवर खेली गई, इनको बैकफुट पर रहते हुए पंच किया, खेल दिया वापस बॉलर के पास, एक और डॉट, 114 पे 4 आउट।
तो स्कोर 114 है 4 के नुकसान पे। यहाँ पर अब 15वें ओवर का खेल है जारी एंड इफ यू टॉक अबाउट क्रेगर वाइन तो वो 60 के स्कोर पर मौजूद है, जिन्होंने रूम बनाते हुए बड़ा शॉट लगाना चाहा लेकिन बोल्ड आउट होते होते बाल बाल बचे हैं। यॉर्कर ये गेंद थी, इस गेंद को कवर्स के एरिया में खेलना चाहते थे लेकिन मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे गेंद। विकेट कीपर के पास 114 पे 4 आउट। 15 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा, 5 ओवर्स का खेल अभी होना है बाकी। और काफी उमदा ओवर ये गया टीम श्रीलंका के लिए, कुल मिलाकर 7 रन आए इस ओवर के अंदर। कल को 2 मैचेस खेले जाएंगे, पहला मुकाबला कल पाकिस्तान और टीम न्यूजीलैंड का सुबह 5 बजे होगा, तो दूसरा मुकाबला कल शाम 6:30-7 बजे यानी के इंडियन टाइम पे वो खेला जाएगा। इंडिया और टीम अफगानिस्तान के दौरान सीरीज का तीसरा मुकाबला। और उसके अगले दिन 18 तारीख को खेला जाएगा श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मुकाबला। 30 गेंदें 60 रन की ज़रूरत है, हर गेंद के ऊपर 2 रन चाहिए होंगे अब टीम जिम्बाब्वे को मुकाबला जीतने के लिए। यहाँ पर रियान बर्लब स्ट्राइकर एंड पे मौजूद हैं, 2 गेंदों के ऊपर 1 रन बना रखा है उन्होंने। ओवर की पहली गेंद लेकर बॉलर दौड़ते हुए आई, गेंद किया ये गेंद जो कि मिडल एंड ऑफ स्पिन की लाइन में थी, इस गेंद को लेग साइड में खेलने की कोशिश में थे ये प्लेयर लेकिन खेल बैठे हैं वो वापस, बॉलर के पास कोई भी रन नहीं आया। स्कोर 114 पे 4 15 ओवर्स और 1 गेंद के बाद सो 114 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इनिंग्स के टाइमर की अगर बात की जाए तो 1 ओवर पीछे चल रही है ये टीम और यहाँ पर अब अच्छा संघर्ष करना पड़ेगा, उमदा अंदाज से खेलना पड़ेगा। ओवर के लिए गेंद, देखो और शॉर्ट पिच गेंद, इस गेंद को बैटर ने किया है लीव और जाने दिया विकेट कीपर के पास। रियान बर्ल अंपायर की तरफ देखते हुए और कह लीजिए कि उनसे वाइड बॉल की मांग की गई लेकिन अंपायर टस से मस्त ना हुए और डॉट के साथ 114 पे है 4 आउट। 15 ओवर्स और 2 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। 28 गेंदें 60 रन की ज़रूरत, जीतेगी कौन सी टीम इस मुकाबले को, इसमें अब हमें आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ का जो है वो आइडिया मिलता जा रहा है और पता चलता जा रहा है कि कौन सी टीम जीतेगी। तो यहाँ पर अब स्कोर जो है वो रहते हुए 114 पे 4। ओवर की अगली गेंद ऑस्टम के काफ़ी बाहर की ये गेंद, इस गेंद को बैटर ने किया है लीव और जाने दिया विकेट कीपर के पास। वाइड बॉल का सिग्नल अंपायर की तरफ से। सो 115 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तो स्कोर 115 है 4 के नुकसान पे। यहाँ पर ओवर के लिए गेंद लेकर बॉलर आए, गेंद कैच, गेंद को जो कि डाउन द लेग साइड थी उठा दिया है फाइन लेग एरिया में और कैच को ड्रॉप कर दिया है महेश दीक्षांत जो कि फाइन लेग की पोजीशन पर थे, बैकवर्ड स्पिन लेग की पोजीशन पर बाउंड्री लाइन पे थे। उन्होंने इस गेंद को हवा में उछलते हुए कैच करने की कोशिश की लेकिन यह गेंद उनके हाथों से टकराते हुए गई है अब 4 रन के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट चौका लगते हुए टीम जिम्बाब्वे के लिए और ऐसी किस्म की बाउंड्रीज की जरूरत, उनको हर ओवर के अंदर 2 बाउंड्रीज लगाना होंगी। 119 पे है 4 आउट। 15 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। पुल किया इस गेंद को लेग साइड में और इस चौके की मदद से अब स्कोर 119 पे 4। 15 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। और अब स्ट्राइक पे रियान बर्ल 5 के स्कोर पे 5 गेंदों का किया हुआ है सामना। ओवर की चौथी गेंद लेकर बॉलर हैं एक बार फिर से तैयार जो कि अब दौड़ते हुए आए, गेंद किया इस गेंद को जो कि शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया मिड विकेट के एरिया में खेला, पीछे फील्डर 1 रन का इजाफा। बाउंड्रीज की ज़रूरत होगी, एक बड़ा ओवर चाहिए होगा टीम जिम्बाब्वे को। यहाँ पर अब लगभग 20 रन का एक ओवर चाहिए होगा ताकि वो इस मुकाबले के अंदर कमबैक कर सकें। 18 गेंदों के ऊपर अगर यहाँ पर कह लें कि आप 34-35 रन चाहिए होंगे तो फिर ही ये टीम जो है वो इस मुकाबले के अंदर बनी रह सकती है। और अब देखते हैं कि बनता है क्या, अगली 8 गेंदों के ऊपर कम से कम 20 रन बनाने होंगे टीम जिम्बाब्वे को इस मैच के अंदर वापसी करने के लिए। 5वीं गेंद है अभी इस ओवर की, क्रेगर वाइन जो कि सेट हो चुके हैं, उन्होंने इस गेंद को लैप स्वीप करना चाहा लेकिन मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे और बोल्ड आउट होते होते बाल बाल बच गए हैं। क्रेगर वाइन जितना सेट हो चुके हैं उनको थोड़ी तेज क्रिकेट खेलने की जरूरत है अब लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान से कोई फर्क नहीं आ रहा,
मलाइशिया से रियाज अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले 12 में से 2 ही मैच जीत पाई है टीम पाकिस्तान भी इंटरनेशनल क्रिकेट के, और काफ़ी मायूसकुन परफॉर्मेंस रही है। सुबह अब देखते हैं कि ऐसा दिन हो पाएगा पाकिस्तान के लिए खुशी, पाकिस्तानी फैंस के लिए खुशी का दिन रहेगा या नहीं, सुबह हमें पता चल जाएगा। लास्ट डिलीवरी अभी इस ओवर की, और यहां पर एक और डॉट। थोड़ी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है टीम जिम्बाब्वे को, थोड़ी तेज़ क्रिकेट, थोड़ी पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलने की ज़रूरत है। बरहल एक रन का इजाफा, 121 पे 4 आउट, 16 ओवर्स का खेल अब पूरा हो चुका है, 4 ओवर्स का खेल अभी होना है बाकी। 4 ओवर्स के अंदर हैं 24 गेंदें, और 24 गेंदों के ऊपर चाहिए होंगे 53 रन, यानी कि अब 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलना होगा प्लेयर्स को। लेकिन अब तो शिव कुमार भाई बात 200 के स्ट्राइक रेट से भी ऊपर गुजर चुकी है। अब हर ओवर के अंदर 13 रन चाहिए होंगे, तो बाउंड्रीज चाहिए, बाउंड्रीज चाहिए और भरपूर तरीके से चाहिए। एक 20 रन का ओवर कम से कम यहां पर रिक्वायर्ड टीम जिम्बाब्वे के लिए, जिसके लिए रियान बर्ल भी अच्छी बैटिंग काबिलियत रखते हैं और उनके साथ ही क्रेग इरविन भी सेट हो चुके हैं, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत, थोड़ी तेज़ क्रिकेट जो है वो खेलने की ज़रूरत है इस टीम को। 121 पे 4 वनिंदु हसरंगा, 3 ओवर्स के अंदर 30 रन दिए हुए जो कि अब बॉलिंग के लिए आ चुके हैं। इस स्टेज के ऊपर टीम में श्रीलंका का स्कोर भी 121 पे 4 ही आउट था। पहली गेंद कदमों का सहारा लेकर इस गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेल दिया, उमदा शॉट, एक रन का इजाफा सिंगल के इजाफे के साथ स्कोर, और दूसरे के लिए भी वापस आ चुके हैं, तो 2 रन के इजाफे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर अब 123 पे 4, 1 2 3 4 4। इसी स्टेज के ऊपर आपको बता दूं मैं मजे की बात कि टीम श्रीलंका का स्कोर कम था टीम जिम्बाब्वे से। वनिंदु हसरंगा अपने ओवर के लिए लेकर आया गेंद, क्या इस गेंद को स्लॉग किया मिड विकेट के एरिया में, गेंद हवा में और गेंद बाउंड्री के पार, 6 रन के लिए, दैट्स मोर लाइक इट। इसी किस्म की हिटिंग की अब जरूरत है यहां पर टीम जिम्बाब्वे को, कप्तानी वाला रोल प्ले करना पड़ेगा उनके, जो माफ कीजिएगा यहां पर क्रेग इरविन को, एक सीनियर प्लेयर के ऐसे ऐसे जो कि खेल रहे हैं, इसी किस्म के शॉट्स लगाते हुए अपनी टीम को जितवाने में एक अहम रोल प्ले करना पड़ेगा। मिड विकेट के एरिया को टारगेट किया और इस गेंद को स्मैशिंग वे में खेलते हुए दे मारा है, ये एक बेहतरीन छक्का। ये वो ओवर हो सकता है कि जिसके अंदर टीम जिम्बाब्वे बड़े रन्स की तलाश में है। क्रेग इरविन स्ट्राइकर एंड पे है मौजूद, सामना करेंगे वो बॉलिंग का। वनिंदु हसरंगा की अगेन स्किन को स्वीप किया लेग साइड में, एक रन को पूरा किया, ग्राउंडेड शॉट से कुछ बनेगा नहीं, तो इस वजह से एक गेंद को हवा में खेलने की जरूरत रहेगी अब टीम जिम्बाब्वे के इन प्लेयर्स को, जितना गेंद को हवा में खेलेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, जितना ही ये गेंद को हवा में खेलेंगे उतना ही बेहतर रहने वाला है। यहाँ पर अब ओवर की अगली गेंद लेकर बॉलर है तैयार, रियान बर्ल स्ट्राइकर एंड पे मौजूद, इस गेंद को उन्होंने स्लॉग करने की कोशिश की लेकिन वो गेंद को बाउंड्री के पार नहीं फेंक पाए, स्क्वायर लेग के एरिया में मौजूद फील्डर के पास गई गेंद, एक रन का फिर से इजाफा सिंगल के इजाफे के साथ स्कोर 131 पे 4, 16 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। ओवर की रहेगी अब अगली गेंद, और इस गेंद को कदमों का सहारा लेकर हवा में खेल दिया और ये गेंद गई है सीधा महेश दीक्षणा के हाथों में, और इस तरह टीम जिम्बाब्वे ने लूज कर दिया है अपनी 5वीं विकेट को। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, कदमों का सहारा लेकर लेग साइड में खेलना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन ये गेंद गई है अब सीधा फील्डर के हाथों में जो कि ऑफ साइड में कवर्स की पोजीशन पर मौजूद थे, उन्होंने इस गेंद को कैच किया और इस तरह टीम जिम्बाब्वे ने लूज कर दिया है अपनी एक अहम विकेट को, बड़ी विकेट को लूज किया। 131 पे 5 आउट, 16 ओवर्स और 5 गेंदों के बाद 19 गेंदें, 43 रन की जरूरत है। एक सौ इकतीस पे 5 आउट, 16 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। लास्ट डिलीवरी है अभी इस ओवर की, सामना करेंगे इस गेंद का क्रेग इरविन की जगह पर नए आने वाले प्लेयर, और देखते हैं कि वो आकर बड़ा शॉट लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, ये अब देखना होगा एज द मैच इज गोइंग टू एंड प्रीटी सून हियर, क्योंकि ये टीम अब विकेट्स को कर रही है लूज। नए आने वाले प्लेयर अब देखते हैं कि रहते हैं कौन। तो दोस्तों
मेडांडा जो है वो आ चुके हैं, मेडांडी जो है वो बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं, जिन्होंने पहले ही गेंद को स्वीप किया है लेग साइड में, स्क्वायर लेग एरिया में, एक ही रन बनेगा और सिंगल के इजाफे के साथ अब स्कोर 132 पे 5, 18 गेंदें 42 रन की जरूरत है, हर ओवर के अंदर 14 रन लगाने पड़ेंगे। लुक जोंगवे माफ कीजिएगा आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए, अब लुक जोंगवे और ये भी बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत रखते हैं, 124 के स्ट्राइक रेट के साथ ये खेलते हैं लुक जोंगवे। सो लेट्स सी हाउ ही विल प्ले और उनका बल्ला यहाँ पर अब चल पाएगा नहीं चल पाएगा। मोहम्मद नबी और राशिद खान के जो रिश्तेदार हैं वो अफगानिस्तान की तरफ से इस साल वर्ल्ड कप खेलेंगे अंडर 19 का। हसन ईसा खेल मोहम्मद नबी के बेटे हैं जो कि खेलेंगे और उस्मान शिनवारी जो कि राशिद खान के भतीजे हैं वो खेलेंगे, तो ये रहने वाले हैं। तो दोस्तों स्कोर अब 132 से 5 के नुकसान पे, स्ट्राइक पे मौजूद हैं लुक जोंगवे, जिनका ये शॉट पहली ही गेंद के ऊपर फाइन लेग एरिया में इस गेंद को उड़ा दिया फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद की रफ्तार फील्डर की रफ्तार से कहीं ज्यादा और इस चौकी की मदद से अब की है शुरुआत। स्कोर 136 पे 5, 17 ओवर्स और एक गेंद के बाद यॉर्कर्स लगाने पड़ेंगे अगर वो इस मुकाबले के अंदर बने रहना चाहते हैं, अदरवाइज फिर उनके लिए बने रह पाना मुश्किल काम रहने वाला है। 136 पे 5, 17 ओवर्स और एक गेंद का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। 3 और सब्सक्राइबर हमें चाहिए 836,800 तक जाने के लिए, तो अगर आपने नहीं किया हुआ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 17 गेंदें 38 रन की जरूरत, 20 रन का एक ओवर रिक्वायर्ड टीम जिम्बाब्वे को और देखते हैं कि अब ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों और की रहेगी, अब अगली गेंद सामना करेंगे इस गेंद का बैटर नाम है जिनका लुक जोंगवे, इस गेंद को उन्होंने लेट कट किया और कह लीजिए कि खेल दिया थर्ड मैन के लिए में, एक रन का फिर से इजाफा 137 पे 5 आउट। यहां पर अब लगातार बाउंड्रीज की जरूरत है एंड देखते हैं कि बाउंड्रीज जो है वो अब आ पाएंगे या नहीं। थैंक्स अ लॉट ऑल फॉर बीइंग हियर। यहां पर अब बाउंड्रीज चाहिए होंगी, 2 बाउंड्रीज इस ओवर के अंदर रिक्वायर्ड होंगी और अब देखते हैं कि बनता है क्या। सामना करेंगे अब इस गेंद का रियान बोरला और इस गेंद को उन्होंने खेल दिया है, अपनी टांगों से उठाया है स्क्वायर लेग के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन के लिए, बहुत ही उम्दा छक्का। इसी किस्म के शॉट्स की जरूरत और इस गेंद को लेग साइड में खेला और लेग साइड में खेलते हुए दे मारा है ये एक बेहतरीन छक्का। तो इसी छक्के की मदद से अब बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 143 पे 5 और 143 पे 5 आउट है यहां पर। अब 18वें ओवर का खेल जारी, 15 गेंदें 31 रन की जरूरत है, ट्विस्ट अभी बाकी है, मुकाबला भी बाकी है दोस्तों। रन बॉल के लिए गेंद, इस गेंद को उन्होंने कवर्स के एरिया में खेलना चाहा लेकिन ये गेंद बल्ले का किनारा मिस करते हुए विकेट कीपर के पास गई, बड़ी अपील लेकिन नॉट आउट का सिग्नल अंपायर की तरफ से और इसी के चलते हुए अब स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जो है वो दोस्तों रहते हुए यहां पर 143 पे 5, देखते हैं कि रिव्यू लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। 14 गेंदें 31 रन की अब जरूरत है, एक और बाउंड्री की जरूरत और यहां पर थर्ड अंपायर के पास जाने का फैसला किया गया है, रिव्यू ले लिया गया है और अब देखते हैं कि ये प्लेयर बच पाएंगे या नहीं, ये अब देखना होगा थर्ड अंपायर जो है वो इस चीज का अब करेंगे फैसला कि ये गेंद जो है वो बल्ले के किनारे से टकराई है या नहीं टकराई। विकेट कीपर की तरफ से तो बड़ी अपील की गई थी और देखते हैं क्या बनता है क्या। रियान बल कहीं पे जाने वाले नहीं हैं, वो अपनी जगह पे खड़े हैं और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे और
वो अब अंपायर के फैसले के इंतजार में कि अंपायर क्या डिसीजन देते हैं। स्निकोमीटर की मदद से अब इस चीज़ को चेक किया जाएगा कि ये गेंद बल्ले से टकराई है या नहीं टकराई, इस चीज़ को जो है वो अब देखा जाएगा। बॉलिंग रिव्यू, और इस रिव्यू की अगर हम बात कर लेते हैं, स्वीट आसिफ भाई क्या हुआ आपको? अब देखना होगा कि ये गेंद बल्ले से टकराई है या फिर ये गेंद जो है वो बल्ले को मिस की है। और यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है कि जब गेंद बल्ले के पास से गुजर रही थी तो ये गेंद जो है वो बल्ले से टकरा गई है, ऐसा लग रहा है देखने से। अल्ट्राज एक बार फिर से आएगा और इस चीज़ को कंफर्म किया जाएगा कि ये गेंद बल्ले से टकराई है या नहीं टकराई। We have to wait and see, अब देखते हैं कि बनता है क्या। तो दोस्तों बल्ला जमीन से टकराया जरूर था, लेकिन उससे पहले ये गेंद बल्ले से टकराई और गई विकेट कीपर के पास। तो यहाँ पर अब अंपायर जो है वो अपना ओरिजिनल डिसीजन चेंज करते हुए नॉट आउट को आउट दे दिया है अंपायर ने। बड़ा धचका लगते हुए टीम जिम्बाब्वे को, रियान बर्ल बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहे कि वो आउट है। हालांकि यहां पर अगर देखा जाए तो अल्ट्राइज की मदद से चेक किया जा सकता है कि ये गेंद जब बल्ले के पास से गुजरते हुए गई तो कुछ स्पाइक ज़रूर था बल्ले, मतलब क्या लिख स्निकोमीटर के ऊपर, जिसकी वजह से ये आउट हुए हैं अब। और इसी तरह अब विकेट को लूज़ करते हुए 11 रन इस ओवर के अंदर आए, अभी दो गेंदें बाकी हैं इस ओवर की। 143 पे 6 आउट, 17 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल जो कि हो चुका है पूरा। कल शाम के वक्त खेला जाएगा इंडिया और टीम अफगानिस्तान का मैच, कल दोपहर के वक्त बल्कि सुबह 5 बजे खेला जाएगा पाकिस्तान और टीम न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला। और अब रियान बर्ल को रिप्लेस करने के लिए आ चुके हैं मिडांडी, क्लाइव मिडांडी, जबकि लुक जोंग भी जो है वो उनका साथ दे रहे हैं। और यहाँ पर एक और बाउंड्री इस ओवर के अंदर रिक्वायर्ड होगी टीम जिम्बाब्वे को मैच के अंदर बने रहने के लिए। दे नीड अ बाउंड्री हेयर इन दिस मैच। बहरहाल अब देखते हैं कि बाउंड्री मिलती है या नहीं मिलती। बहरहाल 600 लाइक्स भी कर दिए आप सभी ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बबलू भाई ने हमें ज्वाइन कर रखा है, वेलकम टू द लाइव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जितने भी दोस्त यहाँ कैसे हैं, वेलकम ऑल टू द लाइव। ओवर की रहेगी अब 5वीं गेंद, सामना करेंगे इस गेंद का बैटर मिरांडी, जिनके लिए ये गेंद इस गेंद को उन्होंने यॉर्करलैंड गेंद को खेल दिया डाउन द ग्राउंड। एक रन का इजाफा मिड ऑफ के फील्डर के पास, कही ये गेंद सिंगल के इजाफे के साथ अब बढ़ता हुआ स्कोर 144 पे 6, 17 ओवर और 5 गेंदों के बाद। तो स्कोर 144 से 6 के नुकसान पे, और इससे पहले जो डिसीजन दिया गया वो रियान बर्ल जो है वो आउट हुए दोस्तों, इस तरह से आउट हुए कि बल्ले का इनसाइड एज लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तान में गई। बड़ी अपील हुई टीम श्रीलंका की तरफ से, अंपायर जिन्होंने दिया था उनको नॉट आउट, उनको फिर अपना तब फैसला जो है वो तब्दील करना पड़ा। स्कोर 144 पे 6। यहाँ पर ओवर की अगली गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से हैं तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ते हुए आए गेंद, क्या ये गेंद जो कि यॉर्करलैंड गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया बैटर ने वापस बॉलर के पास, कोई भी रन नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ पर अब स्कोर 144 पे 6, 18 ओवर्स का खेल हो चुका है पूरा। एक सौ चवालीस पे हैं 6 आउट, 18 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा। और यहाँ पर अब आखिरी 2 ओवर्स का खेल होना है बाकी। लुक जोंगवे नॉन स्ट्राइकर एंड पे मौजूद, स्ट्राइकर एंड पे हैं मिडांडी। यहाँ पर अब ओवर की पहली गेंद लेकर बॉलर हैं तैयार, नाम है जिनका मधुशांत का, अच्छे बॉलर साबित हुए थे वर्ल्ड कप के अंदर ये। और यहाँ पर अब देख लेते हैं कि कैसी बॉलिंग की जाती है। ओवर के लिए गेंद को बैकफुट पर रहते हुए कट कर दिया, कट करते हुए डीप पॉइंट के एरिया में खेला, एक रन का इजाफा सिंगल के इजाफे के साथ 145 पे 6, 18 ओवर्स और एक गेंद का खेल जो कि हो चुका है पूरा।
तो एक ओवर पीछे चल रही है टीम टीम श्रीलंका अपनी बॉलिंग में, जिसकी वजह से आखिरी ओवर के अंदर फील्डर जो है वो इजाफी सर्कल के अंदर रहेगा। इस ओवर के अंदर बहरहाल दो छक्कों की ज़रूरत है लुक जोंगवे की रहेंगे अपनी टीम के लिए। अब देखते हैं कि वो गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा पाएंगे या नहीं। यहाँ पर ओवर की अगली गेंद, इस गेंद को स्मैश किया है कवर्स के एरिया में, लेकिन एक टप्पा लगने के बाद ये गेंद मिड ऑफ के फील्डर के पास गई जिन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। स्कोर 146 पे 6, 18 ओवर्स और दो गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। आउट 18 ओवर्स और दो गेंदों के बाद 10 गेंदों का खेल अभी होना है बाकी। सामना करेंगे मिडन दो के स्कोर पे, दो गेंदों का किया हुआ सामना, लुक जोंगवे ने 7 बनाए हुए, 5 गेंदों का किया हुआ सामना। ओवर के लिए गेंद, बड़ा शॉट, बहुत ही उम्दा अंदाज से इस गेंद को कनेक्ट किया मिड विकेट के एरिया में 6 रन के लिए। मैच को जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की अभी भी टीम जिम्बाब्वे की ये भरपूर कोशिश। मिड विकेट कैरियर को टारगेट किया और इस गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया 6 रन के लिए। और इसी के साथ 152 हो चुका है स्कोर। अब टीम जिम्बाब्वे का अच्छी एफर्ट करते हुए टीम जिम्बाब्वे, लेकिन आखिरी 6 ओवर्स के अंदर उन्होंने 90 रन खा लिए थे, जिसकी वजह से टीम जिम्बाब्वे अब थोड़ी सी मुश्किल का शिकार। 89 मीटर का ये लंबा छक्का लगाया है इन्होंने, तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का ये शॉट। यहाँ पर अब एक और छक्का कम से कम रिक्वायर्ड है इस ओवर के अंदर। ओवर के लिए गेंद, स्लो रन, गेंद बल्ले का इनसाइड एज लेते हुए गेंद गई है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग एरिया में। एक रन का इजाफा सिंगल के इजाफे के साथ 153 पे 6 आउट 18 ओवर्स और 4 गेंदों के बाद बची हुई है अब आखिरी की 8 गेंदें 21 रन की जरूरत है, एक और बाउंड्री की जरूरत है टीम जिम्बाब्वे को इस ओवर के अंदर, एक और बाउंड्री की जरूरत। देखते हैं कि ये बाउंड्री अब आ पाएगी या नहीं। 2 गेंदें हैं इस ओवर के अंदर और लुक जोंगवे अच्छे हिटिंग बैटर समझे जाते हैं अपनी टीम के लिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। यहाँ पर अब मिडानी 9 के स्कोर पर, जोंगवे 7 के स्कोर पर मौजूद हैं, 5 गेंदों का किया हुआ सामना। ओवर के लिए गेंद, ओ स्लो रन, दिया गेंद ऑन पैड, ये गेंद इस गेंद को उठाना चाहते थे प्लेयर लेग साइड में, लेकिन वो इस गेंद को हिट करने में अच्छे तरीके से कामयाब नहीं हो पाए। गेंद जाकर पैड्स पे टकराई एंड डॉट के साथ 153 पे है 6 आउट। यहां पर अब 18 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। दिल से शुक्रिया आप सभी का बने रहने के लिए हमारे साथ। टीम श्रीलंका और यहाँ पर अभी जो है वो कह लीजिए कि अगले ओवर के अंदर एक फील्डर कम रहेगा। इस गेंद के ऊपर बाउंड्री चाहिए है टीम श्रीलंका जिम्बाब्वे को। और खेली गेंद को बैकफुट पर रहते हुए पंच किया, कवर्स के एरिया में खेला, एक रन का इजाफा, 6 गेंदें 20 रन की ज़रूरत है अब टीम जिम्बाब्वे को ये मुकाबला जीतने के लिए। और अब देखते हैं कि वो इस मुकाबले को जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। वी हैव टू वेट एंड सी के बनता है अब क्या। मौका ज़रूर है, लेकिन ये है कि रन्स थोड़े ज़्यादा हैं, टीम श्रीलंका की पहुंच से थोड़ा सा स्कोर जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से टीम श्रीलंका जो है वो दोस्तों थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। खैर अब देखते हैं कि बनता है क्या। यहाँ पर अगले ओवर की शुरुआती गेंद लेकर बॉलर हैं तैयार। जी हाँ दोस्तों, एंजेलो मैथ्यूज आ चुके हैं अब बॉलिंग के लिए। एंजेलो मैथ्यूज जो कि अब आ चुके हैं बॉलिंग के लिए और देखते हैं कि किस किस्म की जो है वो बॉलिंग की जाती है एंजेलो मैथ्यूज की तरफ से। एंजेलो मैथ्यूज आखिरी ओवर फेंकेंगे और इस आखिरी ओवर के अंदर बॉलिंग का सामना करेंगे दोस्तों। यहां पर अब ये बैटर नाम है जिनका लुक जोंगवे, 8 के स्कोर पर मौजूद है लुक जोंगवे, 7 गेंदों का किया हुआ है उन्होंने सामना लुक जोंगवे। जी हाँ दोस्तों, स्ट्राइकर एंड पे हैं अब मौजूद, 7 गेंदें 8 रन की जरूरत, माफ कीजिए 8 रन उन्होंने बनाए हुए हैं। ओवर की पहली गेंद और पहली ही गेंद के ऊपर बड़ा शॉट, लेंथ डिलीवरी और इस गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन के लिए।
पांच गेंदें 14 रन की जरूरत, एक आउटस्टैंडिंग छक्का दे मारा है यहां पर लूक जोंगवे ने, और इस छक्के की मदद से अब 160 है स्कोर 6 के नुकसान पे, और 19 ओवर और एक गेंद के बाद यहां पर एक बेहतरीन छक्का और ये गेंद नो बॉल हो गई है दोस्तों। 5-6 गेंदें 13 रन की जरूरत, नो बॉल हो गई है ये गेंद, 6 गेंदें और 13 रन की जरूरत है, फ्री हिट रहेगी अब यहां पर ओवर की अगली गेंद, नो बॉल हुई दोस्तों और नो बॉल के बाद फ्री हिट रहेगी और फ्री हिट का सामना करेंगे लूक जोंगवे, फ्री हिट गेंद है और इस फ्री हिट गेंद के ऊपर एक और बाउंड्री चाहिए होगी टीम जिम्बाब्वे को, बहुत ही बड़ा छक्का लूक जोंगवे का, फ्री हिट गेंद का सामना करने वाले हैं दोस्तों यहां पर लूक जोंगवे, 18 के स्कोर पर मौजूद है। यहां पर ओवर की अगली गेंद, देखो और बहुत ही उम्दा शॉट, इस बार ये गेंद कवर्स के रीजन में 4 रन के लिए, 5 गेंदें 9 रन की जरूरत, लूक जोंगवे 9 गेंदों के ऊपर 18 के स्कोर पर मौजूद हैं, बहुत ही उम्दा अंदाज से इस इनिंग्स को आगे लेकर बढ़ते हुए, 5 गेंदें 9 रन की जरूरत और अचानक से देखते ही देखते ये रन रेट जो कि इससे पहले 20 का था वो अब 10 का रह गया है। एंजेलो मैथ्यूज का ये दूसरा ओवर और दूसरे ओवर की पहली दो गेंदों के ऊपर 10 रन दे चुके हैं एंजेलो मैथ्यूज, बहुत ज्यादा रन को लीक करते हुए ये यहां पर अब ओवर खेली गेंद लेकर बॉलर है तैयार, सामना करेंगे लूक जोंगवे, बॉलर है एंजेलो मैथ्यूज और एंजेलो मैथ्यूज अब फील्डिंग में तब्दीलियां करते हुए, याद रहे कि बाउंड्री लाइन पर इस वक्त 4 फील्डर मौजूद हैं ना के 5, एंजेलो मैथ्यूज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर एक बार फिर से दौड़ते हुए आगे, इनके एक और बड़ा शॉट और एक और बाउंड्री मिलते हुए टीम जिम्बाब्वे को, बहुत ही उम्दा शॉट 6 रन के लिए, लूक जोंगवे अपनी टीम को इस मैच के अंदर अनबिलीवेबल वे में जो है वो दोस्तों कमबैक करवाते हुए छक्के की मदद से, 4 गेंदें 3 रन की जरूरत अब टीम जिम्बाब्वे को यह मुकाबला जीतने के लिए, क्या ही इनिंग्स खेल रहे हैं लूक जोंगवे, एंजेलो मैथ्यूज जो कि एक प्रो प्लेयर हैं, एक सीनियर प्लेयर हैं अपनी टीम के, वो अब खा गए हैं ये छक्का, 4 गेंदें 3 रन की जरूरत लूक जोंगवे, अब देखते हैं कि बाउंड्री के लिए जाएंगे या फिर सिंगल डबल के साथ ही अब इस मुकाबले के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं, ये अब देखना होगा। 3 गेंदें करवाई हैं एंजेलो मैथ्यूज ने और तीनों की तीनों गेंदें बहुत ही खराब, और यहां पर श्रीलंका के कोच बहुत ही नाखुश, 4 गेंदें 3 रन की जरूरत, क्या कोई बाउंड्री आएगी या फिर यहां पर डॉट डिलीवरी रहने वाली है, ये अब देखना होगा। यहां पर ओवर की अगली गेंद लेकर बॉलर आए, गेंद क्या ये गेंद जो कि ऑस्ट्रम के काफी बाहर की गेंद थी, वाइट बॉल की मांग लेकिन वाइट बॉल दी नहीं गई, इस गेंद को कट करना चाहते थे बैटर लेकिन नाकाम रहे। 3 गेंदें 3 रन की जरूरत, 171 टीम जिम्बाब्वे 6 के नुकसान पे, और जिम्बाब्वे के खेमे में मौजूद जो उनके प्लेयर्स हैं वो अब प्लेयर क्रीज के ऊपर मौजूद प्लेयर्स का हौसला बढ़ाते हुए, क्या ही जबरदस्त किस्म का जो है वो अब मुकाबला जो कि खेला जा रहा है। 171 पे 6, 3 गेंदें 3 रन की जरूरत, लूक जोंगवे को अब थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है। यहां पर ओवर के लिए गेंद लेकर बॉलर आए, गेंद क्या बड़ा शॉट, टॉप एज गेंद हवा में और इस बार ये गेंद फील्डर के हाथों में लेकिन कैच को ड्रॉप कर दिया है, महेश दीक्षांना ने कैच को ड्रॉप कर दिया है दोस्तों, बड़ा मौका मिलते हुए टीम जिम्बाब्वे को, और लूक जोंगवे जिनको 2 रन दौड़ने चाहिए थे उन्होंने 1 ही रन दौड़ा है, कैच को ड्रॉप कर दिया है महेश दीक्षांना ने, बड़ा मौका था, और यहां पर सिकंदर रदा बट भी इसी चीज की बात कर रहे थे कि दूसरे के लिए भी आना चाहिए था, एक आसान सा कैच, बहुत ही आसान कैच, और लूक जोंगवे जो है वो यहां पर उनको मिलते हुए नई जिंदगी, वर्ड्स स्कोप करते हुए इस गेंद को कैच करना चाहते थे और सिल्वरवुड की डिसअपॉइंटमेंट में मजीद जो है वो इजाफा होते हुए, 2 गेंदें 2 रन की जरूरत है अब टीम जिम्बाब्वे को ये वाला मुकाबला जीतने के लिए। यहां पर अब एंजेलो मैथ्यूज अपने ओवर के लिए गेंद लेकर दौड़ते हुए आए ही थे और गेंद करवाने वाले थे लेकिन गेंद करवाते करवाते वो रुक गए, प्लेयर ने ऑफ साइड में शफल किया और इस गेंद को उन्होंने उठाना चाहा लेग साइड में लेकिन गेंद करवाते करवाते रुक गए, रीलोड करना पड़ेगा, दोबारा से करवाना पड़ेगा इस गेंद को। 172 पे 6 आउट, 19 ओवर और 4 गेंदों का खेल, भोज का है पूरा।
लाइक और सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। 8 और सब्सक्राइबर्स हमें चाहिए 836,850 तक जाने के लिए। अगर आपने नहीं किया हुआ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहां पर अब लूक जोंग के साथ ही प्लेयर मिडांडी स्ट्राइकर एंड पे है मौजूद। ओवर की अगली गेंद, ओ बड़ा शॉट और यह गेंद 6 रन के लिए। जिम्बाब्वे की टीम ने श्रीलंका को दिया है हरा और इसी के साथ सीरीज को करते हुए ये टीम बराबर। बहुत ही उम्दा हिट, जितनी तारीफ की जाए इस शॉट की उतनी ही कम। और इस छक्के की मदद से टीम जिम्बाब्वे अब इस मैच को जीते हुए सीरीज को एक एक से बराबर कर गई है। क्या ही जबरदस्त बैटिंग की गई है टीम जिम्बाब्वे की तरफ से, जिन्होंने अनबिलीवेबल अंदाज से इस मुकाबले को जीता है। और आखिरी के दो ओवर्स के अंदर जो है वो 44 रन लगा दिए। आखिरी इस ओवर के अंदर 5 गेंदों के ऊपर 24 रन बनाए हैं टीम जिम्बाब्वे ने, जिन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया और सीरीज को कर दिया है अब एक एक से बराबर। अनबिलीवेबल एफर्ट ये टीम जिम्बाब्वे की, जितनी तारीफ की जाए इस मैच के अंदर टीम जिम्बाब्वे की उतनी ही कम है। श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज 2023 का खेले जाने वाला ये दूसरा मुकाबला, जिसके अंदर कमाल कर दिया है टीम जिम्बाब्वे ने, जिन्होंने इस हारे हुए मैच को जीत लिया है। दोस्तों आखिरी एक ओवर के अंदर 20 रन की जरूरत थी टीम जिम्बाब्वे को मैच जीतने के लिए, लेकिन उन्होंने 5 गेंदों के ऊपर 24 रन बनाए और इस तरह टीम जिम्बाब्वे ने जीता इस मुकाबले को। और इस मैच का ट्विस्ट तब आया जब आखिरी ओवर की पहली ही गेंद को एंजेलो मैथ्यूज ने नो बॉल करवाया। और एंजेलो मैथ्यूज जो बैटिंग में अपनी टीम के हीरो थे, वो आखिरी ओवर के अंदर 24 रन खा गए। 20 की रिक्वायरमेंट थी लेकिन 24 रन खा गए ये प्लेयर, और इस तरह टीम जिम्बाब्वे जो है वो इस मुकाबले को जीत गई है दोस्तों। और उन्होंने सीरीज को एक एक से बराबर कर दिया है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई टीम जिम्बाब्वे की तरफ से आज के इस मुकाबले के अंदर, जिन्होंने इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को एक एक से बराबर किया। 4 विकेट से जीता इस मुकाबले को। आखिरी 2 ओवर्स के अंदर 34 रन लगा दिए इस टीम ने, हालांकि 30 की रिक्वायरमेंट थी आखिरी 2 ओवर्स के अंदर। और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई। आप सभी को अगर जिम्बाब्वे की यह एफर्ट अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सीरीज अब बहुत ही उम्दा तरीके से जो है वो बन गई है, और जिम्बाब्वे की टीम के पास इस सीरीज को जीतने का भी मौका रहेगा। लास्ट मुकाबला जो टीम जिम्बाब्वे ने खेला था वहां पर हुआ कुछ यूं था कि आखिरी गेंद के ऊपर टीम श्रीलंका ने स्कोर को चेज कर लिया था और सीरीज का पहला मुकाबला जीत गई थी ये टीम। जिसके बाद इस मुकाबले की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस मुकाबले के अंदर जिम्बाब्वे ने इस चीज का बदला लिया और श्रीलंका से ये मुकाबला जीत लिया है। श्रीलंका की शुरुआत इस मुकाबले के अंदर बहुत ही बेकार हुई, जब श्रीलंका ने बैटिंग करते हुए पहले 27 के स्कोर पर अपनी 4 विकेटों को लूज कर दिया था। और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंकन टीम जो है वो अकेले के 125 रन ही बमुश्किल बना पाएगी, लेकिन उसके बाद असलानका और एंजेलो मैथ्यूज ने बेहतरीन क्रिकेट खेली। 39 गेंदों के ऊपर 69 रन बनाए असलानका ने, 3 छक्के 5 चौके लगाए उन्होंने, और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई। मैथ्यूज़ ने 66 बनाए, 51 गेंदों का सामना किया, 6 चौके 2 छक्के लगाए। एंजेलो मैथ्यूज़ ने बेहतरीन बैटिंग की उन्होंने आखिरी ओवर्स के अंदर जाकर, और आखिरी 6 ओवर्स के अंदर टीम जिम्बाब्वे को जो है वो 90 रन पड़ गए। लेकिन उसके बाद जब देखा जाए अगर 8 एक्स्ट्रास फेंकी गई, शानका ने 9 रन बनाए और कुल मिलाकर जो है वो इस टीम ने बनाए जो रन वो 173। यहां पर अगर देखा जाए तो नगरावा ने 4 ओवर्स के अंदर 30 रन दिए, 1 विकेट ली। इसके बाद मुजरबानी ने 4 ओवर्स के अंदर 36 रन दिए, 2 विकेटों को हासिल किया। लूक जोंगवे ने 2 ओवर्स के अंदर 32 रन दिए, 2 विकेट लेने में वो कामयाब हुए। वेलिंगटन मसकदजा ने 3 ओवर्स के अंदर 25 रन दिए, 1 विकेट ली। और सिकंदर रदा ने 4 ओवर्स के अंदर 25 रन दिए, शॉन विलियम्स ने 3 ओवर्स के अंदर 24 रन दिए। तो ये टीम जो है वो जिम्बाब्वे की बॉलिंग परफॉर्मेंस रही इस मुकाबले के अंदर। यहाँ पर अगर देखा जाए जिम्बाब्वे की बैटिंग को तो जिम्बाब्वे की तरफ से जो है वो ओपनर तिनाशी ने 12 रन बनाए, 13 गेंदों का किया सामना। काफ़ी स्लो शुरुआत हुई टीम जिम्बाब्वे की, लेकिन उसके बाद क्रेग इरवाइन ने 54 गेंदों के ऊपर 70 रन बनाए, 6 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, बेहतरीन इनिंग्स खेली उन्होंने और अपनी टीम को इस मुकाबले के अंदर बना के रखा। ब्रायन ने 25 रन बनाए, 20 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए उन्होंने। आज सिकंदर रजा बट का बल्ला नहीं चल पाया, 8 रन बनाए उन्होंने, 5 गेंदों का किया सामना। शॉन विलियम्स ने 1 रन बनाया, 3 गेंदों का सामना किया। और ऐसा लग रहा था कि ये टीम अब इस मैच को हार जाएगी, लेकिन उसके बाद रियान बर्ल ने 1 चौका और 1 छक्का लगाया, 9 गेंदों के ऊपर 13 रन बनाए, अपनी टीम को थोड़ा मोमेंटम प्रोवाइड किया उन्होंने। लेकिन लास्ट में जाकर क्लाइव मिडांडे और लूक जोंगवे ने कमाल कर दिया।
एक अनबिलीवेबल फैशन में अपनी टीम को उन्होंने जितवा दिया। लूक जोंगवे ने 12 गेंदों के ऊपर 25 रन बनाए, 2 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 208 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की और बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की गई दोस्तों लूक जोंगवे की तरफ से, जिन्होंने आखिरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया, फिर उसके बाद उन्होंने चौका लगाया और अगली गेंद के ऊपर उन्होंने छक्का लगाया और यहाँ पर टीम जो है वो जिम्बाब्वे इस मैच के अंदर हावी हुई और जिम्बाब्वे की टीम को 4 गेंदों के ऊपर फिर 3 रन्स की ज़रूरत थी क्योंकि पहली गेंद नो बॉल होगी और उसके बाद अगली गेंद डॉट बॉल हुई जी बिल्कुल। आखिरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर छक्का आया, फिर चौका आया, फिर छक्का आया, अगली गेंद डॉट हुई और उसके बाद अगली जो गेंद थी उसके ऊपर लूक जोंगवे ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की जिनके बल्ले का टॉप एज लेते हुए गेंद हवा में रही, गेंद महेश टिक्शन्ना के हाथों में गई जिन्होंने गेंद को ड्रॉप कर दिया, कैच को ड्रॉप कर दिया और कैच ड्रॉप हुआ और ऐसा कहा जाता है कि जब कैच आप छोड़ते हैं तो मैच आपके हाथों से निकल जाता है और ऐसा ही हुआ। कैच ड्रॉप होने की देर थी कि फिर 3 गेंदों के ऊपर 3 रन्स की ज़रूरत थी और आखिरी 2 गेंदों के ऊपर जो है वो 2 रन्स की ज़रूरत थी जब बैटर क्लाइव मेडेंडी ने अपनी फ्रंट लेग को क्लियर किया, ऑफ साइड में शफल किए वो और गेंद को डिस्पैच किया मिड विकेट बाउंड्री पर 6 रन्स के लिए और इस तरह जिम्बाब्वे ने एक बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से खेले गए इस मुकाबले को जीत लिया है। 9 एक्स्ट्रास फेंकी गई जिनमें 5 वाइड, 2 लेग 22 के रन शामिल, 2 नो बॉल के रन शामिल, ये एक्स्ट्रास दी गई टीम श्रीलंका की तरफ से। यहां पर अगर पार्टनरशिप्स को देखा जाए तो पहली विकेट 22 पर तिनाशे आउट हुए, दूसरी विकेट 96 के स्कोर पर ब्रायन बैनेट आउट हुए, बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। 13वें ओवर के अंदर जाकर वो आउट हुए। तीसरी विकेट 105 के स्कोर पर सिकंदर रदा 14वें ओवर के अंदर आउट हुए। चौथी विकेट 112 के स्कोर पर शॉन विलियम्स 15वें ओवर के अंदर आउट हुए। पांचवीं विकेट 131 के स्कोर पर क्रेग रवाइन 17वें ओवर के अंदर आउट हुए और छठी विकेट 143 के स्कोर पर रियान बर्ल 18वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए। तो ये पार्टनरशिप्स की सिचुएशन रही। जबकि अगर बॉलिंग की बात की जाए तो दिलशान मधुशानका ने 4 ओवर्स के अंदर 24 रन दिए, 1 विकेट ली। महेश टिक्शाना ने 4 ओवर्स के अंदर 25 रन दिए, 2 विकेट ली। दुष्मांता चमीरा ने 4 ओवर्स के अंदर 30 रन दिए और 2 विकेट लेने में वो कामयाब हुए। वनिंदु हसारंगा ने 4 ओवर्स के अंदर 41 रन दिए और 1 विकेट उनके खाते में आई, तो काफ़ी महंगे साबित हुए वो। जबकि अगर देखा जाए एंजेलो मैथ्यूज को तो उन्होंने 11 गेंदों के ऊपर 35 रन खा लिए आज के इस मुकाबले के अंदर, 19 रन पर ओवर खाए उन्होंने। जबकि दासु निशानका ने 1 ओवर के अंदर 13 रन खाए और इस तरह टीम श्रीलंका ने इस मुकाबले को लूज किया और अब सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। काफ़ी एक्साइटमेंट भरी ये सीरीज का फाइनल मैच जो है वो दोस्तों खेला जाएगा, जो कि होने वाला है इन दोनों ही टीम्स के दरमियान 18 तारीख को और देखते हैं कि जिम्बाब्वे की टीम उस मैच को जीतकर सीरीज को अपने नाम करती है या फिर श्रीलंका की टीम जीतकर सीरीज़ को करती है हासिल। आपके ख्याल से कौन सी टीम जीतेगी? बहरहाल क्या ही लाजवाब क्रिकेट खेली गई और क्रेग रवाइन ने जो है वो 70 रन की इनिंग्स के लिए अपनी टीम को बना के रखा इस मुकाबले के अंदर और अब शानदार परफॉर्मेंस की वजह से ये सीरीज़ हो गई है अब बराबर। यहाँ दोस्तों आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, आउटस्टैंडिंग मुकाबला जो कि इन दोनों ही टीम्स के दरमियान हमें अब देखने को मिला है। काबले तारीफ क्रिकेट खेली गई इन दोनों ही टीम्स की तरफ से, दोनों ही साइड्स की तरफ से। और अब सुबह के वक्त हम आपके साथ लाइव आ जाएंगे 4:20 में, 5 बजे पाकिस्तानी और न्यूजीलैंड की टीम के दरमियान मैच खेला जाएगा। तो उस मुकाबले के अंदर भी आप सभी जो है वो हमें लाजमी तौर पे ज्वाइन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। Thank you so much all for your lovely support. श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज 2023 का खेले जाने वाला ये दूसरा मुकाबला जिसके अंदर कमाल कर दिया है टीम जिम्बाब्वे ने, जिन्होंने इस हारे हुए मैच को जीत लिया है दोस्तों। आखिरी एक ओवर के अंदर 20 रन की जरूरत थी टीम जिम्बाब्वे को मैच जीतने के लिए, लेकिन उन्होंने 5 गेंदों के ऊपर 24 रन बनाए और इस तरह टीम जिम्बाब्वे ने जीता इस मुकाबले को। और इस मैच का ट्विस्ट तब आया जब आखिरी ओवर की पहली ही गेंद को एंजेलो मैथ्यूज ने नो बॉल करवाया और एंजेलो मैथ्यूज जो बैटिंग में अपनी टीम के हीरो थे वो आखिरी ओवर के अंदर 24 रन खा गए। 20 की रिक्वायरमेंट थी लेकिन 24 रन खा गए ये प्लेयर और इस तरह टीम जिम्बाब्वे जो है वो इस मुकाबले को जीत गई है दोस्तों और उन्होंने सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई टीम जिम्बाब्वे की तरफ से आज के इस मुकाबले के अंदर, जिन्होंने इस
मुकाबले को जीतकर सीरीज को एक एक से बराबर किया, चार विकेट से जीता इस मुकाबले को। आखिरी दो ओवर्स के अंदर 34 रन लगा दिए इस टीम ने, हालांकि 30 की रिक्वायरमेंट थी आखिरी दो ओवर्स के अंदर, और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई। आप सभी को अगर जिम्बाब्वे की ये एफर्ट अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सीरीज अब बहुत ही उमदा तरीके से जो है वो बन गई है, और जिम्बाब्वे की टीम के पास इस सीरीज को जीतने का भी मौका रहेगा। लास्ट मुकाबला जो टीम जिम्बाब्वे ने खेला था वहाँ पर हुआ कुछ यूँ था कि आखिरी गेंद के ऊपर टीम श्रीलंका ने स्कोर को चेज कर लिया था और सीरीज का पहला मुकाबला जीत गई थी ये टीम। जिसके बाद इस मुकाबले की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस मुकाबले के अंदर जिम्बाब्वे ने इस चीज़ का बदला लिया और श्रीलंका से ये मुकाबला जीत लिया है। श्रीलंका की शुरुआत इस मुकाबले के अंदर बहुत ही बेकार हुई, जब श्रीलंका ने बैटिंग करते हुए पहले 27 के स्कोर पर अपनी चार विकेटों को लूज कर दिया था, और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंकन टीम जो है वो अकेले के 125 रन ही बमुश्किल बना पाएगी। लेकिन उसके बाद अस्लानका और एंजेलो मैथ्यूज ने बेहतरीन क्रिकेट खेली, 39 गेंदों के ऊपर 69 रन बनाए। अस्लानका ने 3 छक्के 5 चौके लगाए उन्होंने और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई। मैथ्यूज ने 66 बनाए, 51 गेंदों का सामना किया, 6 चौके 2 छक्के लगाए। एंजेलो मैथ्यूज ने बेहतरीन बैटिंग की उन्होंने आखिरी ओवर्स के अंदर जाकर, और आखिरी 6 ओवर्स के अंदर टीम जिम्बाब्वे को जो है वो 90 रन पड़ गए। लेकिन उसके बाद जब देखा जाए अगर 8 एक्स्ट्रास फेंकी गई, ईशानका ने 9 रन बनाए और कुल मिलाकर जो है वो इस टीम ने बनाए जो रन वो 173। यहाँ पर अगर देखा जाए तो नगरावा ने 4 ओवर्स के अंदर 30 रन दिए, 1 विकेट ली। इसके बाद मुजरबानी ने 4 ओवर्स के अंदर 36 रन दिए, 2 विकेटों को हासिल किया। लुक जोंगवे ने 2 ओवर्स के अंदर 32 रन दिए, 2 विकेट लेने में वो कामयाब हुए। वेलिंगटन मसाकद्जा ने 3 ओवर्स के अंदर 25 रन दिए, 1 विकेट ली। और सिकंदर रदा ने 4 ओवर्स के अंदर 25 रन दिए, शॉन विलियम्स ने 3 ओवर्स के अंदर 24 रन दिए। तो ये टीम जो है वो जिम्बाब्वे की बॉलिंग परफॉर्मेंस रही इस मुकाबले के अंदर। यहाँ पर अगर देखा जाए जिम्बाब्वे की बैटिंग को तो जिम्बाब्वे की तरफ से जो है वो ओपनर तिनाश ने 12 रन बनाए, 13 गेंदों का किया सामना। काफ़ी स्लो शुरुआत हुई टीम जिम्बाब्वे की, लेकिन उसके बाद क्रेग अरवाइन ने 54 गेंदों के ऊपर 70 रन बनाए, 6 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, बेहतरीन इनिंग्स खेली उन्होंने और अपनी टीम को इस मुकाबले के अंदर बना के रखा। ब्रायन ने 25 रन बनाए, 20 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए उन्होंने। आज सिकंदर और बट का बल्ला नहीं चल पाया, 8 रन बनाए उन्होंने, 5 गेंदों का किया सामना। शॉन विलियम्स ने 1 रन बनाया, 3 गेंदों का सामना किया, और ऐसा लग रहा था कि ये टीम अब इस मैच को हार जाएगी। लेकिन उसके बाद रियान बर्ल ने 1 चौका और 1 छक्का लगाया, 9 गेंदों के ऊपर 13 रन बनाए, अपनी टीम को थोड़ा मोमेंटम प्रोवाइड किया उन्होंने। लेकिन लास्ट में जाकर क्लाइव मेडांडे और लुक जोंगवे ने कमाल कर दिया, एक अनबिलीवेबल फैशन में अपनी टीम को उन्होंने जितवा दिया। लुक जोंगवे ने 12 गेंदों के ऊपर 25 रन बनाए, 2 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 208 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की, और बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की गई दोस्तों लुक जोंगवे की तरफ से, जिन्होंने आखिरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया, फिर उसके बाद उन्होंने चौका लगाया और अगली गेंद के ऊपर उन्होंने छक्का लगाया, और यहाँ पर टीम जो है वो जिम्बाब्वे इस मैच के अंदर हावी हुई, और जिम्बाब्वे की टीम को 4 गेंदों के ऊपर फिर 3 रन की ज़रूरत थी, क्योंकि पहली गेंद नो बॉल होगी और उसके बाद अगली गेंद डॉट बॉल हुई जी। बिल्कुल आखिरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर छक्का आया, फिर चौका आया, फिर छक्का आया, अगली गेंद डॉट हुई, और उसके बाद अगली जो गेंद थी उसके ऊपर लुक जोंगवे ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, जिनके बल्ले का टॉप एज लेते हुए गेंद हवा में रही, गेंद महेश टिकशन्ना के हाथों में गई, जिन्होंने गेंद को ड्रॉप कर दिया, कैच को ड्रॉप कर दिया। और कैच ड्रॉप हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि जब कैच आप छोड़ते हैं तो मैच आपके हाथों से निकल जाता है, और ऐसा ही हुआ। कैच ड्रॉप होने की देर थी कि फिर 3 गेंदों के ऊपर 3 रन की ज़रूरत थी, और आखिरी 2 गेंदों के ऊपर जो है वो 2 रन की ज़रूरत थी, जब बैटर क्लाइव मेडांडे ने अपनी फ्रंट लेग को क्लियर किया, ऑफ साइड में शफल किए वो, और गेंद को डिस्पैच किया मिड विकेट बाउंड्री पर 6 रन के लिए, और इस तरह जिम्बाब्वे ने एक बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से खेले गए इस मुकाबले को जीत लिया है। 9 एक्स्ट्रास फेंकी गई, जिनमें 5 वाइड, 2 लेग 22 के रन शामिल, 2 नो बॉल के रन शामिल, ये एक्स्ट्रास दी गई टीम श्रीलंका की तरफ से। यहाँ पर अगर पार्टनरशिप्स को देखा जाए तो पहली विकेट 22 पर तिनाशे आउट हुए, दूसरी विकेट 96 के स्कोर पर ब्रायन डैनेट आउट हुए, बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली, 13वें ओवर के अंदर जाकर वो आउट हुए। तीसरी विकेट 105 के स्कोर पर सिकंदर रदा 14वें ओवर के अंदर आउट हुए, चौथी विकेट 112 के स्कोर पर शॉन विलियम्स 15